हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सैरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी बीफार्म फिफ्थ सेमेस्टर में जो है उसके हम लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे थे। तो इसका देखिए पार्ट वन हमने कवर कर लिया था, जिसमें जो भी उसके सारे जो टोटल क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट के एंड यूनिट सेकेंड के हमने कवर करे थे सिंगल वीडियो में। तो यहाँ पे हमारा यहाँ तक के जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 तक सारा कुछ कवर कर लिया था, जो कि यूनिट सेकेंड हमारी खत्म हुई थी। अब जो बाकी के रिमेनिंग 3 यूनिट्स हैं यानी कि यूनिट नंबर 3 जो कि कैप्सूल के बारे में है, यूनिट नंबर 4 जो कि पैरेंटल प्रोडक्ट और ऑप्थल्मिक प्रिपरेशन के बारे में है, एंड लास्ट में हमारी यूनिट नंबर 5 जो कि कॉस्मेटिक फार्मास्यूटिकल एरोसोल और पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। तो उसको आज हम पूरी सिंगल वीडियो में तीनों यूनिट्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा दूँ कि जो हमारी जो भी सब्जेक्ट है ना उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने 3 वीडियोस में कवर कर रहे थे। यहाँ पे देखिए लिखा है कि शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी एक सेपरेट वीडियो है तो वो अपलोड हो चुकी है, आप उसको देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हमने 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं। पार्ट वन जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जो कि लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। एंड पार्ट सेकंड यही आपकी वीडियो होने वाली है। और 3 वीडियोज़ आप जैसे ही देखोगे आप सारे सिलेबस के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा जो आपके जो और मेन जो सब्जेक्ट हैं, इकोलॉजी है, मेडिसिन, केमिस्ट्री है, तो उनके भी इस तरीके से सारा कंप्लीट हम करा चुके हैं। तो सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड आप मेरे को नेक्स्ट कमेंट करके बताइए कि जो हमारे 2 सब्जेक्ट बचे हैं कॉग्नोसी एंड ज्यूरिसप्रूडेंस, तो नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर करें, तो मेरे को कमेंट करके जरूर से बता देना। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं जो यूनिट नंबर 3 जो है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है डिस्क्राइब प्रोडक्शन ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड उसकी फिलिंग में कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। मतलब कि सिंपल पूछा है कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल कैसे बनते हैं, वो पूरी डिटेल आपने बतानी है। क्वेश्चन या तो इस तरीके से पूछा जाता है, अगर नहीं आता है तो फिर दूसरा पूछा जाता है कि जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, बाय रोटरी डाई प्रोसेस, एक मशीन होती है उसके द्वारा, तो उसका डायग्राम के साथ में बताना है। तो कोई भी इसमें से क्वेश्चन बन जाता है जो कि लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है। तो हम यहाँ पर वही स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3। तो देखिए हम इन क्वेश्चन को समझने से पहले ना हम पहले ये समझते हैं क्योंकि हमारी यूनिट वह कैप्सूल के, आखिर कैप्सूल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे, ताकि जो पूरी जो यूनिट है उसका बेस आपको क्लियर हो जाए और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनका आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो समझते हैं कि आखिर कैप्सूल क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही जो ने लिखा हुआ है कैप्सूल के बारे में, सिंपल तरीके से हम इसको समझते हैं, बिल्कुल भी आपने रटना नहीं है। देखिए कैप्सूल क्या होते हैं, आपने कभी ना कभी जब आप बीमार हुए होंगे या और भी कई रीजन से कोई हमारे मल्टीविटामिन वगैरह आपने कैप्सूल जरूर से लिए होंगे। तो कैप्सूल आपकी एक डोसेज फॉर्म है, जैसे कि टैबलेट है, इंजेक्शन है, सिरप है, ऐसे ही एक आपकी कैप्सूल भी है। तो कैप्सूल जैसे कि सिंपली मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास है, इस तरीके का होता है, वैसे भी आपने देखे ही होंगे। तो हम समझते हैं कि आखिरी कैप्सूल जो हम यूनिट में पढ़ रहे हैं ना इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, हम बेसिकली ये चीज़ समझ रहे हैं कि आखिर कैप्सूल क्या है, वो कैसे बने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं, पूरा प्रोडक्शन हम यहाँ पर समझने वाले हैं, जैसे कि आप इंडस्ट्री में काम करोगे। तो सिंपल हम बात करें कि जो कैप्सूल जो वर्ड है, ये जो कैप्सूल जो है एक लैटिन वर्ड कैप्सूला से आया है। कैप्सूला का मतलब होता है स्मॉल कंटेनर, एक छोटा सा बॉक्स, छोटा सा एक आप बोल सकते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हम सामान को रख सकें। तो ये सिंपल एक छोटा सा कंटेनर ही होता है जिसमें हमारी मेडिसिन को फिल कर दिया जाता है, वो हमारा कैप्सूल कहा जाता है। अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कैप्सूल इज ए सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म, एक सॉलिड है जिसके हम सामने देख रहे हैं, सॉलिड है, एक यूनिट डोसेज फॉर्म है। इस कैप्सूल को मैं एक बार में खा जाऊंगा तो एक यूनिट डोज होगी। इन विच मेडिकामेंट इज एनक्लोज इन ए स्मॉल कंटेनर और सेल विच यूजली मेड अप ऑफ जेलेटिन, जिसमें जो हमारी मेडिसिन जो है एक सेल के अंदर भरी होती है, इनक्लोज होती है। इसमें अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ इस तरीके से खुल जाएगा और इसमें ना आपको ना पाउडर यहाँ पर भरा हुआ मिल जाएगा। तो ये जो आपकी जो सेल है जो बाहर से नज़र आ रही है जो है ना, ये जेलेटिन की सेल होती है, जो कि जेलेटिन जो है ना हमारी बॉडी में भी पाया जाता है। तो इसको लेने से हमारी बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता या तो कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हमने जेलेटिन जो है उसकी सेल का हम यूज़ करते हैं। जेलेटिन जो सेल है उसको बनाने के लिए हम एनिमल से जेलेटिन निकालते हैं, देन उसके बाद हम पूरा यहाँ पर समझेंगे भी कि कैसे जेलेटिन की सेल बनाई जाती है। तो इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए कैप्सूल जो है ना वो कई सारे मैनी साइजेस में अवेलेबल हैं, छोटे बड़े, मतलब कि अभी मैं आपको बताऊंगा कई साइज़ के कैप्सूल्स हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं।
जिससे अपने डोज को इजिली अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे भर सकते हैं। एंड नेक्स्ट लिखा है कि इन कैप्सूल द अनप्रेजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ ड्रग कैन बी मास्क्ड बाय द टेस्ट लेस्ट जेलेटिन सेल। देखिए, जो अपने टैबलेट के बारे में अभी आपने सेकंड यूनिट में पढ़ा था, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जो ऐसी मेडिसिन जिनका टेस्ट बहुत ख़राब है, जिसमें से ऑर्डर जो है ना, मतलब कि उसकी जो खुशबू वो अच्छी तरीके से नहीं आती है, अनप्लीजेंट है, तो उसको खाने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार बच्चों को उल्टी भी हो जाती है, बड़े लोगों को उल्टी भी हो जाती है। तो उसी प्रॉब्लम को ना यहाँ पर ओवरकम करने के लिए हमने ये मेथड अपनाया कैप्सूल का, कि सिंपल इसमें कवरिंग है, एक एनवलप है, एक मतलब कि कंटेनर है, उसमें मेडिसिन को भर दो, है वो कैसे ही सही, खट्टी सही, मीठी सही, कैसी भी सही, कैसी ही उसमें खुशबू आ रही सही, उसको हमें पता ही नहीं चलेगा, हमारी बॉडी में वो पहुंच जाएगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था कि ये टेस्ट को और ऑर्डर को मास्क कर देता है। इसमें देखिए, मोस्टली जो हमारे जो कैप्सूल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। ये मेरे सामने जो है आपका हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है, इसका देखिए आपको ये दिखेगा ये कि ये कैप है, ये ऊपर से खुल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कैप नीचे बॉडी होती है, बॉडी में जो है ना आपकी मेडिसिन भरी होती है और कैप जो होता है कैप को ऊपर से फिल कर दिया जाता है। तो सिंपल आपने समझा कि क्या है कैप्सूल। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो कैप्सूल जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे कैप्सूल देखोगे, पहला देखिए वो है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, यानी कि ऐसा कैप्सूल जिसकी जो सेल है वो थोड़ी हार्ड रहती है। जो ना मेरे सामने कैप्सूल जो है ना, ये इसकी सेल काफ़ी हार्ड है। एक होता है आपका सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, बहुत ही मुलायम सी उसकी बाहर की कवरिंग होती है, वो मेरे पास है नहीं। आपने विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो देखा होगा, जिसको हम अपने चेहरे पर भी लगाते हैं और उसको खाते भी हैं, तो वो हमारे सॉफ्ट जेलेटिन के कैप्सूल होते हैं। तो जो आपके हार्ड जेलेटिन के कैप्सूल होते हैं, उसमें मोस्टली आपकी पाउडर ड्रग जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है वो भरी जाती है, या फिर पैलेट्स भरी जाती है, मतलब कि छोटी छोटी इस टाइप की गोली सी होती हैं जिनको हम पैलेट बोलते हैं, तो या तो वो भरी जाती हैं। लेकिन जो आपके सॉफ्ट जेलेटिन जो आपके कैप्सूल होते हैं, उसमें या तो कोई जेल भरा जाएगा, लिक्विड भरा जाएगा, सेमी सॉलिड कंटेंट भरा जाएगा। तो ये सिंपल से इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल लिखा है कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज ए टाइप ऑफ कैप्सूल इन विच पाउडर या पैलेट्स ऑफ ड्रग फिल्ड इन जेलेटिन सेल। जेलेटिन सेल में कोई भी पाउडर या पैलेट्स वगैरह भर दी जाती हैं, और इसकी जो जेलेटिन सेल है काफ़ी हार्ड होती है, या बोले तो ये थोड़ी कठोर होती है। इसमें दो पार्ट होते हैं, कैप एंड बॉडी, जो कि सॉफ्ट जेलेटिन में नहीं होते, सिंपल एक ही उसकी सेल नजर आएगी। तो यहाँ पर लिखा है कि जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो होती है, उसमें जो मेडिसिन जो भरी होती है वो या तो लिक्विड भरी होगी, या जेल, या सेमी सॉलिड कई बार हम उसमें भर देते हैं। एंड ये जो आपके सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है, ये बहुत ही सॉफ्ट होने की वजह से ये हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के कंपेरिजन में जल्दी ये जो है ना डिजॉल्व हो जाते हैं हमारे स्टोमक के अंदर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगी क्या होते हैं हार्ड जेलेटिन एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। अब इसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बारी बारी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड यहाँ पे जो सारे नोट्स लिखे हुए हैं ना, क्वेश्चंस के और भी नोट्स वगैरह, आप सिंपली फार्मेसी वाला ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, या फिर लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर ना आप कोर्स में एनरोल कर लो, वहाँ से सारे जो नोट्स हैं उनकी एक्सेस आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप चेक कर लेना प्ले स्टोर पर जाकर के। तो यहाँ पे देखिए एडवांटेज की बात करें, तो देखिए टेस्ट लेस और ऑर्डर लेस जो डोसेस फॉर्म है, ये हमारी मतलब कि हमें कोई भी पता नहीं चलता कि हमारी मेडिसिन का कैसा टेस्ट है, कैसे खुशबू है, नहीं है, वो डायरेक्टली हमारे अंदर चली जाती है। दूसरा कि मिनिमम एक्सिपिएंट रिक्वायर्ड फॉर कैप्सूल। आपने देखिए एक चीज़ नोट करी कि यहाँ पे जो आपकी मेडिकामेंट है इसके अंदर भर दी गई है, तो यहाँ पे कई सारे एक्सिपिएंट जैसे कि वाइंडर वगैरह का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, और भी कई चीज़ें यहाँ पे यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी जो कि टैबलेट को बनाने के दौरान यूज़ करनी पड़ती थी, कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसके ना फायदे हो जाते हैं, मतलब कि कम खर्चा इसमें आता है। दे आर इजी टू हैंडल एंड कैरी, इजली उसको आप हैंडल कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वो GI इरिटेशन भी कॉज नहीं करते हैं, एंड सुटेबल फॉर ड्रग विच हैव विटर टेस्ट एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर। ऐसी मेडिसिन जिनका टेस्ट अच्छा नहीं है और अनप्लीजेंट ऑर्डर है, तो उनको भी हम इजिली इसमें फिल कर सकते हैं। ये कम खर्चीले होते हैं, इकोनॉमिकल है, एंड इजी टू स्वेलो, इजली हम इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं बॉडी में। तो ये हो गया इसके एडवांटेज। बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहला है कि बल्की मटेरियल, जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन है या उसकी 1000 mg से ज़्यादा की मेडिसिन है, तो उसको हम इजिली कैप्सूल में फिल नहीं कर पाते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा है कि नॉट सुटेबल फॉर हाईली सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। कुछ सब्सटेंस हमारे बहुत ही ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, तो वो ईजिली इसमें नहीं भरे जा सकते, क्योंकि वो यहाँ से ईजिली पेनिट्रेट कर जाते हैं जेलेटिन के सेल को। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर हाइग्रोस्कोपिक ड्रग विच कैन एब्जॉर्ब वाटर। हाइग्रोस्कोपिक कहने का मतलब है जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके हमारा नमक जो होता है बाहर रख देते हैं हम उसको, वो थोड़ा देर में गीला हो जाता है, तो हमारा ना हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, तो ऐसी मेडिसिन हम इसमें फिल नहीं कर सकते और वो ज़्यादा स्टेबल इसमें नहीं रह पाएगी।
नेक्स्ट है दे रिक्वायर स्पेशल स्टोरेज कंडीशन, उनको हम अच्छे से स्टोरेज कंडीशन में ही रखते हैं तभी वो जो ना अच्छे तरीके से टिक पाते हैं। लास्ट में है आल्सो नॉट सुटेबल फॉर हाईली एफ्लोरसेंट एंड हाईली डेलिक्यूसेंट मटेरियल। एफ्लोरसेंट का मतलब मैंने लिखा है कि लॉस वाटर इन एयर कॉन्टैक्ट, वो जब भी कॉन्टैक्ट में आते हैं एयर के तो वो वाटर रिलीज करते हैं, उनको हम एफ्लोरसेंट मटेरियल बोलते हैं। डेलिक्यूसेंट किसको बोलते हैं, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड डिजोल्व इन लिक्विड, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एयर से और लिक्विड में वो एकदम कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे मटेरियल भी हमने इनमें फिल नहीं कर पाते हैं। क्लियर हो गया, तो यह है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कैप्सूल। तो अभी आपको ना बेसिक क्लियर हो गया होगा, अब हमने बारी बारी से समझते हैं जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं और फटाफट से यूनिट को हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो हमारा पहला यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो है एक्सप्लेन प्रोडक्शन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ पाउडर फिलिंग इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। पूरा 10 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, या तो ये आएगा कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कैसे बनते हैं पूरी प्रोडक्शन बताइए उनकी, या फिर पूछा जाता है कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कैसे बनते हैं पूरी रोटरी डाई प्रोसेस के थ्रू, उसको डायग्राम बना करके समझाइए। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए अभी आपने जाना है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल ऐसे कैप्सूल जिनकी जो सेल जो होती है बाहर की वो हार्ड जिलेटिन की बनी होती है, मतलब कि जिलेटिन की सेल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है जिसमें एक कैप होता है जो कि स्मॉल साइज में होता है, एक बॉडी होती है जो कि लॉन्गर साइज में होती है जिसमें मेडिकमेंट भरी होती है, इतना भी आपने जाना। और इसी जेलेटिन के सेल में या तो आप ड्राई पाउडर भर सकते हैं या फिर पैलेट्स को भर सकते हैं, इसमें कोई भी लिक्विड वगैरह नहीं भरा जाता हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हार्ड जेलेटिन जो कैप्सूल्स होते हैं वो कई साइजेस में अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि देखोगे ना यहाँ पे ना 8 साइज अवेलेबल है मार्केट में, 000 जो सबसे बड़ा साइज है, फिर 00, 01, 23, 24, 25। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में कई साइज के कैप्सूल अवेलेबल हैं जिसमें सबसे बड़ा जो कैप्सूल है उसका नेम है 000 साइज कैप्सूल और जो सबसे छोटा है उसका नेम है कैप्सूल नंबर 5। तो यहाँ पे सिंपल सी बात वही लिखा है कि जो 000 जो कैप्सूल जो होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं साइज में और उसमें ना हाइयर डोज आप ना 1 ग्राम तक भी भर सकते हैं, यानी कि 1000 मिलीग्राम 1000 mg तक वहाँ पे इजिली भर पाते हैं। दूसरा जो आपका 5 नंबर का जो है उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 mg 20 mg या 40 mg तक ही वहाँ पे भर पाते हैं। तो यहाँ पर देखोगे मेरे पास ना ये एमोक्सिसिलिन 250 है, 250 मिलीग्राम का है, तो इसका जो नंबर है ना वो यहाँ पे 1 या फिर 2 के बीच में होगा। अभी आप आगे भी देखेंगे कितने नंबर के कैप्सूल में कितना कंटेंट आप भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी सिंपल आपने इंट्रो समझा कि आखिर क्या है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, क्वेश्चन इस तरीके से आपने लिखना है। अब मुद्दे पर आते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि आखिर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप को डिटेल में आपने बता दिया, मतलब कि क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। पहला है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ कैप्सूल साइज, कि सबसे पहले जो भी आप फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, मतलब कि अगर आप सपोज करो कि ये जो एमोक्सिसिलिन आपने बनाई है तो एमोक्सिसिलिन आपकी मेन API होगी, उसमें कई सारे एक्सिपिएंट आपने ऐड किए होंगे, तो उसका आपने फॉर्मुलेशन तैयार करना है। वो तैयार तभी करना होगा, पहले आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपने कितने साइज का कैप्सूल बनाना है, इसमें से कितने साइज का, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 000 के साइड में जाना, मतलब कि अकॉर्डिंग टू नीड कि कितने mg का आपने कैप्सूल बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपने उसका साइज सेलेक्ट करना होगा। देन साइज सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मुलेशन आपने बना के रखा है, लेकिन उससे पहले आपने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की सेल बनानी होगी। मतलब अगर मैं इसको फाड़ूं, जैसे कि ये शायद इस तरीके से ना अब ये सील हुआ पड़ा है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ये ना पुराना कैप्सूल है फट भी गया है, ठीक है, ये डिकम्पोज भी यहाँ पे हो गया है, तो इसमें देखोगे ना ये आपका मेडिकामेंट यहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब ये जो है एक्सिपिएंट और API का मिक्सचर है, तो इसी को हम बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट प्रोडक्शन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल, जो कैप्सूल की सेल है जो अभी ये चीज़ फटी है ये भी हमें ना अलग से बनानी होती है। अगर हम सिंपल बात करें कि ये जो है इसकी कैप्सूल की सेल है ये हमें बनानी होती है सेकेंड स्टेप में, कैसे बनेगी वो भी हम देखेंगे। तीसरा है फिलिंग ऑफ कैप्सूल, अब ये हमारी सेल बन गई, इसको हमने ऐसे करके फिल कर देंगे अच्छी तरीके से, फिर होगा सीलिंग ऑफ कैप्सूल। देखो ये ऊपर से फटा है यानी कि यहाँ से ना सील हुआ पड़ा है, ये सील हुआ पड़ा है वरना ये इजिली यहाँ से खुल जाता। तो चौथा पॉइंट होगा सीलिंग ऑफ कैप्सूल, कैसे सील किए जाते हैं वो हम देखेंगे। लास्ट में है क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ कैप्सूल, जैसे कि अभी हम जैसे इसको भर देंगे तो बाहर से भी ना कुछ यहाँ पे आपका कैप्सूल के बाहर पाउडर वगैरह लगा रह जाता है, तो उसको आपने साफ करना होता है, पॉलिश करके चमकाना होता है। तो क्लियर हो गया, तो सबसे पहले स्टेप है कि आपने ना ये जो है ना फॉर्मुलेशन जो आपका API और एक्सिपिएंट है ये तैयार करना होगा। ठीक है, अभी मैंने इसको साइड में इस तरीके से कर देता हूँ क्योंकि मैं पेज पलटने जा रहा हूँ।
क्लियर हुआ आपको यहाँ पे चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, रटना नहीं है। तो पहला पॉइंट है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एंड कैप्सूल साइज सेलेक्शन, कि सबसे पहले जी आपने ना कैप्सूल के साइज़ को सेलेक्ट करना है ताकि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें अपनी जो भी एपीआई और एक्सीपिएंट है वो जितनी क्वांटिटी में आप फिल करना चाहते हैं वो आप फुलफिल कर सकें। तो सिंपल है कि फॉर कैप्सूल प्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्सूल साइज इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एपीआई एंड एक्सीपिएंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने दिखा रखा है कि साइज़ जो है जिसकी 000001 2 3 4 5, तो उसमें कितना कंटेंट आ सकता है। अगर जी आपने 950 या 1 ग्राम यानी कि 1000 मिलीग्राम तक अगर आपने भरना है तो आपने 000 कैप्सूल के साइज़ की तरफ जाना होगा। अगर आपने 100 मिलीग्राम तक देखना है तो कैप्सूल नंबर 5, 150 के लिए 4, 200 के लिए 3 एंड 250 के लिए कैप्सूल नंबर 2 पर जाना होगा। तो अभी जो हमने कैप्सूल जो फाड़ा है उसमें 250 मिलीग्राम था, मतलब कि वो कैप्सूल का साइज़ जो है ना वो कैप्सूल नंबर 2 था। क्लियर हो गया। अगर उनके साइज़ की बात करें जो कि एमएम में नापा गया है वो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपने इस चार्ट को थोड़ा यहाँ पे समझ सकते हैं। मोस्टली आपने इन दोनों को याद रख लो कि साइज़ का कैप्सूल का कितना साइज है उसमें कितना कंटेंट आ जाता है। ठीक है, क्लियर होगी चीज़ें। अब हमने जी सपोज कर लिया कि हमने 250 मिलीग्राम वाला एमोक्सिसिलिन का कैप्सूल बनाना है, तो हमने ये 2 नंबर साइज़ का कैप्सूल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में आपने बनाना होता है कैप्सूल की सेल, जो अभी आपने सेल को यहाँ पे फाड़ा है उसी सेल को यहाँ पे हमने बनाना होता है। इसकी हमारी सेल है, अब ये कैसे बनेगी अभी हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, लेकिन उसके दौरान साथ के साथ ही आपने पूरा फॉर्मुलेशन भी तैयार करना होता है, जो कि अभी पाउडर हमारी कैप्सूल से निकला है, क्योंकि एपीआई और एक्सीपिएंट का मिक्सचर होता है। तो आपने एपीआई यानी कि एमोक्सिसिलिन लिया और उसमें डाइल्यूएंट्स डाले, ग्लाइडेंट्स डाले, ल्यूब्रिकेंट डाले, डिसइंटीग्रेंट डाले, स्टेबलाइजर डाले, ओपेसिफायर डाले, सभी को मिक्स करके फॉर्मुलेशन तैयार कर लिया। एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुई, साथ के साथ दूसरी स्टेप भी आपने साथ के साथ चलानी होती है, वो है प्रोडक्शन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल, या फिर उसको पहले से भी आप बनवा के रख सकते हैं। आपने पहले से ही सेल और कैप को पहले से बनवा के रख लिया है, अगर नहीं बनवा के रखा है तो आपने साथ के साथ इसको चालू करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है कि हार्ड जिलेटिन सेल प्रोड्यूस सेपरेटली इन विद कंटेंट फिल्ड, ये हमारा सेपरेटली बनाया जाता है जिसमें कंटेंट हमारा फिल होता है। तो यहाँ पे जो हार्ड जिलेटिन की जो कैप्सूल की जो सेल है तो ये किसके चीज़ की बनी होती है, मतलब कि इसके भी तो कंपोनेंट होंगे। तो जिसके हम बोल रहे हैं कि जिलेटिन की सेल है, तो जिलेटिन तो हमारा मेन कंपोनेंट हो गया, उसके साथ भी इसमें हमारे प्लास्टिसाइजर यूज़ होते हैं जो कि उसको थोड़ा ना मतलब कि सॉफ्ट करते हैं। कुछ हमारे इसमें कलरेंट्स भी यूज़ करते हैं, इसके इसमें देखिए येलो कलर आ रहा है, इसमें थोड़ा ग्रे कलर सा आ रहा है, तो ये यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कलरेंट्स। एंड कुछ हमारे वेटिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं यानी कि सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं जिसकी सोडियम लोरल सल्फेट है। एंड लास्ट में है प्रिजर्वेटिव जो कि हमारे मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन, जो कि हम हमारी जो सेल है उसको डिकम्पोज होने से बचाते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हमने मिक्स किया, जेलेटिन को, प्लास्टिसाइजर को, कलरेंट को, बेटिंग एजेंट को, प्रिजर्वेटिव को, और एक मिक्सचर बना लिया, सॉल्यूशन तैयार कर लिया। ठीक है, अब हम बनाते हैं कि आखिर कैसे हमारी ये सेल यहाँ पे बनेगी इसकी। तो इसके ना कई स्टेप है, प्रोसीजर हम समझते हैं 4-5 स्टेप में। एक है डिपिंग, फर्स्ट पॉइंट मतलब कि फर्स्ट स्टेप है डिपिंग करना, दूसरा है रोटेशन करना, तीसरा है ड्राई करना, चौथा है स्ट्रिप करना, एंड लास्ट में है हमारा ट्रिमिंग एंड जॉइनिंग एंड लास्ट में पॉलिशिंग। तो सिंपल सा समझते हैं कि इस तरीके से आप समझो कि ये जो है ना एक सॉल्यूशन आपने तैयार किया, सॉल्यूशन किसका, जिसमें जेलेटिन है और भी कंपोनेंट जैसे कि ओपेसिफायर था हमारा उसमें ग्लिसरॉल वगैरह जो आपने डाला था, एंड इसके अलावा कलरेंट्स आपने डाला था, उसमें सर्फेक्टेंट डाला था, तो उसको मतलब कि जेल जेलेटिन का मिक्सर यहाँ पे बना करके आपने घोल बना करके तैयार कर लिया, और इसको ना हमने कम से कम 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे ना गर्म कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म है भी सॉल्यूशन हो गया। अब हमारे पास ना कुछ खांचे से होते हैं जिसके ये जो है ना ब्लैक कलर में जो नज़र आ रहे हैं ये ट्यूब लाइक खांचे होते हैं, और उनको ना ये जो पिन होती हैं उनको हम इसमें डुबोते हैं। अब जैसे ही ये बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे है यानी कि 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है अभी, तो जैसे आप इसमें डालोगे तो अभी तो लिक्विड होगा, लेकिन जैसे आप इसको ठंडा करोगे ना ये जम जाएगा और इस पर एक कवरिंग बना लेगा, एक इस तरीके की सेल बना लेगा। आप सिंपल ऐसे एज्यूम करो कि आपके पास ना कुछ प्लास्टिक है, प्लास्टिक का कुछ आपने मतलब कि बोटल्स वगैरह बहुत सारी आपने ना उनको गर्म किया, गर्म करके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब आपने कोई लोहे की चीज़ ली और उस पर ना इस तरीके से उसको डुबो दिया, और जैसे आप गर्म को उसमें मतलब कि उसके अंदर डालोगे मतलब कि लोहे की चीज़ को, तो वो जो लिक्विड है उसके ऊपर चारों तरफ चिपक जाएगा। अब उसको ठंडा करोगे ना तो वहाँ पर अगर आप उसको बाहर निकालोगे एक कैप्सा बन के बाहर निकलेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे
कि सबसे पहले जो भी मटेरियल है जेलेटिन सॉल्यूशन वो आपने तैयार किया, उसको इतना गर्म कर लिया। पहला पॉइंट है कि जो भी खांचे होते हैं, पिंस जो होती हैं, जो कि एकदम रिक्वायर्ड जो भी शेप आपने चाहिए होता है वो मेजर करके बनाई गई होती हैं, तो वो आपने यहाँ पे डिप करनी। जैसे आप डिप करोगे उसके बाद में सेकेंड स्टेप आती है रोटेशन। रोटेशन का मतलब है कि अब ये जो पिन है, अब इन पे ना पूरी जो जेलेटिन की लेयर वो एक जैसी चारों तरफ फैल जाए, कहीं मोटी कहीं पतली ऐसा ना हो, तो उसको हमने ऐसे रोटेट करते हैं ताकि वो एकदम सिमिलर चारों तरफ वो दिखे, उसकी मोटाई थिकनेस बराबर रहे। देन हम थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं, वो है ड्राइंग, कि उसको हम एक ड्राइंग चैम्बर की तरफ से निकालते हैं ताकि वो जो है ना सूख जाए। अब जैसे ही सूख जाएगा फिर हम इन खांचों से उस यानी कि जो बाहर की कवरिंग जो हार्ड हो चुकी है उसको स्ट्रिप करके बोले तो काट करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस ना कैप के लिए भी दोहराई जाती है और बॉडी के लिए भी। बॉडी के खांचे अलग होते हैं, अलग शेप के होते हैं, ऐसे ही कैप जो ऊपर कैप जो होता है उसके खांचे भी इसी शेप के होते हैं। ठीक है, तो दोनों को हम सेम इसी प्रोसेस से दोहराते हैं। लास्ट में जाके जो स्ट्रिप के बाद जो आपकी यहाँ पे निकलती है, यानी कि जो भी आपकी ये रेड कलर में आपको दिखा रहा हूँ ये बाहर निकल के जेलेटिन की सेल आई है, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपने इसको कट कर देना है। जैसे अगर ये ज़्यादा बड़ी है तो इसको कट कर दिया, या बोले तो कैप्सूल के साथ अगर आपने और छोटा करना है तो और छोटा कट कर दिया, तो ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पर कट कर देना है। देन जो आपके बॉडी है और जो आपका कैप जो है, जो आपने दो बार बार मेथड से बनाए हैं, तो बाद में जाकर के उनको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में उस पर आप पॉलिश करके उसको चमका सकते हैं। तो यह है सिंपल सा मेथड कि कैसे जेलेटिन की सेल बनाई जाती है। आपने सिंपल इसी डायग्राम से समझ लिया। अब यही जो पॉइंट है डिपिंग, रोटेशन, ड्राइंग, स्टेपिंग, ट्रिमिंग, ज्वाइनिंग, वो यहाँ पे ना पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। सिंपल सी थ्योरी लिखी है कि सबसे पहले कि ये क्या होता है कि पेयर ऑफ स्टेनलेस स्टील पिंस डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ जेलेटिन, कि कई सारे पेयर की जो आपकी पिंस जो होती है वो जेलेटिन के सॉल्यूशन में डिप की जाती हैं, जिनका जो शेप जो होता है एकदम डिजायर्ड शेप होता है, जितना हमको साइज चाहिए होता है उतने ही साइज की वो पिन होती हैं। तो जेलेटिन के जो सॉल्यूशन है ना वो हीट किया जाता है 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। देन क्या होता है, जैसे वो डिप कर दी जाती है उसको हमने रोटेट करते हैं। आफ्टर दैट पिंस आर रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पिनर फॉर यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ जेलेटिन। मैंने बोला था ना कि जैसे कि ये इसके चारों तरफ जेलेटिन की लेयर चढ़ी है तो कहीं मोटी कहीं पतली ना रहे, इस वजह से इसको हमने रोटेट करते रहते हैं ताकि वो सिमिलर वहाँ पे एकदम हर जगह एक जैसे उसकी थिकनेस बनी रहे। नेक्स्ट है ड्राइंग, उसको हम ड्राइंग चैम्बर से पास करते हैं ताकि जो भी आपका जो जेलेटिन की जो लेयर वहाँ पे बनी है वो सूख जाए और एक सेल का रूप लेने लग जाए। लास्ट में स्ट्रिपिंग, यानी कि एक हम लास्ट में जा करके उसको पिन से रिमूव कर देते हैं, स्ट्रिप कर देते हैं बाय यूजिंग नाइफ या फिर चाकू का हम यूज़ करते हैं। लास्ट में है ट्रिमिंग एंड जॉइनिंग, मतलब कि अपने नीड के अकॉर्डिंग जितना साइज आपने कट करना है बॉडी का या कैप का वो हम काटते हैं, फिर बॉडी और कैप को यहाँ पे जोड़ देते हैं। लास्ट में है पॉलिशिंग, कि उसकी भाई किसी क्लॉथ से, ब्रश से या पेन पॉलिशिंग वहाँ पर हम कर देते हैं। क्लियर हुआ? अभी आपने सिंपल दो स्टेप समझी कि आपका भाई फॉर्मुलेशन बनकर रेडी है, आपने कैप्सूल का साइज सेलेक्ट कर लिया, कैप्सूल की सेल भी आपके पास बनकर के आ गई हैं। अब यहाँ पे जो हमारा मटेरियल जो हमने बाहर निकाला था, अब उसको ना इस वाली सेल में भरना है। अब भरने का जो तरीका है ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसे भरना है। तो थर्ड पॉइंट हो गया आपका जी फिलिंग ऑफ कैप्सूल, है ना? बिल्कुल ऐसा समझो जैसे कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि कैप्सूल फिलिंग मे बी डन बाय हैंड या मशीन। यहाँ पे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में ये फायदा रहता है कि आप इसको ना हाथ से भी कर सकते हैं और मशीनरी का भी यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल वो हमेशा और हमेशा मशीन से ही बनाए जाते हैं, हाथ से नहीं बनाए जा सकते। तो दोनों में ना एक ही मैकेनिज्म काम करता है, या तो आप हाथ से भर लो या मशीन से भर लो। तो सबसे पहले होता है लोडिंग ऑफ एम्प्टी सेल इन फिलिंग मशीन। देखिए यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा रोकूंगा, आप एक ना शॉर्ट वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पहले से ना एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसी मशीन होती है, कैसे वहाँ पे हम काम करते हैं। Thank you.
तो यहाँ पे देखिए, अभी सिंपल आपने वीडियो देखी होगी ना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो पॉइंट आता है वो है लोडिंग ऑफ एम्प्टी सेल इन फिलिंग मशीन। जैसे कि हमारी खाली सेल है, सबसे पहले उसको हमने लोड करना होता है, उन गड्ढों से में भरना होता है। जैसे कि वो सिंपल मैंने ना यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम में समझा रखा है कि आपके जेलेटिन की सेल यहाँ पे खाली पड़ी हुई है, अब उसको ना आपने इस तरीके से ना भर दिया है, इस तरीके से गड्ढों में उसमें जो मशीन थी उसमें आपने यहाँ पे सेट कर दिया है। देन सेकंड स्टेप आती है रेक्टिफिकेशन ऑफ सेल। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है करेक्शन, कि आपने ये इंश्योर करना है कि आपकी जो कैप्सूल की जो सेल है उसकी बॉडी नीचे को रहे और उसको कैप ऊपर को रहे, कभी उल्टा ना हो जाए। तो आपने अच्छे तरीके से ना सब कुछ चेक कर लेना है कि भाई जो बॉडी है वो नीचे को रहे, कैप ऊपर को रहे, उसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। या फिर कोई ख़राब कैप्सूल हो तो उसको बाहर निकाल दें, वो कहा जाता है करेक्शन। तो लिखा है कि इन दिस स्टेप बी अलाइंस द कैप्सूल इन राइट डायरेक्शन, देयर कैप्स टर्नड अप एंड बॉडीज डाउन। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ कैप एंड बॉडी। अब हम ऊपर से वहाँ पे पुश करते हैं, अब तो पंच करते हैं, जो भी आपकी मशीन जो होती है वो कैप को अलग कर देती है, बॉडी वहीं वहीं की वहीं रुक जाती है। तो आफ्टर डैट कैप एंड बॉडीज ऑफ जेलेटिन सेल सेपरेटेड, उनको हम सेपरेट करते हैं। और जो भी हमारा मटेरियल था अभी जो हमने एमोक्सिसिलिन का निकाला था, वो फॉर्मुलेशन जो हमने तैयार करके रख रखा है, वो हम उसमें भर देते हैं। वही कहा जाता है फिलिंग ऑफ बॉडी। इन दिस स्टेप एपीआई जो एक्सीपेंट का जो मिक्सचर है, जो हमने वे करके एकदम एक्यूरेट वे किया था कि कितने कैप्सूल में कितना भरना है, तो उसके बाद हमने उसको भर देना होता है, उसको हम बोलते हैं डोजिंग। लास्ट में क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ बॉडी एंड कैप। बॉडी और कैप को यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद में लास्ट में होता है इजेक्शन, यानी कि अब उस मशीन से उसको बाहर निकाल देते हैं। एट लास्ट फिल्ड कैप्सूल्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मशीन एंड कलेक्टेड इन कंटेनर। तो ये सिंपल सी स्टेप है फिलिंग। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल मैंने वही दिखा रखा है कि जेलेटिन कैप्सूल पहले खाली पड़े हैं सेल, पहले उनको आपने लोड किया, जो भी आपकी मशीन है उसका रेक्टिफिकेशन किया, सही तरह जांच कर ली, फिर कैप्सूल जो सेल है उससे मतलब कि उसमें जो बॉडी है उसको उससे कैप से अलग किया है, बॉडी कैप दोनों अलग हो चुके हैं। देन अपना जो ड्रग का मटेरियल वो अपने बॉडी में फिल कर दिया है, देन उसके बाद में कैप और बॉडी को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है, जोड़ दिया है, उसके बाद इजेक्शन करके बाहर निकाल दिया है। इस तरीके से आपका जो कैप्सूल है हार्ट जेलेटिन कैप्सूल वो भर के रेडी है। अब इसके अंदर देखिए कई तरह की मशीन यहाँ पे यूज़ होती हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मशीन जो यूज़ की जाती हैं कैप्सूल की फिलिंग करने में। एक है मैनुअल कैप्सूल फिलिंग मशीन, जो कि मतलब हाथ से ही सारा कुछ पाउडर वगैरह डालना होता है, दोनों कैप एंड बॉडी को सेपरेट करना होता है, वो सारी चीज़ें हाथ से होती हैं, जो कि अभी आपने वीडियो में देखा ही था। दूसरा होता है सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन। इसमें क्या है कि जो फॉर्मुलेशन का जो मटेरियल है वो तो आपने खुद डालना होता है, लेकिन बाकी की जो सारी प्रोसेस है, कैप्सूल का कैप को हटाना, फिर बॉडी से जोड़ना, रिजॉइन करना, वो सारे जो काम है वो हमारा कौन करता है, मशीन करती है, उसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक। लास्ट में है ऑटोमेटिक, मतलब कम्प्लीटली ये हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, वो फॉर्मुलेशन को भी खुद ले लेती है, देन उसमें अपने जो बॉडी और जो सेल है उसको सेपरेट भी कर लेती है, फिल भी कर लेती है, फिर उसका इजेक्शन भी कर देती है। तो इस टाइप की हमारी मशीन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी आपने थर्ड स्टेप यहाँ पे कवर करी कि आपने जी कैप्सूल को फिल कर दिया। अब कैप्सूल को फिल करने के बाद में उसका जो कैप है वो अच्छी तरीके से टाइट नहीं है, वो ईजिली खुल सकता है। तो जैसे कि ये अच्छी तरीके से यहाँ पे ना पोल यहाँ पे सील करके यहाँ पे मतलब चिपका रखा है, जैसे कि ये यहाँ से सील इस तरीके से हो रखा था, बाहर निकल गया, तो इसकी सीलिंग की जाती है कि ताकि जो भी मटेरियल है वो जल्दी सीलिंग की जाती है, ताकि जो मटेरियल है वो जल्दी से बाहर नहीं गिर सके, मतलब मेडिसिन बाहर ना निकले। तो सीलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, बोल सकते हैं वेल्डिंग सी की जाती है कैप एंड बॉडी के बीच में। तो लिखा है कि आफ्टर फिलिंग ऑफ कैप्सूल दे आर सील्ड प्रॉपरली फॉर प्रिवेंटिंग लीकेज ऑफ ड्रग, ड्रग वहाँ से लीक ना हो। तो उसके दो तरीके हैं, बाय हीट वेल्डिंग प्रोसेस। हीट वेल्डिंग, वेल्डिंग का मतलब ही होता है जोड़ना, जिसके हम लोहे की वेल्डिंग करते हैं। हीट का मतलब है कि सिंपल जो हमारा कैप जो अभी हमारा निकल के भाग आया ना, जिसकी मैं सिंपल दिखाऊं, तो उसका थोड़ा उसको थोड़ा सा हम हीट करते हैं, थोड़ा सा ये हमारा हीट होता है, ये दोनों हीट हीट होकर के ये मेल्ट होकर के चिपक जाते हैं। तो ये कहा जाता है हमारा बाई हीट वेल्डिंग प्रोसेस। सेकेंड है बाई यूजिंग लिक्विड वेटिंग एजेंट। कुछ हमारा लिक्विड होता है जिसको हम ना इस तरीके से यहाँ पे डालते हैं और इस कैप के अंदर डाला जाता है, तो क्या करता है वो ना इसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, तो थोड़ा सा वो मुलायम हो जाता है कैप्सूल वहाँ से, और वो चिपकने लग जाता है। जिसकी सिंपल जो हमारी फेविक्विक होती है वो यही तो करती है, आपने देखा होगा अक्सर कि हम जो प्लास्टिक पे डालते हैं उसको ना मुलायम कर देती है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देती है, फिर वो चिपक जाता है। सेम वही है बाय यूजिंग लिक्विड वेटिंग एसेंट। तो ये दो तरीक़ों से आप यहाँ पे इसको सील कर सकते हैं।
लास्ट में है क्लीनिंग एंड फिनिशिंग, कि भाई आपने कैप्सूल में जो है ना अभी पूरा पाउडर वगैरह भर रहा था, तो पाउडर्स के साइड में भी रह सकता है और ये थोड़ा गंदा सा भी दिख सकता है, तो आपने उसको ना पहले क्लीन करना होता है, फिर अच्छी तरीके से पॉलिशिंग एजेंट का यूज़ करके उसको उस पर पॉलिश कर देनी है। क्लॉथ पॉलिशिंग कर सकते हैं, पैन पॉलिशिंग मतलब बर्तन में घुमा करके पॉलिशिंग कर सकते हैं, ब्रशिंग कर सकते हैं, तो इस तरीके से लास्ट में अपने फिनिशिंग देनी होती है अपने प्रोडक्ट को। तो ये जो अभी सारा कुछ आपने देखा है, वो देखा है कि कैसे आपके हार्ड जेलेटिन कैप्सूल बनाए जाते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, सारी स्टेप आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट जो देखते हैं कि या तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है या फिर पूछा जाता है कि आपके सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल क्या है और उनका प्रोडक्शन बताइए रोटरी डाई मशीन का यूज़ करके विद डाइग्राम। तो देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए सिंबल पहले हमने समझ लिया था इसी वजह से कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं, बेसिक क्लियर ही है आपका कि ऐसे कैप्सूल जिनकी जो सेल जो होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल जेलेटिन की वो बनी होती है, एंड इनमें जो है ना कोई आपका लिक्विड वगैरह या कोई जेल वगैरह भरा जाता है। तो लिखा है कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल आर वन पीस सील्ड सॉफ्ट जेलेटिन सेल डेट यूज फॉर फिलिंग लिक्विड सेमी सॉलिड या सस्पेंशन, इन्हीं को हम इसमें भरते हैं, सॉलिड इसके अंदर नहीं भरा जाता। एग्जाम्पल जैसे हमारे विटामिन ई के जो कैप्सूल आते हैं जिसको हमने चेहरे पर भी लगाते हैं, तो ये हो गए सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। ये कई टाइप के अवेलेबल होते हैं जिसके राउंड शेप, ओवल शेप एंड ट्यूब लाइक शेप, उनका शेप चेंज होता रहता है, उनकी क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है। राउंड वाले सबसे छोटे होते हैं, ओवल उससे थोड़े बड़े, ट्यूब लाइक और भी ज़्यादा कंटेंट को वो वहाँ पे कैरी कर सकते हैं। ये जो है ना आपके कलर्ड भी हो सकते हैं, कलरफुल भी हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं। एंड इसकी जो सेल है यानी कि जैसे कि अभी हमने सेल देखी थी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की, वो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की सेल भी जेलेटिन की बनी होती है, उसमें कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, प्लास्टिसाइजर ग्लिसरॉल या सोर्बिटॉल का हम यूज़ करते हैं, कई बार फ्लेवरिंग और शुगर भी उसमें ऐड की जाती है, ताकि आपने देखा होगा ना कुछ वो कई बार मीठे भी लगते हैं खाने में, एंड वाटर हम इस पर यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं कि सिंपल प्रोडक्शन ऑफ जेलेटिन कैप्सूल। देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दिला दूँ कि अभी जो आपने हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के बारे में देखा कि उसकी सेल अलग बन रही है और उसका फॉर्मुलेशन अलग बन के तब बाद में फिल किया जा रहा है, मतलब कि दो दो अलग अलग यहाँ पे प्रोसेस चल रही हैं, लेकिन सॉफ्ट जेलेटिन में ना दो प्रोसेस नहीं चलती, दोनों चीज़ें यानी कि उसकी बाहर की सेल भी साथ बनती है, साथ के साथ फिलिंग होती है तुरंत के तुरंत, ऐसे नहीं कि दो स्टेप में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आर प्रोड्यूस बाय रोटरी डाई प्रोसेस। रोटरी डाई प्रोसेस जो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछी है बहुत मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाने वाली मशीन है, अभी हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो इसका यूज़ करके ही हम सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को बनाते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने लिखा है कि जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है उनको आप मैन्युअली फिल नहीं कर सकते, अपने हाथों से फिल नहीं कर सकते, न ही उनको आप सील कर सकते हैं, उसके लिए आपको मशीन की ही ज़रूरत पड़ेगी जो कि है रोटरी डाई मशीन। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए हाइलाइटेड है कि इन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल प्रोडक्शन यानी कि इनके बनाने में जेलेटिन सेल मैन्युफैक्चरिंग एंड फिलिंग ऑफ मेडिकमेंट ऑकर साइमल्टेनियसली, कि दोनों चीज़ें साथ के साथ होती हैं, मतलब कि उसकी सेल भी साथ बनती है, उसमें मेडिकमेंट भी साथ के साथ फिल किया जाता है। अब कौन कौन से स्टेप हैं इसको बनाने में, सबसे पहले कि भाई आपके पास जेलेटिन का सॉल्यूशन बन के रेडी होना चाहिए जो कि सेल बनाने के काम आएगा। दूसरा है कि प्रिपेयर द फिलिंग मटेरियल, जो भी आपका मटेरियल है मतलब कि मेन एपीआई और एक्सिपिएंट है वो भी फॉर्मुलेशन तैयार होना चाहिए फिलिंग करने के लिए। तीसरा है इनकैप्सुलेशन, अब इन दोनों को आपने एकदम कैप्सूल के रूप में ढालना होगा, उनका एनकैप्सुलेशन करना होगा मेडिसिन मतलब कि ड्रग का, एंड उसके बाद ये हमारे थोड़े गीले से होते हैं ना तो उनकी आपने ड्राइंग करनी होती है, फिर इंस्पेक्शन करना होता है कि कोई कैप्सूल ख़राब तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, कोई कम तो नहीं भर रहा है, तो इंस्पेक्शन करना होता है, फिर पॉलिशिंग करनी होती है, लास्ट में उसको थोड़ा चमकाया जाता है, साफ दिखाया जाता है, लास्ट में उसको पैक करके जो है डिस्पेंस कर देते हैं। तो बारी बारी से स्टेप को समझते हैं। तो पहला है जेलेटिन सॉल्यूशन प्रिपरेशन। जेलेटिन का सॉल्यूशन कैसे बनाया जाएगा, सिंपल आपने जेलेटिन लेना है, उसमें कलरिंग एजेंट, प्लास्टिसाइजर, फ्लेवरिंग एजेंट, शुगर, वाटर सभी को ऐड करके एकदम सॉल्यूशन रेडी कर लेना है। तो वही बात यहाँ पे लिखी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये सारी चीज़ें लेनी है और अपने सॉल्यूशन तैयार करना है। उसके बाद है प्रिपेयरिंग ऑफ फिलिंग मटेरियल, मतलब कि जो मटेरियल आप भर रहे हैं कैप्सूल के अंदर वो किस फॉर्म में भरोगे, सॉल्यूशन के फॉर्म में या फिर सस्पेंशन के फॉर्म में या नीड सब्सटेंस यानी कि कुछ भी उसमें मिक्स नहीं करोगे, कुछ ऑयली सब्सटेंस होगा उसको ऐसे ही आप उसमें भर दोगे, जिसकी मल्टीविटामिन वगैरह कई बार या कैस्टर ऑयल के कैप्सूल वगैरह होते हैं वो ऐसे ही भरे जाते हैं। लिखा है कि आफ्टर दैट फिलिंग मटेरियल यानी कि कैप्सूल का जो कंटेंट जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है एपीआई और एक्सिपिएंट को मिक्स करके, तो वो तीन टाइप के आप फिल कर सकते हैं, नीड सब्सटेंस मतलब कि उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है,
जिसकि दीज आर ओनली लिक्विड, उनमें वो केवल लिक्विड ऑयल होते हैं, उनको डायरेक्टली ऐसे ही फिल कर देते हैं सेल के अंदर। दूसरा है सॉल्यूशन फिल्स। सॉल्यूशन फिल्स का मतलब है कि यहाँ पे एक हमारा सॉल्वेंट, जैसे कि कोई ऑयल सॉल्वेंट लेते हैं, जिसको सोयाबीन ऑयल का हम लेते हैं एज ए कैरियर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, और उसमें अपनी जो जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है, सॉलिड ड्रग है, तो ये लिक्विड जो है उसको उसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके सॉल्यूशन से रेडी करके और वहाँ पे जी हम भर देते हैं। तीसरा है सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब कि सॉलिड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसको हम एक लिक्विड में सस्पेंड करके फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको प्रिपेयर करना होता है। थर्ड स्टेप है इनकैप्सुलेशन प्रोसेस। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है क्लोजिंग ऑफ API, यानी कि मैन ड्रग इन सॉफ्ट जेलेटिन सेल। जो कैप्सूल जो होते हैं सॉफ्ट जेलेटिन के जो सेल होती है उसमें मेडिसिन को भरना ही इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। कैप्सुलेशन मतलब कि कैप्सूल को बनाना, इन मतलब कैप्सूल के अंदर भर करके मेडिसिन को बनाना, तो ये होता है आपका इनकैप्सुलेशन। फॉर इनकैप्सुलेशन ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल रोटरी डाई मशीन हम यूज़ करते हैं। अब ये रोटरी डाई मशीन क्या है, कैसे बनी होती है, क्या इसकी वर्किंग होती है, वही हमने समझनी है। तो यहाँ पे देखा है कि रोटरी डाई मशीन इज एन इक्विपमेंट दैट इज यूज फॉर फिलिंग ऑफ API प्लस एक्सिपियंट इनसाइड द सॉफ्ट जेलेटिन सेल। दिस मशीन इज फुल्ली ऑटोमेटेड, ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक ही होती है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, और उसके बाद ना आपने उसी तरीके से ना जैसे हार्ड जेलेटिन की कैप्सूल की एक शॉर्ट वीडियो देखी थी, वो मैं आपको यहाँ पे ऐड करूँगा ताकि आपने बिल्कुल भी चीज़ें रटनी ना पड़े, आपका कॉन्सेप्ट उसी वीडियो को देखकर क्लियर हो जाए। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, अभी आपने वीडियो देखी है, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वही जो चीज़ें ना मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो करने की कोशिश करी है कि ये इसके नेम इंडिकेट कर रहा है ना कि रोटरी डाई मशीन। रोटरी का मतलब जो रोटेट करती है, डाई का मतलब डाई कैविटी। जिसके आपने टैबलेट का जब जो शेप डिज़ाइन किया था, उसका साइज डिज़ाइन किया, तो वहाँ पर डाई कैविटी थी और ऊपर पंच पड़ते थे तो वो आपकी कंप्रेस हो जाती थी। ठीक है, यहाँ पर भी रोटरी डाई है, मतलब कि रोटेट करने वाली यहाँ पर डाई कैविटी छोटी 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 यहाँ पर बनी हुई है, जिसमें दो रोलर होते हैं उसके ऊपर बनी होती है। अब ये रोटेट करते रहते हैं, यहाँ पे बीच में देखोगे, साइड में देखोगे ना, दो आपके सॉल्यूशन के टैंक हैं जहाँ पे जेलेटिन भरा होता है। ये जेलेटिन बहुत ही गर्म यहाँ पे होता है, और ये ना ड्रम के ऊपर से होकर के आता है। ये ड्रम बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। देखिए, जब गर्म जेलेटिन यहाँ पर आता है ना और इसके ऊपर ऐसे घूमता है, तो वो एक ना सॉलिड रिबन, जैसे कि एक तार होता है ना, उसका शेप ले लेता है, एकदम सॉलिड हो जाता है, और सॉलिड रूप में दोनों तरफ से वो आता है और इस तरीके से रोल करता हुआ इन रोलर्स पे आता है। एंड इस कैविटी के ऊपर आते ही, जैसे कि कैविटी के पास जो आता है ना, तो कैविटी का शेप में ढल जाता है, और इतनी देर में ही जैसे उस कैविटी यहाँ पे बन पाती है कैप्सूल सेल की, ऊपर से मेडिकमेंट हमारे इसमें डाल दिया जाता है, और जैसे वो डलता है यहाँ पे कैप्सूल बना, कैप्सूल यहाँ पे बना, निकलता निकलता इस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा होता चला जाता है। क्लियर हो, वैसे भी आपको वीडियो से क्लियर हो ही गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, कंस्ट्रक्शन में सिंपल आपने क्या लिखना है कि जो आपकी जो रोटरी डाई मशीन है, इसमें दो डाई रोलर्स जो होते हैं जो कि एकदम अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। इट कंसिस्ट टू होपर, इन पे जेलेटिन सोल्यूशन फिल्ड, इसमें दो होपर होते हैं जिसमें जेलेटिन सोल्यूशन भरा होता है, और बीच में का आपका ना फिल्टर होता है जिसमें आपका मेडिकमेंट जो है वो यहाँ से भरा जाता है। अब सिंपल वर्किंग को हम समझ लेते हैं। वर्किंग देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए पंप डिलीवर वार्म जेलेटिन टू चिल्ड ड्रम यहाँ पर लोकेटेड एट अपोजिट साइड ऑफ मशीन। कि सबसे पहले देखिए, हमारे एक पंप होता है जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया है, वो गर्म जो जेलेटिन है उसको इन होपर में वो पंप कर देता है, जिसकी यहाँ पे जेलेटिन हमारा गर्म आ गया। अब उसके बाद ना वो ड्रम जो बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं उनसे होकर के जाएगा, तो वो एकदम ना सॉलिड का रूप ले लेगा। तो नेक्स्ट स्टेप वही है कि द वार्म जेलेटिन फ्लोड ओवर चिल्ड ड्रम, बहुत ठंडे ड्रम के ऊपर से वो फ्लो करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सॉलिड रिबन में, जो कि जेल के रिबन बन जाते हैं। अब यही जो जेल रिबन जो होते हैं वो ओवर डाई रोलर में घूमते हैं, और वही जब डाई कैविटी में पहुंचते हैं तो वो उसके साइज में ढल जाते हैं, जो कि डिसाइड करता है कैप्सूल के साइज को। दे कट द सेल ऑफ जेलेटिन, यहाँ पे सिंपल आपका जो ये रिबन जो है जेलेटिन को यहाँ पे आता है और ये इसी का रूप ले लेता है डाई कैविटी का। अब जैसे ही डाई कैविटी के पास ये पहुँचता है, तुरंत ऊपर से यहाँ पे फिलिंग मटेरियल यहाँ पे फिल कर दिया जाता है, और फिल होते ही वो इसको जैसे घूमेगा ये आपका रोटरी मशीन, वो नीचे को कैप्सूल जो है सील होकर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि
साइमल्टेनियसली मेडिकामेंट इज फिल्ड इन टू डाइज ऑफ रोलर एंड कैप्सूल सील्ड आउट इन द कंटेनर, के साथ ही आपका जो मेडिकामेंट है ऊपर से भर दिया जाता है और सील करके कैप्सूल को कंटेनर में भर देते हैं। तो सिंपल से यही है रोटरी डाई मशीन, इसका आपने इस तरीके से डायग्राम बनाना है, बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि अभी आपने जो स्टेप देखी वो देखा है जेलेटिन का सोल्यूशन का प्रिपरेशन, उसकी फिलिंग, जो भी आपने मटेरियल का फिलिंग करनी है वो, और इनकैप्सुलेशन की प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि उसके बाद ना जो आपके जो कैप्सूल होते हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, वो थोड़े ना सॉफ्ट होने की वजह से थोड़े मुलायम होते हैं, थोड़े गीले भी रहते हैं, तो उसको आपने ड्राई करना होता है। ड्राई करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हीट करना है, हीट एयर आपने प्रोवाइड करनी है, नहीं, वो ख़राब हो जाएंगे। आपने बस ने कम ह्यूमिडिटी के एरिया में थोड़े से गर्म इन्वायरमेंट में उसको रख देना होता है, देन उसके इंस्पेक्शन करनी होगी। अभी वही बात हमारी यहाँ पे लिखी है कि आफ्टर फिलिंग सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो होते हैं वो थोड़े ड्राई किए जाते हैं। द ड्राइंग प्रोसेस रिक्वायर लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट बट नॉट हॉट एयर। यहाँ पे हम हॉट एयर प्रोवाइड नहीं करते, कम ह्यूमिडिटी के इन्वायरमेंट में उसको रख देते हैं और वो सूख जाते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन हमने चेकिंग करनी होती है कि कोई भी हमारे कैप्सूल जो है वो डैमेज तो नहीं है, वो अच्छी तरीके से फिल तो नहीं है, मतलब कि ज़्यादा तो सॉरी कम तो वो फिल नहीं है, नॉट फुली फिल्ड एंड वो मिसशेप तो नहीं, उसका शेप वगैरह तो ख़राब नहीं हो गया है। तो ये हमने मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, मशीन के द्वारा भी चेक करते हैं। मैनुअली हम स्मॉल स्केल पे चेक करते हैं, तो हम सारे जो कैप्सूल्स हैं उनको पहले इंस्पेक्शन टेबल पे डाल देते हैं, फिर बारी बारी से अपनी आंखों से और हाथों से चेक करते हैं। वो एक स्मॉल स्केल का है, लेकिन अगर हम लार्ज स्केल की बात करें तो वहाँ पे एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर मशीन का हम यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ। इंस्पेक्शन के बाद में जो आपका जो कैप्सूल है उसको बाहर से साफ़ किया जाता है, उस पर पॉलिश कर दी जाती है ताकि वो थोड़ा क्लीन और अट्रैक्टिव नज़र आए, एंड लास्ट में उसको हम पैक कर देते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं 20 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो ये है प्रोडक्शन ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कवर करा है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल एंड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप देखोगे क्वेश्चन है आपका वो है एक्सप्लेन IPQC यानी कि इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट एंड फिनिश प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर हार्ड और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। सिलेबस में आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि जो कैप्सूल जो होते हैं उनके लिए इन प्रोसेस एंड फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, मतलब कि ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे जो कैप्सूल बने हैं वो सेफ हैं, पोटेंट हैं, स्टेबल हैं, इफेक्टिव हैं, तो हमने कुछ टेस्ट करने होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, जो कि आपने टैबलेट के भी किए होंगे, जिसकी वेट वेरिएशन टेस्ट, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, सेम वही यहाँ पे उनके लिए परफॉर्म करने हैं कैप्सूल के लिए। और आपको अगर पुरानी वीडियो देखिए तो सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा है कि टू इंश्योर द सेफ्टी, पोटेंसी, स्टेबिलिटी, पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी एंड टू जज द वेदर कैप्सूल सेटिस्फाई स्टैंडर्ड्स और नॉट, टेस्ट आर परफॉर्म, दे आर कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। कि ये चेक करने के लिए कि हमारा जो कैप्सूल वो सेफ है, पोटेंट है, स्टेबल है, वो पेशेंट को एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट हमें परफॉर्म करने होते हैं, वही हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के लिए टेस्ट जो है वो ये है, API परसेंटेज टेस्ट, मतलब कि कितनी API है हमारे कैप्सूल में, उसको हम ऐसे भी बोलते हैं, वेट वेरिएशन टेस्ट, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एंड डिसोल्यूशन टेस्ट। एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के लिए भी सारे सेम हैं, बस एक टेस्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है मॉइस्चर परमिशन टेस्ट, जो कि एक्स्ट्रा है। अब हम यहाँ पे सभी टेस्ट को ना बारी बारी से समझते हैं, वैसे तो टैबलेट के बारे में भी जब आपने पढ़ा होगा तब सारे टेस्ट यहाँ पे समझे होंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो टेस्ट है देखिए वो है API परसेंटेज टेस्ट, यानी कि ये जो टेस्ट है ये इंश्योर करने के लिए किया जाता है कि जो हमारे जो सारे कैप्सूल हैं उनमें एवरेज अमाउंट कितना है API के, तो मैंड रखकर। तो लिखा है कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू इंश्योर द एवरेज अमाउंट ऑफ API इन कैप्सूल अकॉर्डिंग टू मोनोग्राफ, कि जो हमारा मोनोग्राफ है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू जिसके थ्रू हमने अपनी पूरी फॉर्मुलेशन तैयार की है, क्या उतनी ही वैल्यू है हमारे API की हर एक कैप्सूल में या फिर नहीं। तो यहाँ पे ना प्लस माइनस 5% से प्लस माइनस 10% की लिमिट अलाउड होती है, मतलब कि एग्जाम्पल से समझो कि जैसे हमारा एमोक्सिसिलिन का कैप्सूल अभी हमने दिखाया था, तो सपोज वो हमने यहाँ पे ना 100 mg का बनाना था, तो 100 mg में से अगर उसके अंदर 90 mg या 110 mg पाई जाती है API की, तो वो एप्लीकेबल है, उसको अलाउ कर देते हैं। अगर 90 से कम या 110 से ज़्यादा पाई जाती है तो फिर उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो यही टेस्ट होता है आपका API परसेंटेज टेस्ट या SA, ठीक है। और ये जो टेस्ट है दोनों कैप्सूल के लिए किया जाता है, सॉफ्ट और हार्ड जेलेटिन दोनों कैप्सूल के लिए।
और इसके बाद देखिए सेकंड जो टेस्ट देखिए वो है वेट वेरिएशन टेस्ट। इसमें देखिए इस टेस्ट को हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि ये इंश्योर कर सकें कि कैप्सूल जो हमारे सारे के सारे हैं उनका वेट एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। तो लिखा है कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू मेंटेन द इक्वल वेट ऑफ ईच एंड एवरी कैप्सूल। तो इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या प्रोसीजर है, मेथड क्या है? तो सिंपली आपने 20 रैंडमली कैप्सूल को सेलेक्ट करना होगा जो कि भरे हुए होंगे। अब उनको स्टार्टिंग में आपने ना वे कर लेना है, उनका वजन तोल लेना है। देन क्या करना है, अब उनकी जो सेल है जिसके अंदर वो भरे हुए हैं उसको निकालना है, बोले तो फाड़ना है या उसको खोलना है, एंड उसमें सेल के वेट को भी यहाँ पे मेजर करना है। अब जो टोटल जो कैप्सूल का वेट था फिल करके वो, और सेल का कितना वेट आया है वो हम यहाँ से हम माइनस कर देंगे। माइनस करके हमें एक्चुअल कितना वहाँ पे मटेरियल हमारा फिल है वो हम यहाँ पे पता कर लेंगे। यही जो सेम प्रोसेस हमने 20 कैप्सूल के लिए दोहराते हैं, ठीक है। सपोज एक कैप्सूल में हमारा 100 mg आया, एक में 110 आया, एक में 95 mg आया, तो सभी का हम यहाँ पे एवरेज निकालते हैं कि एवरेज कितना आया 20 कैप्सूल का। तो उसके बाद में आपने सारे जो वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी होती है कि वेट वेरिएशन इक्वल्स टू IW माइनस AW अपॉन AW इंटू 100। कि IW का मतलब है कि इंडिविजुअल वेट, कि जो भी कैप्सूल जिसका आप कंपेरिजन कर रहे हैं उसका एक इंडिविजुअल का वेट कितना है वो, एंड एवरेज वेट 20 कैप्सूल का कितना आया है वो आपने ऊपर और नीचे भरना होता है, उससे आपका वेट वेरिएशन यहाँ पे निकल आता है। तो वेट वेरिएशन केवल प्लस माइनस 15% यहाँ पे अलाउ होता है, यानी कि 85% से 115% तक आप यहाँ पे सिंपल जा सकते हैं। तो यह है वेट वेरिएशन टेस्ट। नेक्स्ट देखिए वह कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। ये जो टेस्ट है इसलिए किया जाता है, यहाँ पे सिंपल लिखा है दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी कैप्सूल कंटेंस इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस। कि जो सारे जो कैप्सूल्स हैं उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस है या नहीं है। देखिए ऊपर वाला केवल वेट चेक कर रहा था, वहाँ पे API ज़्यादा हो एक्सिपिएंट ज़्यादा हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे मेनली किया जाता है कि कितना यहाँ पे ड्रग कंटेंट है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आपने 30 कैप्सूल को रैंडमली सिलेक्ट करना होता है, और 30 में भी सबसे पहले आपने केवल 10 पर ही एनालिसिस करनी होती है, 20 जो है ना आपने सेकंड स्टेज के लिए वो रख देने होते हैं। मतलब कि अगर हमारे फर्स्ट स्टेज मतलब कि फेल हो जाती है देन आपने सेकंड स्टेज में 20 कैप्सूलों पे और वही एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो आपने 10 कैप्सूल लिए और उसकी एनालिसिस करी, और उसके बाद में केवल इतनी लिमिट आपके पास होती है कि 85% से 115% जो है API की, जो कि हमारे मोनोग्राफ में लेबल्ड है, केवल उतनी ही लिमिट के अंदर आपका वेरिएशन हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा या कम जाता है तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट आपका फेल हो जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए वहाँ पर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। देखिए जैसे कि आपने टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट समझा था, डिसोल्यूशन टेस्ट समझा था, सेम वही यहाँ पे आपने समझना है। देखिए डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी डी को अगर हम हटाएं, डिस को अगर हटाएं, तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब कि एकत्रीकरण होना, एक जगह इकट्ठा होना। डिसइंटीग्रेशन मतलब कि टूट जाना, ब्रेक हो जाना। मतलब कि जैसे कि हम सबसे पहले कैप्सूल को हम लेते हैं, तो कैप्सूल जो है हमारे स्टोमक में जाता है, जिसके माउथ के थ्रू हमने इसको लिया, स्टोमक में गया। स्टोमक में बहुत से कैप्सूल हमारे वहीं डिसइंटीग्रेट होते हैं, बहुत से कई बार इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होते हैं। डिसइंटीग्रेट का मतलब कि ये कैप्सूल के सेल का फट जाना। तो कितनी देर में कैप्सूल फटेगा, तो वो सही टाइम में फट रहा है या नहीं फट रहा है, जो भी दिया गया स्टैंडर्ड टाइम है, तो वही चेक करने के लिए हमने डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म करना होता है। तो लिखा है कि डिसइंटीग्रेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कैप्सूल इनटू स्मॉल पीसेज। तो लिखा है कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द टाइम रिक्वायर्ड टू द ब्रेकिंग ऑफ कैप्सूल व्हेन टेकन इन बॉडी। जब वो स्टमक में पहुंच जाता है, बॉडी में पहुंच जाता है, तो कितना टाइम वो ब्रेक होने में लगाता है उसी को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो वो जो है एकदम स्टैंडर्ड होता है, फिक्स होता है, उसके बीच में ही आपका होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँ कि यहाँ पे लिखा है कि जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है IP के अकॉर्डिंग, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, वो 30 मिनट के अंदर फट जाने चाहिए, डिसइंटीग्रेट हो जाने चाहिए। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल 60 मिनट के अंदर, एंड एंटेरिक कैप्सूल 60 मिनट के अंदर। तो जो आपने कैप्सूल बनाए हैं क्या वो इतने लिमिट के अंदर फट जा रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो जा रहे हैं या नहीं हो जा रहे, वही टेस्ट आपने परफॉर्म करना होता है। कैसे करते हैं, सिंपल हम देखते हैं। तो उसके लिए ना ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन एपरेटस, टेस्ट अपरेटस, जो कि आपको ना लैब में कहीं ना कहीं आपने ज़रूर देखा होगा। मैं आपको उसकी रियल इमेज यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, दो इस टाइप के ना वीकर होते हैं, जिसके वीकर हैं उसमें ना हर एक वीकर में ना 6-6 ग्लास ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब होती है। टेस्ट ट्यूब ऐसी होती है कि ऊपर से ही खुली होती है, लेकिन नीचे जो है ना 10 मैस की स्क्रीन लगी होती है, बोलते छन्नी यहाँ पर लगी होती है, ठीक है। अब इतना आप सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे थ्योरी आप देखोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो 6 कैप्सूल हैं
देखिए आप दोनों पे कर सकते हैं टेस्ट, यहाँ पे छः छः दोनों में कैप्सूल भर सकते हैं, सिंपली एक बार भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपने सबसे पहले छः कैप्सूल को लिया, छः अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आपने जो है ना यहाँ ये छलनी के ऊपर से कैप्सूल को अपने आपने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल छः कैप्सूल आपने जो है ना हर एक छः टेस्ट ट्यूब में जो अपरेटस के अंदर है उसमें आपने रख दिया। एंड ये जो कैप्सूल है सॉरी ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब है जिसकी यहाँ पे बीकर है ना, तो बीकर में ना हम ये लिक्विड सॉल्यूशन भर के रखते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि हमारे स्टोमक के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसका होता है, मतलब कि थोड़ा बफर सॉल्यूशन हो, थोड़ा एसिडिक सॉल्यूशन हो, वो हमने ऐसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जिसकी हम ना स्टोमक के अंदर ही इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो आपका जो सारा जो सॉल्यूशन है उसका जो टेम्परेचर है वो भी आपका 37 डिग्री सेल्सियस ही रखना होता है जिसके हमारी बॉडी का होता है। तो सिंपल ये आपने चीज़ें करनी है कि आपने सबसे पहले 6 कैप्सूल लिए रैंडमली, उसको हर एक जो 6 टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने रख दिया, और जो कि आपका टेस्ट ट्यूब है वो डिप होती है बीकर के अंदर जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन करता है जिसके आपके स्टमक में भरा होता है। एंड यहाँ पे जो है टेम्परेचर आपका मेंटेन कर दिया जाता है कितना 37 डिग्री सेल्सियस या प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे हो सकता है। अब यही जो है ना इक्विपमेंट आपका इस तरीके से ना ऊपर नीचे इस तरीके से यहाँ पे जाता है, तो ये चक्कर लगाता है साइकिल के रूप में। तो यहाँ पे ना 28 से 32 साइकिल पर मिनट ये लगाता है। तो ये आपने अब ये चेक करना है कि कितनी देर बाद कैप्सूल आपका फटता है, वो टाइम आपने नोट करना है। तो आफ्टर सम टाइम जो कैप्सूल जो है ना वो डिसइंटीग्रेट होगा और वो जो है ना इस मैस से जो आपकी छन्नी है उससे पार हो जाएगा, उस सॉल्यूशन में आ जाएगा जो कि आपने सॉल्यूशन भरा हुआ था। तो वही जो टाइम मैंने आपने वो नोट कर लेना है। अब वो चेक करना है कि आपका जो कैप्सूल वो किस कैटेगरी का है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है तो वो इतने टाइम के अंदर फट जाना चाहिए, सॉफ्ट जेलेटिन इतने टाइम में, और एंटरिक कैप्सूल 60 मिनट के अंदर। तो यही चेक करना आपका कहा जाता है डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग या तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। क्लियर हो गया? तो ये जो टेस्ट है ना हमारा वो दोनों कैप्सूल के लिए किया जाता है, सॉफ्ट एंड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। अब देखिए हम नेक्स्ट जो टेस्ट हमारा वो है डिसोल्यूशन टेस्ट। देखिए डिसोल्यूशन क्या होता है, जिसकी जब आपका जो कैप्सूल की सेल फट जाती है जो कंटेंट है वो बाहर निकल जाता है, तो जब वो उसके अंदर की एपीआई और एक्सिपिएंट हमारे स्टोमक के फ्लूड के साथ घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो वो डिसोल्यूशन कितने टाइम में हो रहा है और कब हो रहा है, तो वही चेक करने के लिए हमने ये टेस्ट परफॉर्म करना होता है। तो द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग ऑफ कैप्सूल कंटेंट इन बॉडी फ्लूड इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। तो दिस टेस्ट परफॉर्म टू फाइंड आउट डिसोल्यूशन रेट ऑफ कैप्सूल इन द स्टोमक या इंटेस्टाइन, वो कितने टाइम में कितने रेट से वो डिसोल्व हो रहा है, यही चेक करने के लिए आपने जो है टेस्ट करना होता है। तो इसके देखिए एपरेटस की बात करें तो देखिए मैं पहले आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, इसका ना ऐसा एपरेटस होता है। इसमें ना जैसे कि बीकर के रूप में जो आपको नजर आने 6 तरीके के यहाँ पे ये एक हेमिस्फीयर वेसल लगे होते हैं, जो कि ना 2 टाइप के होते हैं, या तो इस तरीके का दिखने में होगा कि ये आपका एक हेमिस्फीयर वेसल है जिसमें ना एक पैडल लगा होता है जो कि इस तरीके से ना घूमता है। तो एक तो पैडल वाला होता है, दूसरा होता है बास्केट टाइप, इस तरीके से ना बास्केट से यहाँ पे बनी होती है जहाँ पे कैप्सूल को अंदर इसमें रखना होता है। तो देखिए सिंपली इसी के बेसिस पे जो आपका डिसोल्यूशन एपरेटस है वो 2 टाइप का हो जाता है, पैडल टाइप डिसोल्यूशन एपरेटस एंड बास्केट टाइप डिसोल्यूशन एपरेटस। तो और भी कोई अंतर नहीं है, सारा सेम है एपरेटस, बस यही चेंज हो जाता है कि वहाँ पे पैडल है या फिर बास्केट है। अभी जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा है, अब ये इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है कि कैसा होता है, कैसे काम करेगा। तो सिंपल से यहाँ पे लिखा है कि द डिसोल्यूशन एपरेटस कंसिस्ट ए सिलेंड्रिकल वेसल विद हेमिस्फीयर बॉटम हैविंग 100 ml वॉल्यूम कैपेसिटी। कि उसके पास देखिए तो पैडल टाइप होगा या बास्केट टाइप होगा, तो उसका जो हेमिस्फीयर सेमी हेमिस्फीयर जो है आपका एक वेसल है जिसकी जो कैपेसिटी होती है वो 100 ml वॉल्यूम की होती है, और इसी में वही फ्लूड भरा होता है जैसे कि आपकी इंटेस्टाइन या फिर स्टोमक का फ्लूड होता है, वो यहाँ पे आपने तैयार करना होता है बफर और एसिड वगैरह का यूज़ करके, वो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। अब यही जो सारे के सारे जो 6 के 6 उस मशीन में लगे हैं वो एक वाटर बाथ में डूबे रहते हैं, वाटर बाथ जो कि टेम्परेचर प्रोवाइड करता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लिखा है कि द वेसल इज पार्शली इमर्स इन वाटर बाथ हुज टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। एंड ये जो वेसल है, जैसे कि ये जो वेसल है अगर मैं इसको इस तरीके से चौकोर देखूँ, तो इसमें 4 छेद होते हैं, 4 होल होते हैं। एक जो होल होता है वो साफ्ट के लिए होता है, मतलब कि जिसकी मदद से ये घूमता है ये जो है साफ्ट है। एंड एक जो होल होता है वो टेम्परेचर को थर्मामीटर को रखने के लिए होता है कि हम टेम्परेचर को मेजर करते रहें। एंड बाकी के जो जो होल उसमें बचे रहते हैं वो उससे हमने अपनी कैप्सूल के उसके अंदर डालते हैं।
तो ये इस तरीके का होता है। एंड ये जो शाफ्ट जो है, जिसकी यहाँ पर हमने दिखा रहा है, ये शाफ्ट है और ये इस तरीके से घूमते हैं, उसकी जो है ना स्पीड मेंटेन की जाती है एक मोटर की मदद से, जो कि 25 से 150 राउंड पर मिनट, एक मिनट में इतने राउंड वो लगा देती है। तो वो आपने प्रोसीजर के दौरान सारे को समझना है। तो देखिए, सबसे पहले कि फर्स्ट प्लेस 100 ml डिजोल्यूशन मीडियम इन वैसल। तो सबसे पहले क्या करना है कि वैसल है आपके पास में, कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं, उसमें अपने 100 ml वॉल्यूम भर देना है उस फ्लूड का जो कि आपके स्टोमक या फिर इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, देन 6 के 6 जो वैसल है उसको अपने वाटर वर्थ में, जो कि उसी में होता है आपकी पूरे इक्विपमेंट में, उसमें अपने डुबो देना है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है। देन जो आपने 6 कैप्सूल है वो लेने हैं, और कैप्सूल को ना आपने यहाँ पर रख देना। अगर आपने पैडल टाइप सेलेक्ट किया है तो कैप्सूल को यहीं फ्लूड में ऐसे ही डाल देना होगा, अगर बास्केट टाइप सेलेक्ट किया तो बास्केट के अंदर कैप्सूल को रखना होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद में क्या होता है, मोटर जो होती है उसको चला दिया जाता है, और वो जो ना 100 RPM पे सेट कर दी जाती है, मतलब कि एक मिनट में वो 100 चक्कर लगाएगी। सिंपली वो जो मोटर वो इस तरीके से घूमती है और वो 100 चक्कर लगाती है, तो होगा क्या कि जो कैप्सूल है उसका जो कंटेंट जो भी है वो वहाँ पर डिजोल्व होने लगेगा। वो कितने टाइम में डिजोल्व हुआ है आपके लिक्विड में, कितना डिजोल्व हुआ है, वो आपने एनालिसिस करनी होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। तो यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर डैट कैप्सूल विल डिजोल्व, कैप्सूल आपका डिजोल्व होगा, फिर कितना क्वांटिटी उसका डिजोल्व हुआ है, तो वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से आपने पूरी एनालिसिस करनी है, और वही जो टेस्ट है आपको यहाँ पर डिजोल्यूशन टेस्ट कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए, लास्ट में एक और टेस्ट है जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि केवल सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए परफॉर्म किया जाता है। लिखा है कि मॉइस्चर परमिशन टेस्ट फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, मतलब कि अगर हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को बाहर रख दें, खुले एनवायरनमेंट में रख दें, तो जो मॉइस्चर जो होती है, जो नमी जो होती है, उस कैप्सूल के अंदर कितनी मात्रा में बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, वो चेक करते हैं। तो दिस टेस्ट परफॉर्म टू डिटरमाइन द रेट एंड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनसाइड द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले जो आपके जो कैप्सूल जो होते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, उनके अंदर ना आपने ना डेसिकेंट पैलेट भर देनी है। एक पैलेट होती है, राउंड टाइप की होती है, डेसिकेंट का मतलब है कि वो अवशोषक, मतलब कि वो बहुत थोड़ी भी नमी होगी ना उसको भी उस अवशोष करने की एबिलिटी रखती है। या आप सस्पेंशन भर सकते हैं या फिर कुछ पैलेट भर सकते हैं, तो ये कलरफुल यहाँ पे भरी जाती हैं। देन उसके बाद में ना, भरने के बाद में कैप्सूल को ना बाहर जो भी आपकी ह्यूमिडिटी है उस पर रख देना होता है, जिस पर भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। एंड आपने ऑब्जर्व करना है कि जो डेसिकेंट पैलेट है उनका कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। डेसिकेंट का मतलब है कि वो वहाँ पे जो नमी है ना उसको जरूर से अवशोषित करने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पे वही पेनिट्रेशन हो रहा है आपके कैप्सूल के सेल में, तो वो जरूर से वहाँ पे कलर चेंज उनका हो जाएगा। अगर कलर चेंज हुआ है तो मतलब कि वहाँ पे पेनिट्रेशन हो रहा है, अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है मतलब कि कोई भी वहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं हुआ है मॉइस्चर का। अगर कलर चेंज होता है तो आपने क्या करना है, अब ये पता करना है कि आखिर कितना मॉइस्चर वहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ। तो नाउ मेजर प्री टेस्ट वेट एंड पोस्ट टेस्ट वेट ऑफ पैलेट, कि आपने स्टार्टिंग में कितना वेट वहाँ पे पैलेट का रखा था, कैप्सूल के अंदर फिल किया था वो, एंड अब लास्ट में यानी कि अवशोषित हो जाने के बाद या तो एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद कितना वेट उसका हो चुका है, तो उससे आप डिटरमाइन कर लोगे कि कितना मॉइस्चर कंटेंट आपके कैप्सूल में या तो आपकी पैलेट में एब्जॉर्ब हुआ है। तो ये जो टेस्ट है परफॉर्म किया जाता है केवल और केवल सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए। तो यहाँ पे जो सारे टेस्ट हैं ये हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कहे जाते हैं, जो कि एक कैप्सूल पर परफॉर्म करे जाते हैं उसको मार्केट में लाने से पहले। तो क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे ना यहाँ पे अगर आपको मैं थोड़ा दिखाऊँ, तो अभी जो हमने कवर करा है वो हार्ड जिलेटिन सॉफ्ट जिलेटिन के जो क्वेश्चन है वो कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है पैलेट्स के ऊपर, कि पैलेट्स क्या होती हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो सिंपल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सिंपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि डिफाइन पैलेट्स एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पैलेट फॉर्मेशन इन द डिटेल। तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए पैलेट क्या होती है, देखिए आपको ना मैं एक स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है और इसमें ना देखिए कुछ पैलेट राउंड बॉल टाइप की यहाँ पे भरी हुई हैं, जो कि कलरफुल भी कई बार होती हैं, उन पर कोटिंग भी होती है। तो यही जो है ना वो पैलेट कही जाती हैं। मतलब कि आप बोल सकते हैं, सिंपल मैंने लिखा है कि स्मॉल राउंडेड बॉल ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की स्मॉल राउंडेड बॉल जो कि इस तरीके से वो दिखती है, उन्हीं को हम पैलेट कहते हैं। अब पैलेट का क्या रोल है, क्यों ज़रूरत पड़ती है इनकी, वो आप सभी हम एडवांटेज डिसएडवांटेज में देखेंगे और किस तरीके से हम बनाते हैं वो सब समझेंगे। तो लगा कि इन फार्मेसी में पैलेट्स आर स्फेरिकल फ्री फ्लोइंग यूनिट ऑफ पाउडर ड्रग विद द एक्सिपिएंट, कि ये क्या होता है, एक फ्री फ्लोइंग एक स्फेरिकल राउंडेड बॉल होती है जो कि पाउडर से बनाई जाती है।
सिंपल, जैसे कि यहाँ पे आपका फाइन पाउडर होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है फाइन पाउडर होगा एपीआई और एक्सीपेंट का, यहाँ पे फाइन पाउडर है, या तो उसको आप डायरेक्टली हार्ड जेटिन कैप्सूल में भर दो, या फिर दूसरा तरीका है कि आप भाई छोटी छोटी पैलेट बना दो, पैलेट बना के भर दो। अब पैलेट आप बनाओगे, इतनी मेहनत करोगे तो कुछ तो फ़ायदा होगा, तो क्या फ़ायदा होगा वो अभी हमने एडवांटेज में देखेंगे, ठीक है। एंड इसी प्रोसेस को, यानी कि पैलेट्स के बनाने के प्रोसेस को हम पैलेटाइजेशन कहते हैं। पैलेटाइजेशन कितने तरीकों से होता है वही क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है। तो सिंपली बात करें तो जो पैलेट्स का जो साइज होता है ना डायमीटर, वो 0.5 से 1.5 mm यानी कि मिलीमीटर के बीच में ये होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पैलेट फ्रॉम द मास ऑफ फाइन ड्रग पाउडर एंड एक्सपेंट इज कॉल्ड पैलेटाइजेशन। और पाउडर से जो पाउडर होता है एपीआई और एक्सीपेंट का, वहाँ से जो पैलेट बनाने की प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं पैलेटाइजेशन। अब यही जो पैलेट्स जो होती हैं उनको आप हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में भरते हैं, या फिर स्पेशली और स्पेशली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट में कंप्रेस करते हैं। तो कैसे भरना होता है मैंने सिंपली दिखाया कि एपीआई और एक्सीपेंट आपने पैलेटाइजेशन से पैलेट्स बनाई, पैलेट को आपने हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में फिल कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं एडवांटेज या तो एप्लीकेशन ऑफ पैलेट, उनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, हम डायरेक्टली क्यों नहीं भर देते। तो देखिए सबसे पहले एडवांटेज देखिए भाई, दे ऑफर यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज। देखिए एक आपके पास यहाँ पे पाउडर है, ठीक है, एक आपके पास पैलेट है, तो पाउडर जो है ना कई बार उनमें ना ये दिक्कत आ जाती है, कई बार वो ज़्यादा भर जाता है, कई बार वो कम भर जाता है, लेकिन पैलेट्स जो है ना वो इक्वल यानी कि यूनिफॉर्म डोज वो जो है ना ऑफर करती हैं, एक बार में यूनिफॉर्म डोज ही आपकी बॉडी में जाएगी, तो पहला ये फ़ायदा हो जाता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ़ायदा है ना वो है कि पैलेट हैव एक्सलेंट फ्लो प्रॉपर्टी, कि जब आप यहाँ पे फिलिंग करते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की, तो जो पाउडर जो है ना वो इजीली मशीनरी के द्वारा या फिर जो भी आपको भरने का तरीका होता है उसमें ना वो इजीली ना फ्लो नहीं कर पाता है, लेकिन पैलेट्स जो कि राउंडेड होती हैं, स्फेरिकल होती हैं बॉल की तरह, वो इजीली बहुत ज़्यादा फ्लो कर पाती हैं, तो ये इसका मेन फ़ायदा हो जाता है। एंड इसके अलावा और भी जो फ़ायदे हैं वो ये है कि पैलेट्स रिड्यूस डस्ट फॉर्मेशन, मतलब कि जब पाउडर वगैरह फिल करते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में या फिर उसका फॉर्मेशन होता है पाउडर का, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट आपकी इंडस्ट्री में वहाँ पे उड़ती है, बहुत ज़्यादा डस्ट वहाँ पे बनती है, लेकिन पैलेट्स की वजह से वो सब कुछ यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, दे आर यूज टू अचीव कंट्रोल्ड रिलीज रेट ऑफ ड्रग बाई कोटिंग ड्रग पैलेट विद डिफरेंट पॉलीमर। देखिए जो पैलेट्स जो होती है ना, इसका मेन जो यूज़ है वो आगे चल के, यानी कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आप पढ़ोगे 7th सेम में, कि इन पैलेट्स के ऊपर ना हमने पॉलीमर की लेयर चढ़ा देते हैं। पॉलीमर भी कई टाइप के होते हैं, कुछ की लेयर बहुत जल्दी टूट जाती है, कुछ की 1 घंटे में, कुछ की 2 घंटे में, कुछ की 4, 10, 12 घंटे, इस तरीके से यहाँ पे हम लेयर चढ़ाते हैं, तो हम ना अपनी ड्रग की जो रिलीज रेट है उसको ना कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझो कि यहाँ पे हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में अगर सपोज करो हमने पाउडर भरा, पाउडर हमारी बॉडी में गया, कैप्सूल एक बार फटा, मतलब कि पाउडर एक साथ सारा असर दिखा देगा और वो बॉडी से जल्दी बाहर निकल जाएगा, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ही कम है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे पैलेट्स भर दी जिन पर कोटिंग हो रखी है पॉलीमर की, तो सारी की सारी पैलेट एक साथ नहीं फटती, पहले कैप्सूल फटेगा, उसके बाद एक या दो पैलेट वहाँ से फटी, या बोल तो उनकी टैबलेट उसकी मेडिसिन रिलीज हुई, उसके बाद अदर जो पैलेट्स हैं वो धीरे धीरे अपने मेडिकामेंट को रिलीज करती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी, जो कि अभी ना और भी कई सारे मेथडों में आप पढ़ोगे 7th सेम में जाके, तो ये इसका यहाँ पे फायदा हो जाता है। नेक्स्ट, केमिकली इनकॉम्पेटिबल ड्रग कैन गिवन इन बॉडी बाय पैलेट्स। कुछ हमारे ऐसे सॉल्ट होते हैं, ऐसे फॉर्मूले होते हैं मेडिसिन के, कि उनको हमने मिक्स करके एक साथ नहीं दे सकते, तो हमने क्या करा कि जस्ट एग्जांपल से समझो कि एक हमारी पैरासिटामोल की, एक हमारी एसिक्लोफेनिक की, वैसे तो वो मिक्सेबल है, वो कॉम्पेटेबल है, लेकिन मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि एक पैरासिटामोल की पैलेट बनाई, एक हमने एसिक्लोफेनिक की बनाई, वो हमने मिक्स कर, मतलब कि मिला करके यहाँ पे भर दी, वो ईजिली यहाँ पे कैप्सूल के रूप में दी जा सकती है, तो ये इसका फ़ायदा होता है। एंड नेक्स्ट देखिए वहाँ, मॉडिफाइड रिलीज ऑफ ड्रग कैन बी अचीव्ड, कि हम ना जो ड्रग है उसको ना अपने तरीके से जब मन चाहे उसे रिलीज करा सकते हैं, रेट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि हम नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम उनको बोलते हैं, मतलब कि नए तरीके ड्रग को डिलीवर करने के, तो वो आप डिटेल में ना 7th सेम में जा करके पढ़ोगे, ठीक है, अभी आप इतना ही समझो। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है वो कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि भाई एक सिंपल तरीका था कि हमारे पास पाउडर हमने सिंपल भर दिया, अब यहाँ पे हम देखिए पैलेट बनाएंगे, पैलेट बनाने के बाद उसमें कोटिंग करेंगे, मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग है, साथ के साथ में थोड़ी ना ये हाई कॉस्टली भी हो जाती है, तो पहला ये इसका डिसएडवांटेज है।
दूसरा कि ड्यू टू रिजिड नेचर इट इज़ डिफिकल्ट टू कंप्रेस पैलेट इनटू टैबलेट। पैलेट पर जब कोटिंग कर दी जाती है तो उनको हम इजिली टैबलेट में तो कंप्रेस कर ही नहीं पाते हैं, एंड उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है, ये प्रोसेस थोड़ी हाई कॉस्टली हो जाती है, एंड ड्यू टू हाई स्पेसिफिक एरिया पर डोज मोर अमाउंट ऑफ कोटिंग रिक्वायर्ड। देखिए एक आपके पास सपोज करो कि टैबलेट है तो बाहर से कोटिंग करोगे, लेकिन जैसे कि छोटी छोटी गोली है तो इनका सरफेस एरिया ना छोटा 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 बहुत बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू टैबलेट, तो बहुत ज़्यादा कोटिंग मटेरियल की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है, तो इसके डिसएडवांटेज हो गए। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कि पैलेटाइजेशन क्या है और पैलेटाइजेशन यानी कि पैलेट्स बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, वही यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मुलेशन ऑफ पैलेट जिसको हम पैलेटाइजेशन कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पैलेट फ्रॉम द फाइन पाउडर ऑफ एपीआई एंड एक्सिपिएंट इज कॉल्ड पैलेटाइजेशन। तो यहाँ पे आपके सामने ये सारे इंग्रेडिएंट होने चाहिए, मैंने कि एपीआई आपके पास होनी चाहिए, फिर वही सारी चीज़ें बाइंडर, लुब्रिकेंट, डिसइंटीग्रेंट, पीएच एडजस्टर, सर्फेक्टेंट, ग्लाइटेंट्स एंड स्फेरोनाइजेशन इन्हांसर मतलब कि जो गोल आकर उसको बढ़ा सके वो, रिलीज मॉडिफायर एंड सेपरेटिंग एजेंट आपके पास ये होने चाहिए एज ए एक्सिपिएंट। ठीक है, अब पैलेटाइजेशन के कई तरीके हैं जो कि यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, बारी बारी से सभी को हम समझेंगे, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला है एजिटेशन जिसमें बोलिंग एक तरीका है उसको हम समझेंगे। दूसरा है कॉम्पैक्शन यानी कि यहाँ पे हम प्रेशर की मदद से करते हैं, जिसकी इसमें दो मेथड हैं, कंप्रेशन एक है, एक्सट्रूजन एंड स्फेरिलाइजेशन मतलब कि ये एक ही है। नेक्स्ट है क्रियोपैलेटाइजेशन, नेक्स्ट लेयरिंग जिसमें दो टाइप्स होता है, पाउडर लेयरिंग एंड सोल्यूशन या सस्पेंशन लेयरिंग, एंड लास्ट में है ग्लोब्यूलेशन, स्प्रे ड्राइंग और स्प्रे कंजीलिंग जिसको हम स्प्रे चिलिंग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए समझते हैं एजिटेशन या बॉलिंग। एजिटेशन का मतलब होता है कुछ इस तरीके से हिलाना, जैसे कि हम छन्नी जो होती है ना आटा छानते हैं या फिर कोई और भी सीमेंट वगैरह, या कई बार हम बालू रेत को छानते हैं, तो वो हमारा एजिटेशन मेथड से ही छाना जाता है। अब क्या है बॉलिंग का मतलब कि यहाँ पे जो भी आपका सारा जो मटेरियल है मतलब कि एपीआई है, बाइंडर वगैरह है, सारे जो एक्सिपिएंट है वो आपने यहाँ पे ले लिए, उसमें थोड़ा सा आपने पानी डाला और एक कंटेनर होगा या जो भी आपका इक्विपमेंट है उसमें इस तरीके से हिलाया जाएगा, बनो छोटी छोटी बॉल्स के रूप में बन बन के इस तरीके से स्फेरिकल रूप वो ले लेंगे, वही प्रोसेस कही जाती है बॉलिंग या बोलते हैं एजिटेशन। इन दिस मेथड फर्स्ट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड एडेड इन फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल ऑफ ड्रग, देन कंटिन्यूअस टम्बलिंग एंड रोलिंग ऑफ पैन गिव्स बॉल लाइक स्फेरिकल पार्टिकल। एक पैन के अंदर वो घुमाई जाती हैं और वो एक स्फेरिकल पार्टिकल का रूप ले लेती हैं, ठीक है, बॉल की तरह वो दिखते हैं, उसी को हम बॉलिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखो है कॉम्पैक्शन मतलब कि यहाँ पे हमने प्रेशर की मदद से ना जैसे हम टैबलेट को कंप्रेस करके एक जो भी इसका शेप दे रहे थे वो देते हैं, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे कंप्रेस करके राउंडेड छोटे छोटे स्मॉल बॉल बनाते हैं, पैलेट बनाते हैं। तो पहला तरीका है कंप्रेशन, इन दिस प्रोसेस मिक्सचर ऑफ एपीआई एंड एक्सिपिएंट कॉम्पैक्टेड अंडर प्रेशर टू जनरेट पैलेट्स ऑफ डेफिनेट शेप एंड साइज। तो ये तो सिंपल तरीका है जिसके हमने टैबलेट बनाई थी, लेकिन दूसरा तरीका आपने समझना था कि वह है एक्सट्रूजन स्फेरोनाइजेशन मेथड। देखिए एक्सट्रूजन का मतलब समझो, द प्रोसेस ऑफ पुशिंग एपीआई एंड एक्सिपिएंट मिक्सचर थ्रू स्मॉल ओपनिंग। देखिए सिंपल क्या है कि आपके पास एपीआई है, आपके पास एपीआई है प्लस आपके पास एक्सिपिएंट है, दोनों को आपने लिया, उसका जो मिक्सचर है लिक्विड मतलब कि जो भी सॉलिड है अभी पाउडर फॉर्म में उसमें आपने थोड़ा लिक्विड मिला दिया, मतलब कि यहाँ पे एक मास आपके पास बन के तैयार हो गया। अब आपके पास ना कुछ एक स्मॉल ओपनिंग होगी, जैसे सपोज ये कोई गोलाकार चीज़ है या फिर ये है, तो इसके अंदर से आप इस मटेरियल को निकालोगे तो उस तरीके से ना आपको ना कुछ इस तरीके का ना एक्सक्रूड निकलेंगे बाहर, एक्सट्रूडेट्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब उनको ना यहाँ पे हम कट करेंगे, जिसकी कट किया, कट कर करके ना हम उसको गोल रूप दे देंगे और उसको हम बोलते हैं स्फेरोनाइजेशन। क्लियर हुआ, एक्सट्रूजन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ पुशिंग एपीआई या एक्सिपिएंट मिक्सचर थ्रू स्मॉल ओपनिंग, किसी भी स्मॉल ओपनिंग के आर पार उसको निकालना और एक शेप दे देना, देन उसको हमने स्फेरोनाइजेशन मेथड से उसको हम गोलाकार रूप दे देते हैं। द प्रोसेस वेयर एक्सट्रूडेट्स आर शेप्ड इनटू स्मॉल स्फेरिकल पैलेट्स बाय प्रेशर, प्रेशर लगा लगा के पहले वो ऐसे बनते हैं, फिर ऐसे बनते हैं, फिर हमारे गोल बन जाते हैं जो कि हमारी पैलेट कही जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सट्रूजन स्फेरोनाइजेशन मेथड। तो यहाँ पे सिंपल इसका लिखा है कि इन दिस मेथड फर्स्ट पाउडर इज फॉर्म्ड इन वेट मास, उसको हम गीला कर लेते हैं, देन ये जो है ना पास किया जाता है स्मॉल ओपनिंग के द्वारा, उस पर उसको हम एक्सट्रूजन बोलते हैं, देन जो भी एक्सट्रूडेट निकलते हैं उसको हम स्फेरिकल शेप दे देते हैं कॉम्पैक्शन होते हैं प्रेशर की मदद से। तो क्लियर हो गया। अब थर्ड जो तरीका है वो है क्रियो पैलेटाइजेशन। क्रियो का मतलब होता है कोल्ड या बोलते फ्रीजिंग पॉइंट,
पैलेटाइजेशन बोले तो फॉर्मेशन ऑफ पैलेट। तो यहाँ पे जो है ना, हमने जो लिक्विड आपका फीडिंग मटेरियल है, यानी कि जो भी आपका लिक्विड है या बोल सकते हैं जो भी आपके एक्सिपेंट और एपीआई है, उसका हमने लिक्विड मटेरियल यहाँ पे बनाएंगे। फिर उसको ना हम ऐसे चैम्बर से निकालेंगे जहाँ पे ना -160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नाइट्रोजन फिल होगी, मतलब कि बहुत ही ठंडा इन्वायरमेंट होगा। तो यहाँ से वो मतलब कि स्प्रे किए जाएंगे और वो ना जिसके ठंडे इन्वायरमेंट में आएंगे ना, वो एकदम गोलाकार रूप ले लेंगे। इसी को हम बोलते हैं क्रियोपलाइटाइजेशन। तो लिखा है कि इन दिस प्रोसेस ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड फॉर्मुलेशन आर कन्वर्टेड इनटू स्फेरिकल पैलेट्स बाय पासिंग लिक्विड थ्रू -160 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन मीडियम। तो इस तरीके से आपने डायग्राम को दिखा देना है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए वो आपका लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब है कि बार बार चारों तरफ लेयर चढ़ाना, जैसे कि एक बार लेयर चढ़ाई, फिर दूसरी और लेयर चढ़ाई, तीसरी चढ़ाई, चौथी चढ़ाई, इस तरीके से लेयरिंग करके ना अपने पैलेट्स को बनाना। तो सिंपल है कि लेयरिंग मेथड इन्वॉल्व्स द डिपोजिशन ऑफ सक्सेसिव लेयर ऑफ ड्राई पाउडर या लिक्विड ड्रॉपलेट ऑफ ड्रग ऑन इनर्ट न्यूक्लियस ऑफ सीड। इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, सबसे पहले आपके पास ना एक न्यूक्लियस होगा, मतलब कि एक इनर्ट कोई भी मटेरियल होगा ऐसे, आप उसके पास ना उसके ऊपर ना आपने जो भी आपका मटेरियल है उसकी ना स्प्रे करनी होगी। स्प्रे करके उस पर एक रोल कर देना है, उसको घुमा देना है, देन उसके बाद में उसको ड्राई कर देना है और आपका पैलेट यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लेयरिंग है ना, वो दो तरीके से की जाती है। पाउडर लेयरिंग, या तो पाउडर की स्प्रे कर दो, या फिर किसी सॉल्यूशन या सस्पेंशन की बार बार लेयरिंग करो, या तो उसकी स्प्रे करते रहो और आपका यहाँ पे लेयरिंग मेथड से आपकी यहाँ पे पैलेट तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों में चार स्टेप इन्वॉल्व होती हैं, चार पांच स्टेप। कि सबसे पहले कि जैसे कि आपको एक न्यूक्लियस है जो कि इनर्ट है, आपने ले लिया, अब उसके ऊपर आपने स्प्रे करा जो भी मटेरियल है उस तरीके से स्प्रे किया, उसके बाद रोलिंग उसको घुमा दिया जिससे कि वो एकदम चारों तरफ थिकनेस बराबर हो जाए, फिर उसको ड्राई कर दिया, ड्राई करके आपकी एक लेयर तैयार होगी। अब एक के बाद दोबारा से स्प्रे करना है, फिर रोल करना है, फिर ड्राई करना है, मतलब कई सारी लेयर आप ऐसे ही बार बार कर सकते हैं, सक्सेसिव लेयर चढ़ा सकते हैं और आपकी पैलेट यहाँ पे बनके तैयार हो जाएंगी। अगर यहाँ पे अगर आप पाउडर लेयरिंग कर रहे हैं तो मतलब पाउडर को बिखेरना होगा, अगर सॉल्यूशन या सस्पेंशन लेयरिंग कर रहे हैं तो सस्पेंशन की स्प्रे यहाँ पे आपने करनी होगी, क्लियर हुआ। अब देखिए लास्ट में देखिए बहुत ग्लोब्यूलेशन मेथड। ग्लोब्यूलेशन का मतलब कि गोला बनाना, ग्लोब्यूल बनाना। तो इट इज़ द प्रोसेस वेयर ड्रग सॉल्यूशन और सस्पेंशन आर एटोमाइज टू जनरेट स्फेरिकल पार्टिकल और पैलेट। कि इसमें ना हम एटोमाइजर जो होता है, जो कि छोटे 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 आपके ड्रॉप्स ही बनाता है, उसका हम यूज़ करते हैं और देन वो जो है ना एक मीडियम से पास की जाती है। तो एक ठंडा मीडियम होगा, ड्राई मीडियम होगा, या फिर एक ठंडा मीडियम होगा। तो इसी बेसिस पे दो टाइप का हो जाता है, स्प्रे ड्राइंग और स्प्रे चिलिंग, जिसको हम बोलते हैं स्प्रे कंजीलिंग भी, ठीक है। तो स्प्रे ड्राइंग का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा है कि इन दिस मेथड ड्रग सॉल्यूशन स्प्रेड इनटू हॉट एयर स्ट्रीम टू प्रोड्यूस ड्राई एंड हाईली स्फेरिकल पार्टिकल। कि एक एटोमाइजर की मदद से जो हमारी जो ड्रॉप्स जो होती हैं सारी, वो एक ना बहुत ही ज़्यादा गर्म एयर स्ट्रीम से पास की जाती हैं, या बोलते वहाँ से वो उसमें वो प्रोड्यूस की जाती हैं, स्प्रे कर दी जाती हैं और फिर वो ड्राई होकर के स्फेरिकल रूप ले लेती हैं। दूसरा तरीका स्प्रे चिलिंग। चिलिंग का मतलब है ठंडा करना, कि यहाँ पे हम हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे बल्कि ठंडा एरिया प्रोवाइड करेंगे। कि इट इज़ सिमिलर टू स्प्रे ड्राइंग बट हेयर नो सोर्स ऑफ हीट रिक्वायर्ड। यहाँ पे हीट हम प्रोवाइड नहीं करते, जो भी आपकी स्लरी जो होती है, जो भी आपका जो स्प्रे जो होता है, वो हम वहाँ पे फीड के रूप में देते हैं और वो जो है ना एक ठंडे चैम्बर से पास किया जाता है और वो एक गोलाकार पैलेट का रूप ले लेता है। तो ये कहा जाता है स्प्रे चिलिंग। तो इस तरीके से ना ये सारे मेथड हैं पैलेटाइजेशन के। आई होप जो ना सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा कि क्या होती है पैलेट और पैलेटाइजेशन क्या होता है, कितने तरीकों से किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ना आपकी यूनिट थर्ड हमने पूरी ऑलमोस्ट कवर कर ली है, सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होता है यहाँ पे, वो है पैरेंटल प्रोडक्ट। तो इनको हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 4, तो इसमें जो पहले क्वेश्चन बनता है ना, देखिए वह क्लासिफाई पैरेंटल प्रोडक्ट एंड गिव देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। देखिए पैरेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, यानी कि ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं तो वो आपके पैरेंटल प्रोडक्ट कहे जाते हैं, आपको मालूम होगा ही। लेकिन अगर हम बर्ड को ब्रेक करें तो पैर या बोलते पैरा प्लस एंटेरल, तो पैरा का मतलब होता है अनोदर या बोलते आउटसाइड ऑफ, यानी कि उसके अलावा, एंड एंटरल का मतलब है GIT और इंटेस्टाइन, यानी कि ऐसे कोई भी प्रोडक्ट या ऐसे कोई भी मेडिकमेंट जो कि GIT रूट के अलावा किसी दूसरे रूट से दिए जाते हों, वो आपके पैरेंटल प्रोडक्ट कहे जाते हैं। जिसके अभी तक आपने देखा था टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया। तो सिंपली देखिए आप उसको माउथ में लेते हैं, माउथ से स्टोमक में वो जाते हैं, स्टोमक से इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन से वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये सारा कुछ क्या कहा जाता है, GIT कहा जाता है ना, माउथ से लेकर इंटेस्टाइन तक, एनस तक। तो ये जो ना
GIT के अलावा जो आपके इंजेक्शन्स हैं वो डायरेक्टली वेंस में लगाए जाते हैं, आपके मसल में लगाए जाते हैं, तो वो उस रूट को फॉलो नहीं करते हैं। तो उसी वजह से ये जो नेम आया है ना वो आया है आपका पेरेंट्रल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ देखिए सिंपल है कि पेरेंट्रल इज द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड अदर देन GIT या तो इंटेस्टाइन रूट इन द बॉडी। ठीक है, ये जो पेरेंट्रल प्रोडक्ट होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा स्टेराइल होते हैं, मतलब कि माइक्रोब से फ्री रहते हैं, क्योंकि देखो भाई इनको हमने ना अपनी वेंस में एंटर करना है डायरेक्टली ब्लड में, अगर हमें माइक्रोब वगैरह गए ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिखा है कि पेरेंट्रल प्रोडक्ट आर स्टेराइल प्रिपरेशन विच रीच्ड इन बॉडी डायरेक्टली बाई पासिंग ईसोफेगस स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, वो इन सभी को बाईपास करते हुए डायरेक्टली हमारे ब्लड में पहुँचते हैं, मतलब कि बहुत ही जल्दी ब्लड में पहुँच के वो एक्शन दिखाते हैं। तो लिखा है कि पेरेंट्रल रूट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट फॉर दोज ड्रग विच हैव लिमिटेड बायो अवेलेबिलिटी एंड थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देखिए आपने टर्म जरूर से पढ़ ली होंगी, क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि हमारे ब्लड में पहुंचती है वो आपकी बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो ऐसी ड्रग जिनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है या फिर जो है ना वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के दौरान में बाहर निकाल दी जाती हैं लीवर के द्वारा, तो उन सभी मेडिसिंस को आप इस तरीके से बॉडी में इंजेक्ट करके उनसे अच्छे काम ले सकते हैं या तो उसका एक्शन अच्छे से आप गेन कर सकते हैं। तो ये है आपका पेरेंट्रल रूट, या तो पेरेंट्रल प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेरेंट्रल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे उनका क्लासिफिकेशन दे रखा है, सबसे पहला है इंजेक्शन जो कि हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, दूसरा है इन्फ्यूज़न जिनको हमने बोतल बोलते हैं, जैसे कि जो आपके फ्लूड होते हैं ना जैसे नॉर्मल सलाइन है और RL सॉल्यूशन है, डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन है, वो आपके इन्फ्यूज़न कहे जाते हैं। तीसरा वह पाउडर फॉर इंजेक्शन, मतलब कि आपने कुछ इंजेक्शन देखे होंगे ना जो मतलब पाउडर फॉर्म में होते हैं और फिर उनको ना इंजेक्शन लगाने से पहले जो है ना एक स्टेरिल वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, जिसके मोनोसेफ का इंजेक्शन जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, इसकी मेरे पास यहाँ पर रखा भी है कि मैं सिंपल दिखाऊं कि ये जो है ना इंजेक्शन देखोगे एकदम सूखा है, पाउडर फॉर्म में है और इसमें हम स्टेरिल वाटर को मिला करके ये इंजेक्शन लगाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं पाउडर फॉर इंजेक्शन। नेक्स्ट है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन, मतलब कि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, लगाने से पहले उसमें भी कुछ ना कुछ वहाँ पर वाटर ऐड करना होगा उसको डाइल्यूट करने के लिए। लास्ट में है इम्प्लांट्स की वो स्किन के अंदर वो जो है ना इम्प्लांटेशन किया जाता है। तो बारी बारी से यहाँ पे सिंपल लिखना है कि इंजेक्शन, इंजेक्शन जो है ना इसके अंदर हमारा जो मेडिसिन जो होती है API जो होती है एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डिजोल्व रहती है, जो कि हमारे कई टाइप के इंजेक्शन होते हैं IV इंट्रावेनस जो कि वेन में लगाए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल। तो इस तरीके से आपने लिखना है। दूसरा देखिए आपका इन्फ्यूज़न, इन्फ्यूज़न भी ऑलमोस्ट इंजेक्शन की तरह ही होते हैं, लेकिन इन्फ्यूज़न हम उसको बोलते हैं जो कि हाई क्वांटिटी में दिए जाते हैं, जिसके 100 ml 500 ml की जो बोतल चढ़ाई जाती हैं नॉर्मल सलाइन की और RL सॉल्यूशन की, तो वो आपके इन्फ्यूज़न कहे जाते हैं। ए मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्लड स्ट्रीम इन हाई क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर दीज लिखा है कि दीज पेरेंटल प्रोडक्ट कंटेंस स्टेराइल एक्वा सॉल्यूशन विद ड्रग, इसमें कोई ड्रग होती है और स्टेराइल सॉल्यूशन यहाँ पर भरा होता है। ये जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक होना चाहिए, इसकी टोनिसिटी ऐसे ही होनी चाहिए जितने कि हमारे ब्लड की है, ये आपने पढ़ा होगा, और इसमें कोई भी एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव यूज़ ना हो, जिसकी नॉर्मल सलाइन है, RL सॉल्यूशन है, डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन है, इनको हमने IV बोतल भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए वहाँ पाउडर फॉर इंजेक्शन, यानी कि ये जो है आपका सॉलिड पाउडर आपका एकदम स्टेराइल बनाया जाता है जो कि मिक्स किया जाता है स्टेराइल वाटर के साथ लगाने से पहले, इसके आपके सामने ये एग्जांपल है, तो ये आपका पाउडर फॉर इंजेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वहाँ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन, इसमें सिंपल यही अंतर है कि यहाँ पे पाउडर की जगह ना कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड, तो उसको लगाने से पहले उसको ना डाइल्यूट करना पड़ता है, या आप सिंपल ऐसे बोल सकते हैं जिसके कई बार आपने देखा होगा ना कुछ जो इंजेक्शन जो होते हैं वो भर लिए जाते हैं और उनको ना हमने इन्फ्यूज़न के थ्रू दे देते हैं डाइल्यूट करके, तो वही कहे जाते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन। एंड लास्ट में है इम्प्लांट्स, यहाँ पे लिखा है कि दीज आर सॉलिड स्टेराइल प्रिपरेशन विच प्लेस्ड अंडर स्किन, जिनको हम ना स्किन के अंदर प्लेस कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये जो ना उन मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है इम्प्लांटेशन जिनका असर हमें लंबे टाइम तक चाहिए होता है, तो ये ना लंबे टाइम तक ड्रग को रिलीज़ करती रहती हैं। एग्जाम्पल इसके मोस्टली जो हॉर्मोनल प्रिपरेशन होते हैं जिसके कई बार प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हमने इम्प्लांटेशन करा लेते हैं, उसके दौरान अगर आप कुछ भी करते हैं तो प्रेगनेंट नहीं होते हैं, तो वो जो ना इम्प्लांटेशन ही उसको रोक पाता है।
तो ये जो हो गया वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए पहला एडवांटेज देखिए है क्विक एक्शन ऑफ ड्रग। अगर आप इंजेक्शन के थ्रू पेरेंटल रूट से मेडिसिन को दे रहे हैं तो वहाँ पे ना वो बहुत ही जल्दी असर करती है। जैसे टैबलेट हैं, कैप्सूल हैं और आपके जो भी सिरप वगैरह हैं, तो उनको ना देखिए डिसइंटीग्रेट और डिजोल्व होने में ही कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं, 15-20 मिनट बाद उनका असर आता है। लेकिन ये बहुत ही जल्दी वेंस में जाता है डायरेक्टली इंजेक्शन, या मसल्स में जाता है तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक्शन दिखाता है। दूसरा, हाई बायो अवेलेबिलिटी एंड मोर एक्शन। बहुत ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होती है, मतलब कि कोई भी ड्रग का वेस्ट नहीं होता। जितनी मेडिसिन आप दे रहे हो, जितनी एमजी दे रहे हो, वो उतनी ही उतनी ब्लड में पहुंचती है, आपकी बॉडी में पहुंचती है, और वो उतना ज़्यादा वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे एक्शन दिखाती है। नेक्स्ट एक बार, हेल्पफुल इन एमरजेंसी केसेस। एमरजेंसी केसेस में देखिए टैबलेट नहीं दी जाती ज़्यादा, ज़्यादातर इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि जल्दी से जल्दी जो पेशेंट उसको राहत मिल सके, जैसे शॉक के दौरान, हार्ट अटैक के दौरान, अस्थमा के दौरान, तो इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अनकॉन्शियस पेशेंट। जो पेशेंट बेहोश है, जो टैबलेट नहीं ले सकता, कैप्सूल नहीं ले सकता, उसको इंजेक्शन हम इजिली दे सकते हैं। नेक्स्ट है, दे मे बी यूज्ड फॉर लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट के लिए भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं, जिसकी लोकल एनेस्थेसिया, किसी पार्टिकुलर जो आपकी सरफेस है बॉडी की, उसको अगर आपने एनेस्थाइज करना हो तो वहाँ पर हम इनका यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शन के रूप में उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पेरेंटल न्यूट्रिशन टू द पेशेंट हु कैन नॉट कंज्यूम फूड। जो पेशेंट फूड कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में वो रहते हैं, तो कई बार ना उनको जो आपकी जो न्यूट्रिशन जो होता है ना, वो पेरेंटल रोड से ही प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उनको एनर्जी लगातार मिलती रहे। और हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, तो उनका भी जो इम्बेलेंस जब हो जाता है, तो हम बोटल्स लगाते हैं, नॉर्मल सलाइन चढ़ाते हैं, आरएल सॉल्यूशन चढ़ाते हैं, तो वो इसी रूट से चढ़ाते हैं। तो ये होके इसके एडवांटेज। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज। तो देखिए सबसे पहले कि कॉस्ट इज़ हाई, बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना हम देखिए असेप्टिक एरिया में इनको बनाते हैं, स्टेराइलाइजेशन इनका करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा है पेन ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो दर्द तो होता है, तो भाई ये डिसएडवांटेज है इसका। तीसरा है कि फियर, यानी कि जो पेशेंट होते हैं उनको डर भी लगता है इंजेक्शन लगवाने में, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि ट्रेंड स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इंजेक्शन को ना हर एक आदमी खुद नहीं लगा सकता, टैबलेट को आप खुद ले सकते हैं, पाउडर को खुद ले सकते हैं, सिरप को खुद पी सकते हैं, लेकिन इंजेक्शन के लिए भाई नर्स चाहिए होगी, फार्मासिस्ट चाहिए होगा, डॉक्टर चाहिए होगा, कोई ना कोई जरूर चाहिए होगा ट्रेंड स्टाफ। नेक्स्ट एक बार, डिफिकल्ट टू रिवर्स फिजियोलॉजिकल एक्शन। कि अगर देखिए अगर आपने इंजेक्शन लगा दिया है, गलत इंजेक्शन लगा दिया है, उसका कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, तो उसको ना रिवर्स नहीं कर सकते। कई बार देखिए टैबलेट जब आप खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, तो उल्टी वगैरह भी करा दी जाती है, लेकिन इस केस में आप नहीं कर सकते। लास्ट में एक्सपेंसिव होती है इसकी पैकेजिंग भी, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्लास कंटेनर वगैरह का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपके पेरेंटल प्रोडक्ट, उनके क्लासिफिकेशन एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शन बाय लायोफाइलाइजेशन प्रोसेस। कि जो इंजेक्शन के लिए हम ड्राई पाउडर बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, लायोफाइलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, उसी को समझाना है। यानी कि यही जो ड्राई पाउडर है इंजेक्शन के लिए कैसे बनाया है, जिसके मोनोसेफ का ये है, तो सिंपल समझना कि क्या है लायोफाइलाइजेशन प्रोसेस, जिसको हमने फ्रीज ड्राइंग भी बोलते हैं। तो देखिए ड्राइंग की जो प्रोसेस है ना, आपने ना फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में समझे होंगे ड्रायर, कई सारे ड्रायर हम यूज़ करते थे ड्राइंग करने के लिए, उसमें से एक था फ्रीज ड्रायर। तो अब ये हम समझते हैं कि थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें कि आपके पास ना कोई भी कंपोजिशन है, आपको कोई भी मटेरियल है, उसको सुखाने के ना कई तरीके हैं। एक है कि भाई उसको धूप में रख दो, जो कि हमारा नॉर्मल जनरल तरीका है। दूसरा है कि ऑटोक्लेव पर रख दो, ऑटोक्लेव पे जहाँ पे टेम्परेचर हाई प्रोवाइड करना होता है, ऐसे हॉट एयर ओवन में रख दो, तो यहाँ पे ना 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर आपने टेम्परेचर यहाँ पे रखना होता है, तब जाके आपका प्रोडक्ट यहाँ पे सूख पाता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट में इशू होता है कि वो हाई टेम्परेचर पे हो जाते हैं डिग्रेड, यानी कि ख़राब। अब उनको उस तरीके से तो हम नहीं कर सकते, लेकिन सुखाना हमने बहुत ही ज़रूरी है, तो तब हम यूज़ करते हैं फ्रीज ड्राइंग, यानी कि फ्रीज करके जो भी कंटेंट है उसको पहले जमा दो, फिर ड्राई कर दो। कैसे होता है वही चीज़ आपने लायोफाइलाइजेशन कहनी हो कही जाती है, और वही यहाँ पे आपने समझनी है। तो यहाँ पे देखिए वही जो चीज़ें ना, पहले मैं आपको ना डायग्राम से समझा देता हूँ, ताकि थ्योरी समझने में दिक्कत ना हो। कि कोई भी आपका कंपाउंड या मिक्सचर है, जिसमें थोड़ा भी लिक्विड है या तो थोड़ा भी वहाँ पे वाटर वगैरह है, तो उसको आपने अगर फ्रीज ड्राइंग मेथड से अगर ड्राई करना है, तो सबसे पहले उसको ना फ्रीज कर देना होगा -50 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे जैसे मैंने दिखा रखा है, कुछ इस तरीके से ना यहाँ पे आपकी बर्फ़ बन जाएगी, जो भी वाटर कंटेंट है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपका कंटेंट है ना, उसको आपने ले जाना होगा वैक्यूम चैम्बर के अंदर। वैक्यूम क्या होता है, मतलब कि जहाँ पे बिल्कुल भी प्रेशर ना हो, बिल्कुल भी एयर ना हो, कुछ भी चीज़ ना हो, उसको हम ना वैक्यूम बोलते हैं।
तो उसके अंदर हम ले गए। तो वैक्यूम का मतलब है कि वहाँ पे प्रेशर बहुत ही कम है। अब देखिए जैसे ही प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होगा ना, तो टेम्परेचर अगर हम थोड़ा भी प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो थोड़े से ही टेम्परेचर पर ना बहुत जल्दी जो ना वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब समझो एक गैलोसेक का नियम था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब कि प्रेशर कम होगा मतलब कि टेम्परेचर भी कम होगा। अगर देखिए हम यहाँ वैक्यूम में ले गए, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे ना, थोड़ी सी भी, तो यहाँ पर जो आपका जो कंटेंट है वो डायरेक्टली लिक्विड फेज को छोड़ के डायरेक्टली वेपर से कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि सॉलिड से वेपर यानी कि आइस से वेपर। तो वो कहा जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपने भी स्टैटिक्स में जरूर पढ़ा होगा, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में रिकॉल करो, थर्ड या फोर्थ सेम में जरूर से पढ़ा होगा। तो सब्लिमेशन जो होता है ना, उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है लायोफाइलाइजेशन। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 95% वाटर आपका बाहर निकल जाता है। अगर यहाँ पे कुछ परसेंट रह भी जाता है, तो आगे हम उसकी सेकेंडरी ड्राइंग और कर देते हैं यानी कि डिजॉर्प्शन के द्वारा, कि यहाँ पे हम जो टेम्परेचर है वो जीरो से थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 1-2 डिग्री सेल्सियस तक, और बाकी का बाकी सारा जो कंटेंट है लिक्विड वाला या कहें तो वाटर वाला यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो ये है आपकी लायोफाइलाइजेशन प्रोसेस, क्लियर हुआ? तो ये किस पर बेस्ड है? सब्लिमेशन पे, सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होना। तो अब डेफिनेशन कैसे लिखनी है कि लायोफाइलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन विच वाटर इज रिमूव बाय फ्रीजिंग इट, ठीक है, फ्रीज किया जाता है, देन पुटिंग इट अंडर वैक्यूम, एक वैक्यूम के अंदर लो प्रेशर पे इसको पुट किया जाता है। सो आइस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज, और उसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। बाकी और भी आगे आप डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यही जो अभी मैंने आपको दिखा रहा हूँ बार बार, ये आपका जो प्रोडक्ट है ये मोनोसेफ इंजेक्शन, ये इसी तरीके से बनाया गया है। दोस प्रोडक्ट जो इस तरीके से यानी कि लायोफाइलाइजेशन के तरीके से बनाए जाते हैं वो लायोफाइलाइज्ड प्रोडक्ट कहे जाते हैं, जिसके ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शन यानी कि मोनोसेफ इंजेक्शन। अब यही सारी जो स्टेप है इसको हमने डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आपने ना प्रिंसिपल लिखना हो कि लायोफाइलाइजेशन किस पर बेस्ड है। तो लिखा है कि लायोफाइलाइजेशन इज बेस्ड ऑन सब्लिमेशन ऑफ फ्रोजन वाटर डायरेक्टली इनटू वेपर। आपको ये चीज़ याद आई होगी, आपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा कि लिक्विड जब कन्वर्ट होता है सॉलिड में उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग, जब सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड फेज तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो जैसे ही हम जो है यहाँ पे एकदम ठंडे अपने मटेरियल को एक संग कम प्रेशर में ले जाते हैं ना, तो वो इजीली जो है ना सब्लिमेट हो जाता है वेपर्स में, और आपको जो है ना लिक्विड वहाँ पे नहीं मिलता डायरेक्टली, वेपर वहाँ पे बन जाती है, वो बाहर निकल जाता है आपका वाटर। तो यही कहा जाता है सब्लिमेशन। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपने प्रिंसिपल लिखना है। अब बात करते हैं लायोफाइलाइजेशन जो फ्री ड्राइंग है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने बोला था कि ऐसे प्रोडक्ट जो हाई टेम्परेचर पर डिग्रेड हो जाते हैं उनको ड्राई करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, उनको हमने थर्मोलाइलेबल मटेरियल बोलते हैं। दूसरा है टू एक्सटेंड स्टेबिलिटी या सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट को ड्राई कर देंगे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। टू रिड्यूस प्रोडक्ट वेट बाय ड्राइंग, ड्राइंग के द्वारा हम प्रोडक्ट के वेट को कम कर सकते हैं। लास्ट में है टू गेट एक्यूरेट या बोलते हैं स्टेराइल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, हम एक्यूरेट जितना भी मेन अमाउंट है ड्रग का या पार्ट प्रोडक्ट का वो हमको मिल जाएगा। तो ये है इसके ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए आपने डिटेल में जो है ना लायोफाइलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे बता देनी है, जो कि 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। देखिए पहली स्टेप वो है प्री ट्रीटमेंट, दूसरा है वो है फ्रीजिंग, तीसरा है प्राइमरी ड्राइंग यानी कि जिसमें हम सब्लिमेशन करते हैं, एंड लास्ट में है सेकेंडरी ड्राइंग जिसमें हमने डिजॉर्प्शन करते हैं, थोड़ी बहुत अगर वाटर कंटेंट बचा है तो वो लास्ट में निकल जाता है। तो ये प्री ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, पहले स्टेप यानी कि ट्रीटमेंट करने से पहले कुछ कर देना, मतलब कि डायरेक्टली फ्रीजिंग करने से पहले कुछ चीज़ें हमने ध्यान रखनी होती हैं, कि जो भी आपका मटेरियल है जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके सरफेस एरिया को अच्छे तरीके से बढ़ा देना है। अगर वो एक जगह इकट्ठा पड़ा है तो उसको इस तरीके से चारों तरफ फैला देना है, सरफेस एरिया बढ़ा देना है, वहाँ पर जो भी वेपर प्रेशर है उसको कम कर देना है, एंड उसमें कुछ और भी एड्स कर देना है कंपोनेंट ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ सके, ठीक है। तो ये हो जाता है जी आपका प्री ट्रीटमेंट। नेक्स्ट में आपके सेकंड स्टेप आती है फ्रीजिंग। अब जो भी आपका मटेरियल है उसको ना -50 डिग्री सेल्सियस पर आपने फ्रीज कर देना है। तो जैसे आप फ्रीज करोगे सारा का सारा जो वाटर कंटेंट है वो फ्रोजन हो जाएगा, बोले तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको फ्रीज करने के ना 2 तरीके होते हैं। अगर आप स्मॉल स्केल पे कर रहे हो तो जो भी आपका मटेरियल जो होता है उसको हमने फ्रीज ड्राइंग फ्लास्क में रखना होता है, जो कि रोटेट कराया जाता है सेल फ्रीजर के द्वारा। तो ये स्मॉल के लिए होता है। अगर आप लार्ज स्केल की बात करें तो वहाँ पर मशीन यूज़ की जाती है फ्री ड्राइंग के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा यही पॉइंट है कि पहले आपका कंपाउंड मिक्सचर है जिसको आपने यहाँ पर इस तरीके से प्री ट्रीटमेंट कर लिया है, देन उसकी फ्रीजिंग करी -50 डिग्री सेल्सियस पे, देन आप वैक्यूम चैम्बर में लेके सब्लिमेशन हुआ यानी कि यहाँ पे उसकी प्राइमरी ड्राइंग हुई,
देन लास्ट में जो है सेकेंडरी ड्राइंग हुई आपकी डिजॉर्प्शन के द्वारा। तो यहाँ पे लिखा है कि देखिए आपकी थर्ड स्टेप वो है प्राइमरी ड्राइंग, इनके सब्लिमेशन यहाँ पे होगा। इन दिस स्टेप जो आपका फ्रोजन मटेरियल जो है उसको आप एक वैक्यूम चैम्बर में ले जाएंगे जहाँ की बहुत ही कम प्रेशर होगा और वहाँ पे अपने बहुत ही धीमे धीमे से ना हीट प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही अपना उसको वैक्यूम में ले जाएंगे तो वो जो है ना कम टेम्परेचर पर ही वो जो है ना वेपराइज होने लग जाएगा, क्योंकि आपका प्रेशर वहाँ पे बहुत ही कम है। हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना कम से कम प्रेशर होगा उतना ही कम से कम टेम्परेचर चाहिए होगा किसी भी प्रोडक्ट को बॉईल करने के लिए या उसको मेल्ट करने के लिए। यही गैलोसाक का नियम है। तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ही कम है तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और उसकी वजह से वो जो ना एकदम सब्लिमेट हो जाएगा वेपर में, सॉलिड जो है जो आइस जो पर डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे 95% ऑफ वाटर यहीं से रिमूव हो जाएगा। अगर 5% या उससे ज़्यादा कुछ बचा भी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंडरी ड्राइंग यहाँ पे करेंगे, डिजॉर्प्शन यहाँ पे कराएंगे। इन सेकेंडरी ड्राइंग टेम्परेचर जो है ना हमने थोड़ा इंक्रीज करना होता है 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। देखिए पहले -50 था, अब हमने 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचाया, थोड़ा सा उससे ऊपर पहुँचाया, तो वाटर जो है ना यहाँ पे एक साथ इवेपोरेट होने लग जाता है और जो मटेरियल जो है ना आपका वो कम्प्लीटली यहाँ पे ड्राई हो जाता है। ड्राई करने के बाद में जो भी आपका जो मटेरियल है फ्रीज करने के बाद में वो आपने पैक कर देना है, इस तरीके से सील करके मार्केट में जो है ना वो डिस्पेंस कर देना होता है। तो यही होता है आपका लेयोफाइलाइजेशन कैसे होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट में यहाँ पे बात करते हैं जो कि आपका क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब कंटेनर एंड क्लोजर सिलेक्शन फॉर पैरेंटल प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पैरेंटल प्रोडक्ट। कि जो पैरेंटल जो प्रोडक्ट होते हैं उनके कंटेनर आपने देखे होंगे मोस्टली इस तरीके के वायल्स होते हैं और कुछ एम्प्यूल होते हैं जो कि एक बार में लग जाता है पूरा इंजेक्शन, छोटा सा आता है एम्प्यूल, एंड इसके अलावा कुछ बड़ी बड़ी बोटल्स भी होती हैं। तो आपने उनके कंटेनर कैसे सिलेक्ट करने होते हैं, क्लोजर कैसे सिलेक्ट करने होते हैं, क्लोजर मतलब कि जो क्लोज करने का यहाँ पे काम करते हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कंटेनर सिलेक्शन फॉर पैरेंटल प्रोडक्ट, यानी कि जो पैरेंटल प्रोडक्ट होते हैं उनको कौन कौन से कंटेनर में आप फिल कर सकते हैं। जिसकी एक आपके सामने वायल नज़र आ रहा है आप इसमें फिल कर सकते हैं, एम्प्यूल में फिल कर सकते हैं, और जो आपके आईवी फ्लूइड होते हैं उनमें आप प्लास्टिक की बोटल्स में फिल करते हैं। तो सभी के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले कि कंटेनर क्या होता है, कंटेनर यानी कि कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हमारे मटेरियल को होल्ड करता हो ताकि हम अपने जो भी प्रोडक्ट उसको स्टोर कर सकें, पैक कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें, वो आपका कंटेनर कहा जाता है। ये नीचे वाला कंटेनर है, ऊपर वाला क्लोजर यानी कि जो क्लोज करने का काम करता है, जो इस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि इसके अंदर रबर है जिसमें इंजेक्शन लगता है, मतलब कि जो सिरिंज लगती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। बात करते हैं आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है एक कंटेनर की इंजेक्शन के लिए। तो देखिए सबसे पहले कि नो इंट्रैक्शन विद ड्रग, जो भी आपका मटेरियल है, जो भी कंटेनर का मटेरियल है वो अपनी ड्रग से इंट्रैक्ट ना करें, ये मेन रीज़न मतलब कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सेकेंड, शुड प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेडिएशन। जो हमारा कंटेनर है वो ऐसा हो कि हमारे प्रोडक्ट को ना वो प्रोटेक्ट करें ताकि जो हाई टेम्परेचर उसे वो ख़राब ना हो, लाइट के रेडिएशन से वो ख़राब ना हो। थर्ड पॉइंट, मस्ट बी सुटेबल फॉर रिपीटेड यूज एंड इजी टू क्लीन। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंटेनर बार बार यूज़ किए जाते हैं तो वो इजिली रिपीटेड सुटेबल होना चाहिए, मतलब कि रिपीटेड उसको हम यूज़ कर सकें और इजिली उसको हम क्लीन भी कर सकें। शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और कलरलेस होना चाहिए। तो ये होंगे कंटेनर की कुछ मतलब कि प्रॉपर्टी जो आइडियल प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कंटेनर यूज़ किए जाते हैं पैरेंटल प्रोडक्ट के लिए, स्पेशली हम इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं पैरेंटल प्रोडक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो टाइप्स के कंटेनर चाहिए होते हैं, एक ग्लास कंटेनर और एक प्लास्टिक कंटेनर, ये दो टाइप के अवेलेबल होते हैं। ग्लास कंटेनर देखिए चार टाइप के ग्लास के बने होते हैं। आपने ग्लास के टाइप अगर नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे लिखा है कि ग्लास आपके चार टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 का जो ग्लास होता है उसको हम बोरोसिलिकेट ग्लास बोलते हैं, तो उसके कंटेनर बने होते हैं। टाइप 2 जो है वो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है, उसके कंटेनर बने होते हैं। टाइप 3 रेगुलर सोडा लाइम ग्लास बना होता है, उसके कंटेनर होते हैं। लास्ट में है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास कंटेनर। तो इनमें से तीन जो ग्लास हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, उनका यूज़ हम इंजेक्शंस को या तो पैरेंटल प्रोडक्ट को कंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। चौथा वाला केवल जो ओरल जो प्रोडक्ट होते हैं, ओरल जिसके टैबलेट वगैरह कई बार ना आपने देखा होगा आपके कंटेनर में रखी होती है, कैप्सूल भी भरे आते हैं, तो वो चौथा टाइप जो है ना उनके लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर देखिए सेकंड देखो है प्लास्टिक कंटेनर, जो कि दो टाइप की प्लास्टिक होती है, एक थर्मोप्लास्टिक टाइप, दूसरे थर्मोसेटिंग टाइप। तो थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल पॉली इथाइलिन है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीस्टीरीन है, नाइलोन है, एचडीपी वगैरह है। इसमें आता है यूरिया, फॉर्मल डिहाइड, फिनाइल फॉर्मल डिहाइड, मेलानिन फॉर्मल डिहाइड वगैरह।
तो बारी बारी से हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लास कंटेनर, जो कि चार टाइप के ग्लास के बनते हैं, लेकिन तीन टाइप के ग्लास के ही एप्लीकेबल है जो कि पैरेंटल प्रोडक्ट को कंटेन करते हैं। पहला है टाइप वन ग्लास, जो कि हमारा बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, ये मोस्टली यूज़ किया जाता है। ये जो ना हाईली रेजिस्टेंट ग्लास होता है, जो कि मतलब कि टेम्परेचर वगैरह के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, लाइट को इजिली पास नहीं होने देता, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। दिस कंटेनर आर मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास, ये बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं। दे आर मोर केमिकली इनर्ट देन सोडा लाइम ग्लास, जो आपका सोडा लाइम ग्लास है सेकेंड वाला, ये उससे ज़्यादा बहुत ही कम केमिकली इनर्ट होते हैं, सॉरी ज़्यादा केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब कि वो कोई भी रिएक्शन वगैरह शो नहीं करते हैं। दे हैव हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस, वो वाटर के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं। दे यूज फॉर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली एंड ऑल टाइप ऑफ सॉल्वेंट, जो एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली बेस वगैरह जो होते हैं और टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, उनको कंटेन करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। और इसके बाद देखिए सेकंड देखो है टाइप टू, यानी कि ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। जो सोडा लाइम जो ग्लास होता है ना, उसको हम ना डी एल्कलाइज करते हैं सल्फर के साथ में, तब उनको हम बोलते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास कंटेनर। तो दीज कंटेनर्स आर मेड अप ऑफ सोडा लाइम ग्लास विच ट्रीटेड, यानी कि डी एल्कलाइज्ड विद सल्फर डेट न्यूट्रलाइज एल्कली बेस्ड सॉरी ऑक्साइड एंड मेक ग्लास मोर रेजिस्टेंट, कि इनको हमने ट्रीट करते हैं किसके साथ में, सल्फर के साथ में, और देन जब ये जो हमारे सोडा लाइम ग्लास कंटेनर जो बनते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास कंटेनर। तो इनका जो यूज़ है वो हम यूज़ करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट जैसे कि इन्फ्यूज़न फ्लूड जो होते हैं, ब्लड प्लाज्मा वगैरह, ये और भी पेरेंटल प्रोडक्ट जो होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, उनको कंटेन करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। थर्ड है देखिए वो है रेगुलर सोडा लाइम ग्लास कंटेनर, दीज आर मेड अप ऑफ सोडा लाइम ग्लास विच इज अनट्रीटेड, ये अनट्रीटेड होता है, नॉर्मली सोडा लाइम ग्लास का ही बना होता है। इसका जो हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस है वो मॉडरेट होता है, नहीं ज़्यादा नहीं कम, एंड सुटेबल होता है नॉन एक्वस प्रिपरेशन फॉर पेरेंट्रल यूज़, यानी कि नॉन एक्वस का मतलब है कि ये ड्राई जो पाउडर है ये इसी ग्लास में भरा हुआ है रेगुलर सोडा लाइम ग्लास कंटेनर में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो हर टाइप फोर, जो कि आपका जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास होता है, ये पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए नहीं होता, नॉन पेरेंटल के लिए होता है, जिसमें कि हम टैबलेट वगैरह, कैप्सूल वगैरह या पैलेट्स वगैरह फिल करके रख पाते हैं। क्लियर हुआ। एंड उसके बाद देखिए सेकेंड जो टाइप है प्लास्टिक कंटेनर, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्लास्टिक कंटेनर जो होते हैं वो नेचुरल या सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, जिनका काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है, और उनको ना हम ना किसी हीट या प्रेशर की मदद से ना मोल्ड कर देते हैं जिस भी शेप में हमें वो चाहिए होते हैं। जैसे कि जो हमारी बोटल्स जो होती हैं आई वी फ्लूड, नॉर्मल स्लाइन वगैरह वाली, आरएस सॉल्यूशन वाली, वो इसी तरीके से उनमें फिल होती है। कई बार और भी हमारे जो इंजेक्शन है वो प्लास्टिक में फिल कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए ये ना दो टाइप की होती हैं, थर्मोसेटिंग टाइप एंड थर्मोप्लास्टिक टाइप। थर्मोसेटिंग, सेटिंग का मतलब है कि स्टेबल हो जाना, मतलब कि एक बार आपने उसको हीट किया और एक रूप में ढाल दिया, तो दोबारा से आप उसको ना रीहीट करके फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते, दोबारा से किसी भी रूप में आप उसको ढाल नहीं सकते। लिखा है कि बंस सेट सो कैन नॉट बी रीहीटेड एंड रीयूज्ड, तो उनको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग टाइप। एग्जांपल यूरिया है, फॉर्मल्डिहाइड है, फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड है, पॉली यूरेथेंस है। नेक्स्ट वो थर्मोप्लास्टिक टाइप, ये ऐसे होते हैं कि अगर आपने उसको हीट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर दोबारा अगर आप ठंडा कर दोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि आप अपनी शेप के, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसके शेप को बार बार गर्म कर करके उसको चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल पॉलीथाइलिन है, पीबीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड है, नाइलॉन है एंड पॉलीप्रोपाइलिन है, तो ये आपकी थर्मोप्लास्टिक टाइप। तो इस तरीके के आपके कंटेनर चूज़ करने होते हैं किसके लिए, पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लोजर सिलेक्शन फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट। देखिए मोस्टली जो क्लोजर जो होते हैं वो यहाँ पे जो है ना आपने रबर के ही चूज़ करने होते हैं, जिसकी यहाँ पे आप देखोगे, मैं इसको छुटा के दिखाऊँ, तो यहाँ पे जो ना क्लोजर दोनों रबर का है, तो यहाँ पे लिखा है कि फॉर क्लोजिंग द कंटेनर ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट वी यूज़ रबर क्लोजर, जो कि दो टाइप की रबर होती हैं, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर। तो नेचुरल जो रबर होती हैं, अगर हम हर एक रबर की बात करें, तो वो जो ना आइसोप्रीन के पॉलीमर होते हैं। आइसोप्रीन एक मोनोमर है, जो कि कई सारे जब आइसोप्रीन की यूनिट एक साथ जुड़ जाती हैं, एक लंबी लॉन्ग चेन बना लेती हैं, तो वो पॉलीमर जो बनता है वो आपका नेचुरल रबर या तो नॉर्मल रबर वो कहा जाएगा। नेचुरल कहने का मतलब वो नेचुरली हमको मिलती हैं। तो रबर जो हम नेचुरली मिलते हैं उसमें हम कई सारी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि फिलर, सॉफ्टनर, एंटीऑक्सीडेंट, ल्यूब्रिकेंट, वल्केनाइजिंग एजेंट, जो कि सल्फर हम यूज़ करते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सके, एंड एक्सेलरेटर्स। तो इन सभी को ऐड करके तब हमारी एक तरीके से क्लोजर वगैरह बनाई जाती है।
दूसरे सिंथेटिक रबर, तो ये जो ना सिंथेसाइज की जाती हैं लैब से, और ये लैब से, और ये जो ना नेचुरल रबर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, सुपेरियर होती हैं। दे आर मोर रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को वो रेजिस्टेंट कर के खिलाफ मतलब कि सहन कर सकती हैं हाई टेम्परेचर को भी, बट दे आर मोर एक्सपेंसिव, वो थोड़ी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो यहाँ पे अभी आपने देखा है कि कौन कौन से कंटेनर और कौन कौन से यहाँ पे आप क्लोजर सेलेक्ट कर सकते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए। अब हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट। जब पेरेंटल प्रोडक्ट यानी कि इंजेक्शन वगैरह, इन्फ्यूजन वगैरह आप बनाते हैं, तो मार्केट में लाने से पहले ना उन पर कई टाइप के टेस्ट आपने परफॉर्म करने होते हैं, ताकि उनकी स्टेबिलिटी, उनकी एफिकेसी, और ये पता कर सकें कि वो पोटेंट है या नहीं है। तो वो टेस्ट ही कहे जाएंगे आपको क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए मोस्टली जो है ना चार टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट पे, वो है लीकर टेस्ट, दूसरा है क्लेरिटी टेस्ट जिसको हमने पार्टिकुलर मैटर टेस्ट भी बोलते हैं, तीसरा पायरोजन टेस्ट, चौथा है स्टरलिटी टेस्ट। तो समझते हैं इसको, लीकर यानी कि जिसकी इंडिकेट कर रहा है, तो ये जो है ना मोस्टली केवल और केवल एम्प्यूल जो होते हैं ना, जो इस टाइप से होते हैं, इसको मैं आपको बना के दिखाऊँ, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, तो एम्प्यूल कुछ इस टाइप से होते हैं जिसका शेप इस तरीके का होता है जो हमारे लगाए जाते हैं, तो ये उनके लिए किया जाता है कि उनमें कोई लीकेज तो नहीं है, तो ये इंश्योर करने के लिए हमने लीकर टेस्ट करते हैं। तो लिखा है कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई लीकेज इन एम्प्यूल, ये केवल एम्प्यूल पर परफॉर्म किया जाता है, और ये ना वैक्यूम चैम्बर में परफॉर्म किया जाता है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, तो सिंपल यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट डिप द एम्प्यूल इन 0.5 से 1% कलर डाई सोल्यूशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू, कि आपने जो है ना मिथाइलिन ब्लू का ना यहाँ पे इस तरीके से सोल्यूशन बना लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है इस तरीके से आपने सोल्यूशन बनाया डाई का। अब यहाँ पे जो है ना आपका जो एम्प्यूल है, इस तरीके से आपने उसको यहाँ पे डिप कर दिया पूरा। अब देन उसके बाद में वही जो एम्प्यूल है उसको आपने ना एक वैक्यूम चैम्बर में 30 मिनट के लिए रख देना है। वैक्यूम आपको दोबारा से याद दिलाऊं, यानी कि यहाँ पे प्रेशर बहुत ही कम होगा, 30 मिनट रख देना है। अब 30 मिनट के बाद में बाहर निकालना है वैक्यूम चैम्बर से। अब देखिए जैसे वो बाहर आएगा ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, पहले प्रेशर बिल्कुल नहीं था, अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो एक संग प्रेशर होगा ना, तो जो यहाँ पे जो आपका डाई का सॉल्यूशन है ना वो इस एम्प्यूल के अंदर बढ़ेगा, अगर कहीं भी यहाँ पे छोटा सा छेद हो या लीकेज हो। तो अगर हमारा जो एम्प्यूल है उसके अंदर का कलर बढ़ जाता है या प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाता है, तो हम पता कर लेंगे कि हाँ जी यहाँ पे लीकेज है। तो वही है कि आफ्टर 30 मिनट जो वैक्यूम हम रिलीज़ करते हैं, हटाते हैं, और जो कलर्ड सॉल्यूशन जो है ना वो एंटर करेगा एम्प्यूल के अंदर अगर कोई भी स्मॉल होल उसमें पाया जाता है, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है ना उस पर प्रेशर लगाएगा। देन जो बाहर से जो हमारा जो एक सैंपल है या बोल तो जो एम्प्यूल है उसको हम धो लेते हैं, एंड देन यहाँ पे एग्जामिन करते हैं कि यहाँ पे कोई आपका लीकेज है या फिर नहीं है। क्लियर हो गया, ये है आपका लीकर टेस्ट। सेकेंड अब क्लेरिटी टेस्ट। क्लेरिटी मतलब कि कोई ऐसी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी तो नहीं है, कोई पार्टिकुलर मैटर तो नहीं है जो कि हमारे सैंपल में नज़र आ रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं क्लेरिटी टेस्ट, ये इंश्योर करने के लिए। तो लिखा है कि क्लेरिटी टेस्ट इज परफॉर्म टू इंश्योर डेट पेरेंटल प्रोडक्ट आर फ्री फ्रॉम फॉरन पार्टिकल एंड इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी, कि ये इंश्योर करने के लिए कि उसमें कोई फॉरन पार्टिकल तो नहीं है, कोई इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी तो नहीं है। तो उसके दो तरीके हैं, विजुअल इंस्पेक्शन यानी कि खुद आंखों से देख सकते हैं, दूसरा है आपका वो है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। आंखों से देखने का तरीका ये है कि जैसे सपोज ये आपका एम्प्यूल है, आपने इस तरीके से इसको आंखों करीब लाएंगे और उसके ना पीछे एक वाइड स्क्रीन या फिर ब्लैक स्क्रीन होगी, तो जो भी कोई पार्टिकल होगा ना वो वहाँ पे दिख जाएगा, जो ब्लैक पार्टिकल है वो वाइट स्क्रीन के अगेंस्ट दिख जाएगा और जो वाइट पार्टिकल है वो ब्लैक स्क्रीन के अगेंस्ट दिख जाएगा। तो सिंपल है कि इन दिस मेथड इंस्पेक्शन डन बाई होल्डिंग एम्प्यूल बाई इट्स नेक, जो उसकी गर्दन जो होती है ना वहाँ से हम पकड़ लेते हैं और हाईली इल्यूमिनेटेड स्क्रीन के सामने लाते हैं, तो वहाँ पर जो भी पार्टिकल वो चमकने लग जाते हैं। तो ये ना ज़्यादा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम पता नहीं कर सकते, तो ये विजुअल इंस्पेक्शन के द्वारा किया जाता है। सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, यानी कि इंस्ट्रूमेंट की मदद से पता करते हैं कि कोई वहाँ पे बड़ा पार्टिकल या बोलते कोई इम्प्योरिटी है या फिर नहीं है। तो इसमें भी दो तरीके हैं कि सबसे पहले कि पास द सैंपल सॉल्यूशन थ्रू फिल्टर एंड एग्जामिन फिल्टर अंडर माइक्रोस्कोप, एक फिल्टर पेपर लो सैंपल को उसके थ्रू पार करो एंड फिल्टर पेपर पे जो रेसिड्यू रह जाएगा उसकी आपने एनालिसिस करो माइक्रोस्कोप की मदद से, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। दूसरा है कि पार्टिकल्स को ना आपने लाइट की मदद से भी पता कर सकते हैं कि जो भी सैंपल है ना आपका उसके थ्रू आप लाइट पास करो, तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल हुआ, यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी हुई ना, तो उसकी वजह से ना लाइट स्कैटर होगी, चारों तरफ फैलेगी, तो लाइट स्कैटर हुई या बोल तो एब्जर्व होगी, तो वहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स हैं वो आप काउंट कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी को पता कर सकते हैं। ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से किया जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कि नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है पायरोजन टेस्ट। पायरोजन टेस्ट कहने का मतलब है, पायरोजन का मतलब समझो कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में फीवर कोज कर सकता हो,
आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकता हूँ, उसको हमने पाइरोजन कहते हैं। तो पाइरोजन टेस्ट भी किया जाता है पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि ये हमारे ना स्टेराइल वाटर है, आपको अगर मैं गौर से दिखाऊँ तो यहाँ पे जैसे कि आप नोट करोगे ना, यहाँ पे लिखा है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन IP पाइरोजन फ्री, मतलब कि इस पर भी ना पाइरोजन टेस्ट किया गया है। तो सिंपली ये क्या होता है, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू इंश्योर डेट अवर पेरेंटल प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम पाइरोजन, कि ये इंश्योर करता है कि आपको जो पेरेंटल प्रोडक्ट है वो पाइरोजन से फ्री है। तो ये जो टेस्ट है ना, यहाँ पे हमने दो तरीकों से करना होता है, एक रैबिट टेस्ट और एक लाल टेस्ट। रैबिट यानी कि रैबिट का यूज़ करके हम डायरेक्टली इंजेक्शन उनमें लगाते हैं तब पता करते हैं। तो इसमें देखिए क्या करना होता है, सिंपल यहाँ पे लिखा है कि आपने 3 रैबिट को सेलेक्ट कर लेना है, उनका टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए बॉडी टेम्परेचर, एंड जो भी आपका सैंपल है उसको आपने 37 डिग्री सेल्सियस पे या -2 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर लेना है, और जो उनकी ईयर के पास में एक मार्जिनल वेन होती है वहाँ पे ना आपने इंजेक्ट कर देना है इंजेक्शन को, या बोलते सैंपल को, तीनों किसके अंदर, रैबिट के अंदर। देन उसके बाद में ना आपने ना बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर करना है कम से कम 2-3 घंटे तक। आपने चेक करना है कि क्या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ तो नहीं रहा इंजेक्शन लगाने के बाद में, बार बार आपने चेक करना है। और उसके बाद में आपने एग्जामिन करना है कि अगर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाता है रैबिट का, मतलब कि वहाँ पर पाइरोजन है, अगर नहीं बढ़ता है मतलब कि वहाँ पर पाइरोजन नहीं है, ठीक है। और देखिए अगर यहाँ पे पाया जाता है कि 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है, तो आपने डायरेक्ट नहीं कह देना है कि इसमें पाइरोजन नहीं है, तो आपने फर्दर कंफर्म करने के लिए 5 और रैबिट पे टेस्ट परफॉर्म करना होगा, सेकंड स्टेज में जाना होगा। अगर सेकंड स्टेज में भी पाया जाता है तो आपने फिर कन्फर्म करने के लिए तीसरी बार आपने 8 रैबिट पे जो है ना टेस्ट परफॉर्म करना होगा। तो ये है आपका रैबिट टेस्ट। नेक्स्ट देखिए वह लाल टेस्ट, तो इसके देखिए फुल फॉर्म है वह लेम्यूलस एम्ब्रियोसाइट लाइसेट टेस्ट। ये क्या होता है, देखिए एक आपका ना एक जो मरीन एनिमल है जो कि मतलब कि समुद्र में पाया जाता है, वो है हॉर्सू क्रेब। आप गूगल पे भी सर्च करना कैसे वो दिखता है, तो वहाँ पे आप चेक करोगे ना, एक ये एनिमल है जो कि मरीन यानी कि समुद्र इलाके में पाया जाता है। तो इसके ना ब्लड से ना प्रोटीन हम निकालते हैं इसकी, उसको हम बोलते हैं लाल रेजेंट। ये लाल रेजेंट मतलब कि लाइमुलस एम्ब्रियोसाइट लाइसेट, ये इसका एक तो ये साइंटिफिक नेम है और वहीं से आया है, इसको शॉर्ट मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं हॉर्सू क्रेब। तो उसके ब्लड से ना एक रिएजेंट कहें या बोलते उसकी प्रोटीन निकालते हैं, और उस प्रोटीन की ये प्रॉपर्टी कि वो जब भी पाइरोजन के कॉन्टैक्ट में आती है वो जेल बना लेती है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है रैबिट के कंपैरिजन में, कि आपने लाल रिएजेंट लिया, अपना सैंपल उसके साथ में मिक्स किया और उसको इंक्यूबेट करते 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप देखो कि अगर वो वहाँ पे जेल बन गई मतलब कि वहाँ पे पाइरोजन प्रेजेंट है, अगर जेल नहीं बनी मतलब कि पाइरोजन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर होगी लाल टेस्ट। अब नेक्स्ट देखिए वह स्टरिलिटी टेस्ट। स्टरिलिटी टेस्ट मतलब कि ये टेस्ट ये इंश्योर करने के लिए किया जाता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो स्टेराइल किया गया है, कि इसमें कोई भी माइक्रोब वगैरह नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए। तो इसके दो मेथड हैं, डायरेक्ट इंक्यूबेशन मेथड और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। डायरेक्ट इंक्यूबेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपका सैंपल है आपने उसको लिया और उसको ना कल्चर मीडिया में जो दो टेस्ट ट्यूब होंगी कल्चर मीडिया की उसमें फिल कर दिया। यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो कल्चर मीडिया है वो या तो सोयाबीन कैजिन डाइजेस्ट मीडियम भरा होगा या फ्लूड थियोग्लाइकोलेट मीडियम भरा होगा। अब क्या करना है, जो उन टेस्ट ट्यूब को आपने ना 30-35 डिग्री सेल्सियस पर 7 दिन के लिए रख देना है। अब आपने ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई है, कल्चर मीडिया बना है या नहीं बना है, या बोले तो वहाँ पे जो कॉलोनी आपको नजर आई है या नहीं। अगर कॉलोनी बन रही है मतलब कि वहाँ पे जी आपका माइक्रोब कोई ना कोई प्रेजेंट है, अगर नहीं है मतलब कि माइक्रोब प्रेजेंट नहीं है। एक ही ये तरीका हो गया। सेकंड तरीका वो है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, कि सबसे पहले कि आपने सैंपल जो है ना फिल्टर करना है एक मेम्ब्रेन फिल्टर की मदद से, जिसका जो पोर साइज है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.45 माइक्रोमीटर से ज़्यादा, या उसका डायमीटर 4-7 mm डायमीटर का वो होना चाहिए। अब फिल्ट्रेशन के बाद में जो भी फिल्टर पेपर है, जो भी फिल्टर मेम्ब्रेन है, उसको दो पार्ट में कट कर लेना है, हाफ हाफ दो पार्ट में। अब एक हाफ पार्ट को आपने जो है ना सोयाबीन कैजिन डाइजेस्ट मीडियम जो एक आपका क्या है कल्चर मीडिया है उसमें डाल देना है, 20-25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रख देना है। सेकंड जो हाफ जो पार्ट है ना उसको थियोग्लाइकोलेट मीडियम में 30-35 डिग्री सेल्सियस पर रख देना है। अब आपने इंक्यूबेट करना है 1 हफ्ते के लिए और चेक करना है कि वहाँ पे कोई माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, कॉलोनी बनी है या नहीं बनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टरिलिटी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो है कंप्लीट होते हैं सारे टेस्ट जो कि हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किए जाते हैं, किसके लिए, पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये इस तरीके से कंप्लीट होता है। देखिए या तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट के, या फिर आते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के, यानी कि ऐसी प्रिपरेशन जो कि आँखों में जैसे आईड्रॉप वगैरह हम डालते हैं, तो उनके लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं वही अब हम देखते हैं।
यहीं पे और करके क्वेश्चन है इसी में कि एक्सप्लेन एवेल्युएशन या तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एज पर फार्माकोपिया। सेवन मार्क्स में क्वेश्चन ये बन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ये जो वर्ड है ना ऑप्थेल्मिक, ये आया है ग्रीक वर्ड ऑप्थेल्मोस से, जिसका मतलब होता है फॉर आइज, यानी कि आंखों के लिए। तो ऐसे प्रिपरेशन जिसके आई ड्रॉप है, आई ऑइंटमेंट है, या कोई भी सेमी सॉलिड लिक्विड वगैरह है जो आंखों पे लगाए जाते हैं अपनी कंजक्टिविटा या आई लिड पे लगाए जाते हैं, तो वही कहे जाते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो लिखा है कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आर स्टेराइल लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कंटेनिंग एपीआई एंड मेड टू बी अप्लाइड ऑन आई या कंजक्टिवा या आईलिड। तो जो आई पे लगाए जाते हैं, आई के अंदर डाले जाते हैं, वही आपके ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कहे जाते हैं। तो ये जो ना सस्पेंशन, ऑइंटमेंट या फिर किसी सॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जिसकी आई ड्रॉप है, आई लोशन है, आई ऑइंटमेंट है। अब हमारा जो क्वेश्चन वो पूछा है ना, वो है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो यहाँ पे देखिए, शुरू के जो दो तीन टेस्ट ना वो तो सेम है जैसे कि आपके पेरेंटल प्रोडक्ट के थे, स्टरलिटी टेस्ट और क्लेरिटी टेस्ट, यानी बोलते पार्टिकुलर मैटर टेस्ट, एंड तीसरा है लीकेज टेस्ट। तो देखिए, स्टरलिटी टेस्ट में आपने क्या लिखना है, मैं आपको ना पीडीएफ बिल्कुल ऐसे ही मर्ज करके दे दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सिंपल यही टेस्ट करना है कि आपने स्टरलिटी टेस्ट करना होता है कि माइक्रोस्कोप फ्री हो, ये पहला मेथड है, और दूसरा मेथड जी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड है, अपने अभी आपने देख लिया। तो दूसरा टेस्ट आपने क्लेरिटी टेस्ट ऐड करना होगा, जो कि कोई पार्टिकुलर मैटर को पता करने के लिए किया जाता है, क्योंकि दो तरीके से होता है, विजुअल इंस्पेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड। एंड यहाँ पर देखिए तीसरा है, देखिए वो है लीकर टेस्ट। तो लीकर टेस्ट यहाँ पे मोस्टली एमप्यूल के लिए किया जा रहा था, इसका तरीका अलग है, तो इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे किया जाता है लीकर टेस्ट फॉर आई ड्रॉप या बोल तो आई प्रिपरेशन। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि लीकेज टेस्ट, तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड आउट लीकेज इन ऑइंटमेंट कंटेनर और ट्यूब। कोई भी आपका ऑइंटमेंट है जो कि आँख के लिए बनाया गया है, तो उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपने रैंडमली 10 सील ट्यूब ऑफ ऑइंटमेंट को सेलेक्ट करना है, उसको बाहर से क्लीन कर लेना है, ड्राई कर लेना है बाहर की सरफेस को, देन उसको ना एक आपने ऑटोक्लेव पर रख देना है, सॉरी ओवन में रख देना है, जो कि उसका टेम्परेचर होगा 60 डिग्री सेल्सियस या प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे हो सकता है। तो 8 घंटे के लिए उसको रख देना है हॉरिजॉन्टली, एक सीट होगी एब्जॉर्बेंट की, जिसको हम ब्लॉटिंग पेपर बोलते हैं। देन वहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि वहाँ से कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है ऑइंटमेंट का, अगर लीकेज हुआ तो वहाँ से वेपर निकलेगी या उसका कुछ अमाउंट बाहर निकलेगा, तो वो जो ना एब्जॉर्ब हो जाएगा किस पे, ब्लोटिंग पेपर पे, फिर उसके हम एनालिसिस करेंगे। तो ये है लीकेज टेस्ट फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। इसके अलावा और भी टेस्ट है हमारे, जैसे यहाँ पे आपका टोनिसिटी टेस्ट किया जाता है, विस्कोसिटी टेस्ट किया जाता है, पीएच टेस्ट किया जाता है, ओक्युलर टॉक्सिसिटी एंड रिटेंशन टेस्ट किया जाता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए। तो इतने सारे हैं ये क्या, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। अब देखते हैं टोनिसिटी टेस्ट, देखिए टोनिसिटी क्या होती है। आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेम का, याद करो कि वहाँ पर हमने आइसोटोनिसिटी पढ़ी होगी, यानी कि हम देखते थे कि कोई भी प्रिपरेशन अगर आप बनाओगे तो उसकी टोनिसिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि हमारी ब्लड की है या हमारे फ्लूड की है। तो यहाँ पे हम मेडिसिन डाल रहे हैं अपनी आँख में, तो यहाँ पे जो टोनिसिटी है ना हमारी आँख की टोनिसिटी के बराबर होनी चाहिए, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ अवर मेडिकामेंट, कि कितने वॉल्यूम में कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, वो टोनिसिटी होता है। तो दिस टेस्ट परफॉर्म टू फाइंड आउट द टोनिसिटी ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की जो आइसोटोनिसिटी है वो 0.9% NaCl होती है, जो आपका लैक्रिमल फ्लूड है, ठीक है, तो उसकी टोनिसिटी के बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम नॉर्मली बात करें, जो हमारी जो आई जो है वो 0.6 से 2% NaCl को पुनः फिर भी बिना किसी डिस्कम्फर्ट से टॉलरेट कर सकती है, लेकिन वो इसी के लिमिट में होनी चाहिए। और जो आइडियल जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन वो वही है जिसकी टोनिसिटी 0.9% NaCl के बराबर है। तो ये टोनिसिटी टेस्ट यहाँ पे करना होता है। नेक्स्ट देखिए वहाँ विस्कोसिटी टेस्ट, देखिए विस्कोसिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में। जो भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जिसकी विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो आँख में उतने टाइम तक ही वो टिक पाएगा। तो लिखा है कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन शुड हैव हाई विस्कोसिटी टू प्रोलॉन्ग देयर रेजिडेंस टाइम इन आई। तो विस्कोसिटी इन्हांसर का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए, जिसके हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज है, मिथाइल सेलुलोज है, पॉलीविनाइल अल्कोहल है। नेक्स्ट देखिए वह पीएच, देखिए पीएच भी बहुत रोल प्ले करता है। देखिए आँख में आप मेडिसिन डाल रहे हो, बहुत किसी की लाइफ का भी यहाँ पे एक सवाल है, अगर उसमें कोई मेडिसिन आपकी इतनी ख़राब बन गई कि आँख ही ख़राब हो जाए, तो पीएच भी बहुत मैटर करता है। पीएच उतना ही होना चाहिए जितना कि हमारे टीयर या तो लैक्रिमल फ्लूइड का होता है, क्योंकि 7.4 पीएच होता है। तो हमारा जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है उसकी भी टेस्टिंग की जाती है कि उतना ही पीएच हो।
लास्ट में है ओकुलर टॉक्सिसिटी एंड इरिटेशन टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये रैबिट पे किया जाता है, एल्बिनो रैबिट पे ये टेस्ट किया जाता है कि जो भी हमारा प्रिपरेशन है वो आँख में इरिटेशन तो कोज नहीं कर रहा, कोई टॉक्सिसिटी तो कोज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है कि दिस टेस्ट परफॉर्म ऑन एल्बिनो रैबिट टेस्ट टू फाइंड आउट द टॉक्सिसिटी एंड इरिटेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। इस टेस्ट में जो भी आपका सैंपल जो होता है वो एल्बिनो रैबिट की एक आंख में डालना होता है, दोनों में नहीं एक आंख में डालना होता है, और कुछ टाइम बाद आपने ऑब्जर्व करना होता है कि अगर उनकी आंख लाल होती है उसमें इरिटेशन होता है या उसको थोड़ी इरिटेशन बोल तो थोड़ी परेशानी होती है जो रैबिट है, मतलब कि वहाँ पे टॉक्सिसिटी वो कॉज कर रही है। तो ये टेस्ट आपने करना होता है इस तरीके से। ये जो है सारे हैं आपके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो आपकी ये जो है यूनिट नंबर फोर्थ हमने कवर करी है, पैरेंटल प्रोडक्ट के क्वेश्चन कवर करे हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के क्वेश्चन कवर करे हैं। लास्ट में बचा है हमारे यूनिट नंबर फिफ्थ जिसमें कॉस्मेटिक से क्वेश्चन है, एरोसोल से क्वेश्चन है और आपका पैकेजिंग मटेरियल से क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे हम बारी बारी से। तो देखिए पहले कॉस्मेटिक से जो क्वेश्चन बनता है, देखिए वो है यूनिट फिफ्टीन तो क्वेश्चन नंबर है। तो लिखा है कि डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ कॉस्मेटिक। कोई भी कॉस्मेटिक जो यहाँ पे दे रखा है मोस्टली ये पूछ लिए जाते हैं कि कोल्ड क्रीम कैसे बनती है वो बताइए, टूथपेस्ट कैसे बनता है वो बताइए। तो समझते हैं कि कोल्ड क्रीम कैसे बनती है। अच्छा, कोल्ड क्रीम क्या होती है? हम ठंडे में लगाते हैं इसी वजह से इसको हम कोल्ड क्रीम नहीं कहते। कोल्ड क्रीम जो है वो ऐसी क्रीम होती है इसको लगाने के बाद ना थोड़ी सा ना वो हमको ना कूलिंग इफेक्ट देती है स्किन पर लगाने के बाद में, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है कोल्ड क्रीम। वैसे मोस्टली ये ठंड में ही लगाई जाती है पर उसका नेम उस वजह से नहीं आया कि उसको हम ठंड में लगाते हैं, ये चीज़ आपने नोट करनी है। तो कोल्ड क्रीम को अगर हम फार्मास्यूटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो वाटर इन ऑयल इमल्सन होता है। तो यहाँ पे सिंपली देखिए इमल्सन की बात करें तो आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा कि ऐसे प्रिपरेशन जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड मिले होते हैं किसी इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से, इसकी वाटर और ऑयल, जिसकी वाटर का कंटेंट ऑयल में मिला हो, तो ये हमारा वाटर इन ऑयल इमल्सन है। मतलब कि ऑयल के अंदर जो कि आपका डिस्पर्स फेज है वो ज़्यादा क्वांटिटी में, उसमें कुछ ड्रॉप आपकी वाटर की मिली होती है। तो ये लाइन ना आपने उसकी डेफिनेशन में ज़रूर लिखनी है वरना डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी कि कोल्ड क्रीम आर वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन। और जब भी हम इनको अप्लाई करते हैं तो लिखा है कि व्हेन बी अप्लाइड ऑन स्किन सो इट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट बाय स्लो एवेपोरेशन ऑफ वाटर। हम स्किन पर इसको अप्लाई करते हैं ना तो थोड़ा सा ना कूलिंग इफेक्ट देती है क्योंकि जो वाटर जो है ना यहाँ पर डिस्पर्स फेज के रूप में है तो वो धीरे धीरे एवेपोरेट होता है और थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट देता है। अब इतना भी कूलिंग इफेक्ट नहीं देता जैसे कि बाम वगैरह देती हैं, बस थोड़ा सा महसूस होता है। तो यह है कोल्ड क्रीम और इसी वजह से इसको हम बोल देते हैं कोल्ड क्रीम। बाकी जो ना आपकी स्किन को ना स्मूथनेस प्रोवाइड करती है विंटर सीजन में ही मोस्टली यूज़ करते हैं। ये हेल्प करती है स्किन को हाइड्रेट रखने में, सॉफ्ट बनाने में, कंफर्टेबल और अट्रैक्टिव रखने में। तो एग्जांपल की बात करें इसकी बहुत ही सिंपल से है, जिसकी वैसलीन की आपने देखी होगी कोल्ड क्रीम आती है, पॉन्ड्स की आती है, मामाअर्थ की आती है, तो ये है इसका एग्जांपल। इट कैन बी इजिली वॉश्ड अवे विद वाटर, इसको वाटर से हम इजिली वॉश भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ना वाटर एज ए डिस्पर्स फेस है। अब बात करते हैं आइडियल प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए कोल्ड क्रीम की। तो सबसे पहले कि ये नॉन ग्रीसी और नॉन स्टिकी होनी चाहिए, चिपके नहीं हमारी बॉडी से, ज़्यादा ग्रीसी फील ना कराए, ये इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए आइडियल। सेकंड, इसका पीएच ना 4.6 से 6 के बीच में ही होना चाहिए। इट्स इट नॉट कॉज एनी इरिटेशन ऑन द स्किन, स्किन पर कोई भी इरिटेशन कॉज ना करे और ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करे स्किन पर। एंड लास्ट में है इजिली पेनेट्रेबल थ्रू स्किन, स्किन के अंदर ही इजिली पेनेट्रेट हो सके ताकि हाइड्रेट रख सके स्किन को। तो ये है इसकी आइडियल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन की, कैसे इसको बनाओगे। तो आपके सामने ना यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, मतलब कि ये आपको चीज़ें चाहिए, इंग्रेडिएंट चाहिए वो इतनी क्वांटिटी में चाहिए। अगर आपने 100 ग्राम अगर बनाना है किसको कोल्ड क्रीम को, तो आपने वाइट वीज वक्स वैक्स जो कि आपका 20 ग्राम आपने चाहिए होगा, लिक्विड पैराफिन जो कि मिनरल ऑयल है 50 ग्राम आपको चाहिए होगा। तो ये दोनों ना आपके ऑयली नेचर के होते हैं तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया ऑयली फेज। बोरेक्स एंड डिस्टिल्ड वाटर, बोरेक्स जो है ना वो भी लिक्विड में ज़्यादा सोल्युबल होता है, मतलब कि हॉट वाटर में ज़्यादा सोल्युबल होता है। डिस्टिल्ड वाटर आपने इतना लेना है, बोरेक्स इतना लेना है। लास्ट में है मिथाइल पैराबिन जो कि प्रिजर्वेटिव होता है, जो कि उसकी थोड़ी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, जो कि 0.5 ग्राम लेना होता है। कुछ परफ्यूम भी ऐड कर सकते हैं जो कि अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, मोस्टली 0.5 ग्राम यहाँ पे ऐड करते हैं। अब प्रोसीजर क्या है, एक आपको ऑयली फेज, एक आपको एक्वस फेज, आपने दो बीकर लेने, एक में डालना है वाइट बीज वैक्स एंड एक में लेना है लिक्विड पैराफिन, दूसरे में लेना है बोरेक्स और डिस्टिल वाटर। अब क्या करना है, दोनों को ना 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख देना है। यहाँ पे लिखा है कि एक आपका ऑयल फेज ए रख दिया मैंने नाम, दूसरा है वी एक्वस फेज, ये जो भी क्वांटिटी उनकी यहाँ पे ली उनको ना 70 डिग्री सेल्सियस पे लिया, तो जो ऑयल वाले हैं वो तो मेल्ट हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है,
और जो डिस्टिल वाटर में है, डिस्टिल वाटर वाला जो था उसमें बोरेक्स अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा। अब क्या करना है, हमने बनाना है ऑयल इन वाटर, और सॉरी वाटर इन ऑयल, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, यानी कि वाटर जो है ना हमने ऑयल के अंदर डालना है, तो ऑयल को ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होगा। तो सिंपल मैंने यहाँ पर दिखा रखा है कि देखो यहाँ पे आपको ऑयल फेज़ है। अब ऑयल फेज़ में हमने ना वाटर यानी कि जो एक्वस फेज़ है यानी कि यहाँ पे जो हमारा बना है उसकी ना कुछ कुछ ड्रॉप यहाँ पे डालनी है, और धीरे धीरे से उसको स्टर करते रहना, साथ के साथ ये ग्लास रोड से चलाते रहना है, स्लोली 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 यहाँ पे आपका इमल्सन बन के तैयार हो जाएगा। तो लिखा है कि नाउ मिक्स एक्वस फेज़ स्लोली स्लोली ड्रॉप बाई ड्रॉप एंड कंटिन्यू स्टरिंग द ऑयली फेज़। ऑयली फेज़ को आपने कंटिन्यूसली स्टर करते रहना, उसके बाद में आपका इमल्सन बनकर रेडी है। अब इसमें लास्ट में आपने क्या करना है, मिथाइल पैराबिन प्रिजर्वेटिव को ऐड कर देना है और परफ्यूम को ऐड कर देना है, एंड उसके बाद में दोबारा से आपने उसको चला देना, स्टिर कर देना है, और आपका ये जो ना कोल्ड क्रीम बनकर रेडी हो जाएगी, जिसको आपने सुटेबल कंटेनर में फिल करके लेवल कर देना है और डिस्पेंस कर देना है। तो ये है तरीका कोल्ड क्रीम को बनाने का, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि इजिली इसको हम स्प्रेड कर सकते हैं पूरी स्किन पे, ये हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाती है, हाइड्रेट करती है, ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है स्किन पर, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इफेक्टिव टू रिमूव ऑयल और वाटर सोल्यूबल डर्ट फ्रॉम स्किन। स्किन से कोई भी ऑयल या वाटर सोल्यूबल डर्ट को इजिली आप इससे हटा सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये हो जाता है ना, इसको हम मोस्टली ना समर सीजन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे ना पसीना वगैरह बहुत निकलता है और इसका बहुत बुरा ये हमारी स्किन को बना देता है, तो वहाँ यूज़ नहीं होता। कोल्ड क्रीम इज़ वेरी हैवी एंड स्टिकी, ये हैवी होती है, कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, और ये काफ़ी ग्रीसी फील कराती है, इसकी वैसलीन वगैरह लगाने पर लगता है कि बहुत ज़्यादा तेल सा लगा लिया हूँ उस टाइप से, तो इसके ये डिसएडवांटेज है। क्लियर हो गया आपको कोल्ड क्रीम क्या होता है और कैसे ही बनता है। तो यहाँ पर देखिए, या तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कोल्ड क्रीम कैसे बनती है उसका पूरा प्रिपरेशन बताइए, या फिर टूथपेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। और हम देख लेते हैं फिर टूथपेस्ट कैसे बनाते हैं, जो कि हम नॉर्मली कोलगेट वगैरह यूज़ करते हैं डेली सुबह सुबह करते हैं। तो टूथपेस्ट क्या होता है, यानी कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे दांतों को पॉलिश करता है, साफ करता है, कोई भी फूड डेब्रिस हो, फूड वगैरह रुक जाता हो दांतों में, उसको बाहर निकालता है, वो हमारा टूथपेस्ट कहा जाता है। तो टूथपेस्ट इज अ सब्सटेंस दैट यूज विद अ टूथब्रश फॉर क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग द टीथ। इसको हमने डेंटिफ्राइज भी बोलते हैं। आपने ना याद दिलाऊं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट टाइम में पढ़े होंगे डेंटिफ्राइज, जो कि एक क्लीनिंग एजेंट होते हैं, टीथ को साफ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मोस्टली जो मोस्ट पॉपुलर जो डेंटिफ्राइज है वो हमारे टूथपेस्ट ही है। इसके अलावा और भी कई होते हैं, गार्गल वगैरह भी होते हैं, और भी कई चीज़ें होती हैं, तो वो भी हमारे डेंटिफ्राइज कहे जाते हैं। अब बात करते हैं कि टूथपेस्ट को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल। तो देखिए, सबसे पहले है पॉलिशिंग एजेंट या एब्रेसिव एजेंट। देखिए, हमें जब कोई भी टूथपेस्ट बनाना है तो सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि एक ऐसा हमारे पास कोई केमिकल हो जो दांतों पे जब हम उसको रगड़ें तो वो उसको थोड़ा पॉलिश करे दांतों को, या उसको ना थोड़ा जो भी कुछ मटेरियल उसको ना वहाँ से एब्रेसिव नेचर से उसको रिमूव करें। तो दीज एजेंट पॉलिश द टीथ एंड रिमूव फूड डेब्रिस फ्रॉम बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से ये कोई भी फूड डेब्रिस को निकाल देता है और हमारे दांतों को चमकीला करता है। तो जिसकी सिलिका है जो कि इसका मतलब कि यूज़ किया जाता है जो पॉलिशिंग एजेंट, प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम मेटाफॉस्फेट है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, तो इसके एग्जांपल हैं। दूसरा है फॉर्मिंग वेटिंग या तो सर्फेक्टेंट, यानी कि एक ऐसा एजेंट जो कि सरफेस टेंशन को थोड़ा कम करता है, साथ के साथ हमारे जो टीथ जो होता है ना उसको थोड़ा ना एक बोलते गीला करने का काम करता है, थोड़ा ये सरफेस टेंशन को मेंटेन करता है। तो एग्जाम्पल इसकी सोडियम लोरल सक्सीनेट है, सोडियम लोरल सल्फो एसिडेट है, तो ये इसके एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट एक वो है ह्यूमेक्टेंट, ये जो ना हमारे फॉर्मुलेशन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, इसके सोर्बिटोल ग्लिसरॉल प्रोपाइलिन ग्लाइकोल वगैरह है। स्वीटनिंग एजेंट, तुमने बहुत सारे देखे होंगे आपके टूथपेस्ट उनमें बहुत मिठास सी होती है, उनमें अलग अलग फ्लेवर आता है आजकल, तो स्वीटनिंग एजेंट भी आप उस पर यूज़ कर सकते हैं, सैक्रीन एस्पार्टेम वगैरह। बाइंडिंग एजेंट वहाँ पे यूज़ करते हैं, सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट उनको बाइंड करने का जो काम करता है, जिसके ट्राइकांथेसेलुलोज है, सोडियम मिथाइल सेलुलोज है। फ्लेवरिंग एजेंट, उसके रूप में हम पेपरमिंट ऑयल का यूज़ करते हैं, और स्पर्मेंट ऑयल का, क्लोप ऑयल का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो आपको एक फ्लेवर देता है लॉन्ग लास्टिंग, जो आपके मुंह से एकदम स्मेल आती रहती है, तो ये इसका फ्लेवरिंग एजेंट का काम है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव, हम यहाँ पे ऐड करते हैं ताकि प्रोडक्ट लंबे टाइम तक स्टेबल रह सके, जिसकी मिथाइल पैराबीन है, प्रोपाइल पैराबीन है। कलर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जो कि कुछ सर्टिफाइड कलर यहाँ पे ऐड किए जाते हैं 0.001% में। एंड वाटर, देखिए वाटर यहाँ पर नॉर्मल वाटर यूज़ नहीं होता, ना ही डिस्टिल वाटर यूज़ होता है, यहाँ पर डी आयोनाइज वाटर यूज़ किया जाता है जिसमें आयंस वगैरह नहीं होते हैं। तो यह है इंग्रेडिएंट फॉर टूथपेस्ट। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि
अगर आपने 100 ग्राम अगर टूथपेस्ट बनाना है तो कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में चाहिए होगी। देखिए मैं आपको यहाँ पे पहले ही आपको बता दूं कि हर एक बुक में ना अलग एक अलग फॉर्मूला है और हर एक कंपनी का एक अलग अपना फॉर्मूला होता है। इसमें आपने कोई भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बस सारे के सारे ये इन्ग्रीडियंट इसमें जरूर से प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है आप मेरे वाले को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी इसमें गलती नहीं है। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट जो आपने यूज़ करने हैं जिसके डाई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हो गए आपके दोनों पॉलिशिंग एजेंट हैं, क्योंकि एक 35 ग्राम लेना है, एक 14 ग्राम यहाँ पे मतलब कि 14 ग्राम लेना है। एक ग्लिसरीन जो कि आपको क्या होता है यहाँ पे ह्यूमेक्टेंट है जो कि थोड़ा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, 20 ग्राम लेना है। गम ट्रकान जो कि बाइंडर है 1.2 ग्राम लेना है। सैक्रीन स्वीटनिंग एजेंट है 50 ग्राम लेना है। सोडियम लोरल सल्फेट ये आपका सर्फेक्टेंट है 10 ग्राम लेना है। वाटर 19.8 ml यूज़ करना है। फ्लेवर जो है ना अपने क्यू एस इनकी क्वांटिटी सफिशियंट, जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए सफिशियंट हो वो अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड करनी है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब बात करते हैं किस प्रोसीजर से बनाए जाते हैं। तो इसके ना दो प्रोसीजर होते हैं, एक ड्राई गम मेथड और एक वेट गम मेथड। ड्राई गम मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले ना आपने जो भी सॉलिड कंपोनेंट है एक्सेप्ट सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट को छोड़ के जो कि आपके पास सारे इंग्रेडिएंट है उसमें कोई भी सॉलिड हुआ तो सॉलिड सॉलिड को पहले आपने छांट लेना है और छांट करके आपने उनको मिक्स कर लेना है। इसके वाइंडर हुआ, एब्रेसिव एजेंट हुए, उनको आपने मिक्स कर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि सर्फेक्टेंट को छोड़ के, सर्फेक्टेंट को लास्ट में ऐड किया जाता है हर एक प्रोसेस में। ठीक है, आपने सॉलिड सॉलिड को मिक्स कर लिए, देन उसके बाद में अपने लिक्विड कंपोनेंट को जिसकी वाटर है, ह्यूमेक्टेंट है, उसको फिर उस सॉलिड में ऐड करना है। देन उसके बाद में लास्ट में जाकर के अपने सर्फेक्टेंट को और फ्लेवरिंग एजेंट को मतलब कि मिला करके एक होमोजीनियस टूथपेस्ट बना देना है। तो ये आपका ड्राई गम मेथड कहा जाएगा। अब वेट गम मेथड में क्या होता है कि पहले हम लिक्विड को मिक्स करते हैं देन उसमें सॉलिड मिलाए जाते हैं, तो आपका वेट गम मेथड। देखिए यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट लिक्विड कंपोनेंट्स आर मिक्सड हो गए, तो सबसे पहले हम लिक्विड कंपोनेंट को पहले मिला लेते हैं जितने भी हमारे जिसकी वाटर है, ग्लिसरीन वगैरह है या और भी जो चीज़ें हैं हमारी। देन उसके बाद में वी एड वाइंडर इन लिक्विड, हम वाइंडर को ऐड करते हैं लिक्विड में। एंड उसके बाद हमने सॉलिड कंपोनेंट ऐड करने होते हैं, यहाँ पर भी एक्सेप्ट सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट को छोड़ के बाकी के सारे ऐड करने होते हैं एंड उनको अच्छी तरीके से स्टर कर लेना है, चलाते रहना है। लास्ट में जाकर के सर्फेक्टेंट और फ्लेवरिंग एजेंट को ऐड करना है और आपका होमोजीनियस टूथपेस्ट यहाँ पे बन करके रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से ना आपने टूथपेस्ट यहाँ पे बनाना होता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ कि कैसे बनाया जाता है कोल्ड क्रीम एंड टूथपेस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है डिफाइन एरोसोल एंड एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट्स ऑफ एरोसोल विद डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस में देखें तो यहाँ पे टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एरोसोल। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एरोसोल क्या होता है और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं डायग्राम के साथ में समझाना है। 7 मार्च में क्वेश्चन बनता है। तो क्या है एरोसोल, देखिए वर्ड को हम ब्रेक करते हैं एरो प्लस सोल। एरो का मतलब यहाँ पे एयर एंड सोल का मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट, मोस्टली सॉल्वेंट, यानी कि आप बोल सकते हैं कोई भी एक ऐसा प्रिपरेशन जिसमें एयर जो है एज ए सॉल्वेंट काम करती है और वहाँ पे आपके सॉलिड या फिर लिक्विड के पार्टिकल जो कि आपकी एपीआई होती है वो फैले होते हैं, उसको हमने एरोसोल बोलते हैं। और ये अपना प्रेसराइज डोसेस फॉर्म होती है। सिंपल से मैं आपको दिखाऊँ, जो आपके परफ्यूम्स जो होते हैं ना जिनको हम लगाते हैं या जो हमारे कई बार पेन किलर भी होते हैं इस तरीके से भर के दिए जाते हैं, जिसकी मेरे पास ये जो है ना परफ्यूम है ये एक एरोसोल ही है। इसमें जो हमारी परफ्यूम जो मेन चीज़ है वो एक गैस में फैली रहती है तो उसी को हम बोलते हैं एरोसोल। तो लिखना है कि एरोसोल इज डिफाइंड एज ए प्रेसराइज डोसेस फॉर्म इन विच सॉलिड ड्रग पार्टिकल या लिक्विड ड्रॉपलेट आर डिस्पर्स इन डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर। यहाँ पे एयर या गैस के अंदर हमारे लिक्विड या सॉलिड के पार्टिकल फैले रहते हैं और जिसको हमने प्रोपेलेंट की मदद से यानी कि एक प्रेशर की मदद से बाहर निकालते हैं जो कि एक स्प्रे के रूप में नजर आता है। अभी हमने पूरा इसके पार्ट वगैरह समझेंगे, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज ए सस्पेंशन टाइप प्रिपरेशन। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एयर है, एयर में सॉलिड के पार्टिकल यहाँ पे बिखरे हुए हैं, मतलब एक टाइप का ना सस्पेंशन यहाँ पे बन रहा है। और इसके अंदर प्रोपेलेंट भी हम एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करते हैं। प्रोपेलेंट का मतलब समझो यानी कि जो प्रोपेल करता हो, प्रोपेल का मतलब है फेंकना या निकालना, बाहर निकालना। एक कोई भी एक ऐसी गैस या एक ऐसा प्रेशर जो हमारे कंटेंट को बाहर निकालेगा इस कंटेनर से, उसी को हम बोलते हैं प्रोपेलेंट। अभी हम समझते हैं सभी को बारी बारी से।
अभी जो एरोसोल है, एक हमारी डोसेज फॉर्म है जो कि प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म है, इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, जो कि ड्रग डिलीवर करने के दौरान यूज़ की जाती है। इनहेलेशन के दौरान आपने कुछ इनहेलर देखे होंगे जो कि अस्थमा के लोगों के पास होते हैं, जिनको मतलब पेशेंटों के पास होते हैं। कुछ हमारे नज़ल के लिए भी यूज़ होते हैं, वकल के लिए, टॉपिकल, रेक्टल एंड वजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। टॉपिकली हम इसका मोस्टली यूज़ करते हैं जो हमारे पेन किलर जो लिक्विड भरे होते हैं, जिसके मुंह वगैरह आता है, वो लिक्विड में भी आता है, ऑइंटमेंट में भी आता है, और इस तरीके से ना स्प्रे रूप में भी आते हैं। तो देखिए आपके सामने है ये, इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं, इसके पार्ट की बात करते हैं। ये जो है ना एक एक्चुएटर होता है जिसको हम चलाते हैं, ऐसे करके चलता है हमारा एक्चुएटर है। तो यहाँ पे एक्चुएटर है, ये जो है वाल्व होता है पूरी जो बॉडी, इसको वाल्व बोलते हैं। नीचे इसके स्प्रिंग लगी होती है, और एक ये जो ना नली होती है, ट्यूब होती है, जिसके थ्रू जो आपका लिक्विड आता है ये आपको मिल जाएगी। एंड ये पूरा कंटेनर है, कंटेनर में देखिए दो चीज़ें भरी होती हैं, एक तो आपका लिक्विड या सॉलिड के पार्टिकल होंगे ड्रग के, जो कि गैस में मतलब कि फैले होंगे, उसको हम सस्पेंशन बोल सकते हैं, वो भरा होता है। साथ के साथ जो खाली जो जगह है ना ऊपर, उसमें भरा होता है प्रोपेलेंट। अभी प्रोपेलेंट क्या होता है, मैंने अभी जैसे कि बोला कि यही जो है ना प्रेशर क्रिएट करता है, जो कि हाई प्रेशर में भरा भी होता है, और यही इस लिक्विड को हम बाहर एक्सपेल करने का काम कर रहे हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे आगे। तो ये इस तरीके की आपका डायग्राम आपने बनाना होगा। अब पार्ट की बात करें तो इसके ना चार पार्ट होते हैं, एक है पहला कंटेनर, दूसरा है प्रोपेलेंट, तीसरा है वाल्व एंड एक्चुएटर, एंड लास्ट में है ड्रग या प्रोडक्ट कंसेंट्रेट। तो यहाँ पर देखोगे आपके आपका ये एक कंटेनर नज़र आएगा, ठीक है, और इसका ये एक्चुएटर एंड वाल्व सिस्टम है, ये पूरा एक पार्ट ये हो गया। तीसरा पार्ट इसमें है प्रोपेलेंट, इसमें होता है, और लास्ट में जो लिक्विड जो मेन चीज़ है जो आपका एपीआई है वो इसमें भरी होती है। तो इसके ना चार पार्ट हो गए। अब बारी बारी से हम इसको डिस्कस करते हैं कि कंटेनर क्या होता है। कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हम अपने मटेरियल को फिल करते हैं, जिसके ये जो है ना यहाँ पे ये बना होता बना है मेटल का, तो ये कंटेनर है। अब ये कंटेनर भी ना कई टाइप के यहाँ पे होते हैं, जो कि एरोसोल के लिए यूज़ करते हैं, मेटल कंटेनर और ग्लास कंटेनर। मेटल में जो मेटल के बने होते हैं, जो कि तीन टाइप के यहाँ पे मिल सकते हैं आपको, टिन प्लेटेड स्टील कंटेनर, एल्यूमिनियम स्टील कंटेनर एंड स्टेनलेस स्टील कंटेनर सॉरी। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से इनको लिख देना है। ग्लास कंटेनर के भी कई बार हम ग्लास कंटेनर भी कई बार एरोसोल की पैकेजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, एरोसोल में यूज़ किए जाते हैं, जिसकी ये दो टाइप के होते हैं, अनकोटेड ग्लास कंटेनर और प्लास्टिक कोटेड ग्लास कंटेनर। तो इनका जो सिलेक्शन है ना वो डिपेंड करता है कि आपने जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी रखनी है, कैसे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, वो कितने प्रेशर को झेल सके, उस हिसाब से आपने मेटल का या फिर ग्लास कंटेनर यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे कंटेनर। अब सेकंड हम बात करते हैं कि प्रोपेलेंट क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि एनी सब्सटेंस जो कि मोस्टली गैस ही यहाँ पे भरी होती है, जो कि फोर्स लगा करके हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो ड्रग एपीआई भरी हुई है, उसको ना कंटेनर से ना फेंकने का काम करती है। यहाँ पे नेम ही इंडिकेट कर रहा है प्रोपेल, प्रोपेल का मतलब है फेंकना। तो प्रोपेलेंट एक ऐसा एजेंट जो कि प्रोपेल करने का काम करता है, फेंकने का काम करता है। तो प्रोपेलेंट डेवलप प्रेशर इनसाइड द कंटेनर एंड एक्सपेल द प्रोडक्ट इन डिजायर्ड फॉर्म सच एज स्प्रे फॉर्म और मिस्ट। स्प्रे के फॉर्म में भी निकलता है, फॉर्म और मिस्ट के फॉर्म में। फॉर्म आपने देखा होगा ना, जो शादी ब्याह में जो कुछ लोग होते हैं उसको फॉर्म को निकालते हैं ना सभी पे, वो जैसे कि झाग वगैरह बिखर जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये प्रोपेलेंट का ही काम होता है, उसको बाहर निकालना। और यहाँ पे जो प्रोपेलेंट होते हैं, देखिए दो टाइप के होते थे कि होते तो ये गैस ही हैं, लेकिन गैस भी दो टाइप की यहाँ पे फिल की जाती है, एक लिक्विफाइड गैस, एक कंप्रेस्ड गैस। लिक्विफाइड यानी कि एलएनजी, जो कि हमारा होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये एलएनजी होती क्या है, एक होता है सीएनजी, एक होता है एलएनजी। सीएनजी बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो एलएनजी ऐसी हमारी गैस होती है जो कि रूम टेम्परेचर पे तो गैस होती है, लेकिन इनको ना हमने किसी कंटेनर में ना उसका टेम्परेचर डिक्रीज करके ना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो लिक्विड रहती हैं, और जैसे वो बाहर आती हैं वो गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वो बोलते हैं हमारे लिक्विफाइड गैस। तो दे आर वाइडली यूज प्रोपेलेंट फॉर मोस्ट ऑफ द एरोसोल। दे आर गैस एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर, बट इजिली लिक्विफाइड बाई रिड्यूसिंग टेम्परेचर और इंक्रीजिंग प्रेशर। हम टेम्परेचर को कम करके या प्रेशर को इंक्रीज करके इनको इजिली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सीएफसी, जिसका बहुत बड़ा असर होता है ओजोन लेयर पे, इसका बहुत ही कम यूज़ करते हैं। इसके अल्टरनेटिव में जिसके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये आपकी लिक्विफाइड गैस। एक होता है हमारे सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड गैस, कंप्रेशन नेचुरल गैस। इस गैस को हमने कंप्रेस करके या मतलब प्रेशर को कम करके इसको ना भर देते हैं किसके अंदर, जो आपका कंटेनर है उसके अंदर। तो ये जो है ना लिखा है कि गैस सच एज नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो कंप्रेस करके कंटेनर के अंदर भर दी जाती हैं। ऑन प्रेसिंग द वॉल्व द गैस प्रेशर एक्ट एज पिस्टन एंड पुश आउट कंटेंट।
जब हम यहाँ पे जो आपका ये वॉल्व को दबाते हैं, एक्चुएटर को दबाते हैं, तो जो गैस जो होती है ना वो यहाँ पे प्रेशर लगाती है और वो एक पिस्टन की तरह काम करती है जो कि हमारे कंटेंट को बाहर निकालता है। क्लियर हो गया। और इसका देखिए तीसरा जो पार्ट देखिए वो है वॉल्व एंड एक्चुएटर। तो यहाँ पे देखिए सिंपली ये जो है वॉल्व और एक्चुएटर है और इसमें ये ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है, तो ये इसका तीसरा पार्ट है जो कि मतलब कि आप बोल सकते हैं जो भी कितना कंटेंट बाहर निकलेगा ये इसको रेगुलेट करता है। तो लिखा है कि द फ्लो ऑफ कंटेंट एंड प्रोपेलेंट रेगुलेटेड बाई वॉल्व। तो यहाँ पे जो वॉल्व है इसमें एक ऑरिफिस होता है, छेद होता है, तो यहाँ पे स्प्रे किस तरीके का निकलेगा वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने छेद हैं और कितना बड़ा छेद है और वो किस जगह पर है। तो ये उसका डिपेंड करता है कि स्प्रे कैसी बाहर निकलेगी या फिर फॉर्म वहाँ से निकलेगा। तो इस तरीके का ये अरेंजमेंट होता है। अगर हम इसको मैं फाड़ूँ, देखो यहाँ पे ना देखो एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये लिखी हुई है कि ये जो है ना एक्सट्रीमली, यहाँ पे देखोगे एक्सट्रीमली इनफ्लेमेबल होता है। यहाँ पे ये आग का ये चिन्ह भी बना हुआ है, मतलब कि इसके अंदर जो प्रोपेलेंट है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आप इसको ना खाली भी हो जाए अगर तब भी आप इसको फाड़ोगे ना बहुत ही जल्दी यहाँ आग पकड़ लेता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसी वजह से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल आपको दिखाऊँ। तो इसमें इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कि ये ऊपर एक्चुएटर है, एक्चुएटर जो कि मैंने अभी आपको दिखाया ये इस तरीके का है, और इसमें ना माउंटिंग कैप होता है, ये देखोगे माउंटिंग कैप है। इसमें डिप ट्यूब है जो कि मैंने अभी आपको दिखाई है, कुछ इस तरीके की आपकी डिप ट्यूब है। नीचे आप देखोगे इसमें स्टेम होता है और स्प्रिंग लगी होती है, एक हाउसिंग का सिस्टम होता है जहाँ पर आपकी ये जो ट्यूब है कनेक्ट होती है। तो अगर हम सिंपल कहें तो ये जो नेम आप इस तरीके डायग्राम बना करके ये नेम आपने इस तरीके से ही लिख देने हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा आपने नहीं खींचना है क्योंकि बहुत सारी पेजेस में भर चुके हैं, इतना आपने लिखना है। एंड इसके बाद देखिए लास्ट में फोर्थ पार्ट आता है, इसको है प्रोडक्ट कंसंट्रेट, कि आखिर आपने किस चीज़ को उसमें भरा है, वो भी एक पार्ट है एरोसोल का। तो यहाँ पे एपीआई होती है मैन इंग्रेडिएंट या उसका कोई भी एक्सपेंट के साथ मिक्सर वगैरह, तो ये आपका प्रोडक्ट कंसंट्रेट कहा जाता है। इसमें हम परफ्यूम वगैरह भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ, ये हो गया आपका एरोसोल उसके पार्ट वगैरह। बात करते हैं एडवांटेज, देखिए कन्वीनियंट इन यूज़, देखिए ईजिली हम इसको ना यूज़ कर पाते हैं, बटन दबाया फट से हमारी मेडिसिन बाहर। दूसरा है स्टरिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी मेंटेन्ड, कुछ प्रोडक्ट जिनको स्टेराइल रखना है तो इसमें देखिए माइक्रोब तो घुस ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, तो ये इजीली वो उनकी स्टरिलिटी मेंटेन की जा सकती है। रैपिड रेस्पॉन्स ऑफ ड्रग, रैपिड रेस्पॉन्स मतलब जो बाहर निकालते हैं, आपने पेन किलर देखा होगा बहुत ही जल्दी वो असर करते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड किया जा सकता है, ये डायरेक्टली जिस एरिया पे अफेक्टेड होता है या अफेक्टेड एरिया जो होता है वहीं पे बाहर निकलता है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को इजीली पास ही कर देता है, पेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ड्रग कैन डिलीवर डायरेक्टली टू अफेक्टेड एरिया पर, ये डायरेक्टली डिलीवर की जा सकती है ड्रग। एंड बाई मीटर्ड वॉल्व, देखिए वॉल्व भी ना कई टाइप के होते हैं, एक आपका कंटिन्यूस वॉल्व, एक है मीटर्ड वॉल्व। कंटिन्यूस मतलब कि जितना दबाते रहोगे उतना ये निकालता रहेगा। मीटर्ड वॉल्व क्या है कि एक बार जितना आप दबाओगे ना उसमें लिमिटेड क्वांटिटी यानी कि 1 ml, 2 ml, 4 ml एकदम एक्यूरेट डोज ही बाहर निकलेगी। ये मोस्टली हम अस्थमा के पेशेंट के द्वारा यूज़ करते हैं या वो यूज़ करते हैं, तो ये इसका फ़ायदा हो गया। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो इसकी कॉस्ट ना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि इसका कंटेनर देखो इतना अट्रैक्टिव बनाना होता है थोड़ा, और ये मेटल का होता है तो कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इसमें हम प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि बहुत ही सीरियस है, बहुत ही खतरनाक होता है ओजोन लेयर के लिए, तो ये इसका साइड इफेक्ट बोल सकते हैं डिसएडवांटेज। एंड मैंने जैसे कि बोला कि प्रोपेलेंट जो है अगर ये खाली भी हो जाए ना आपका, अगर सारी चीज़ें इसमें प्रोपेलेंट भरा होता है फिर भी जो कि काफ़ी इन्फ्लेमेबल होता है, जो कि आपने अच्छी तरीके से इसको ना डिस्पोज करना होता है, तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेज। क्लियर हो गए। अब मेरा ना फाइनली गला वगैरह ख़राब होने लग गया और कई बार वीडियो में कट वगैरह लग ही जाते हैं। अब लास्ट में एक और क्वेश्चन बचा है, बहुत जल्दी से हमारा ये कवर हो जाएगा। क्वेश्चन आप समझो कि हमारे देखिए सिलेबस में आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, सिलेबस हमारा पैकेजिंग मटेरियल साइंस यानी कि कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, तो वो आपने यहाँ पे ना क्वेश्चन मैंने बनाया है कि डिस्क्राइब वेरियस मटेरियल यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और उनकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आपने बताने होंगे, या फिर पूछ लिया जाता है कि डिस्कस द वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास एज पैकेजिंग मटेरियल, स्पेशली ग्लास को भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए समझते हैं कि पैकेजिंग क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिंपल है कि देखिए जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग आपने ना उसको कवर करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है किसी कंटेनर में, किसी भी कार्टून में, किसी भी बॉक्स में, ताकि जो भी आपकी मेडिसिन जो भी आपका प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक सेफ और इफेक्टिव तरीके से पहुँच सके जैसा आपने बना करके भेजा है। तो वही कही जाती है, वही एक आर्ट कही जाती है पैकिंग। तो सिंपल देखिए पैकिंग को डिफाइन करना कि वेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग आर कंप्लीटेड आफ्टर डैट वी कवर एंड प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट
टू डिलीवर सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग टू कंज्यूमर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैकेजिंग। क्लियर हो गया। और इसका देखिए नेक्स्ट पॉइंट की पैकेजिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट की क्वालिटी में ना पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है। देखिए आपने कोई अच्छा सा प्रोडक्ट बनाया, अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी तरीके से नहीं हुई तो उसको ना लाने ले जाने में ना वो खराब हो जाएगा। जब कंज्यूमर तक ही अच्छे से नहीं पहुँचेगा मतलब कि क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो उसमें बहुत इसका अच्छा रोल होता है। बात करते हैं इसकी पैकेजिंग क्यों की जाती है, उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। पहले कि टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ईजली। देखिए कोई भी आपका प्रोडक्ट है, जिसकी सिंपली मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यही इंजेक्शन था। अगर आप इसकी पैकेजिंग को हटा दें, इसकी लेबलिंग को हटा दें, अगर इसका पाउडर रूप में ये सफ़ेद सफ़ेद हमें पड़ा होगा तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि भाई बूरा है, चीनी है या आपका इंजेक्शन है। तो ये आइडेंटिफाई करने में यूज़ किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट या कंटेंट फ्रॉम इन्वायरमेंट कंडीशन एंड डैमेज, जो कि मेन यूज़ यही है कि आपका प्रोडक्ट अच्छे तरीके से सेफ रहे इन्वायरमेंटल कंडीशन में, जो भी आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो ये उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तीसरा है टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ प्रोडक्ट। देखिए इसका एग्जांपल समझते हैं कि जो आपका लिक्विड है, सपोज ये परफ्यूम है, तो अगर आप इसको किसी में भर के दे देते, ऐसा ही अब रखा होता किसी भी खुले कंटेनर में, तो आप इसको कैसे लगाते, ऐसे उंगली से करके ऐसे फैलाने लग पड़ता। अब ये बहुत ही इजी कर दिया, आपको फैसिलिटेट कर दिया है कि भाई सिंपली यहाँ से ना इससे बटन को दबाना, फुस यहाँ से निकलेगा, लगा लो जी परफ्यूम। तो ये ना फैसिलिटेट करता है प्रोडक्ट को कि ईजिली जो कंज्यूमर है उसको कंज्यूम कर सके। नेक्स्ट है कि इन द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के प्रमोशन में भी, देखिए आपने देखा होगा ना बाहर लिखा होता है कि ये भैया ये वाला प्रोडक्ट है, इतने परसेंट ऑफ, इतने परसेंट वो, तो ये ना प्रोडक्ट के प्रमोशन में भी यूज़ मतलब कि रोल निभाता है पैकेजिंग। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग यहाँ पर तीन टाइप की होती है, एक प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरी सेकेंडरी, तीसरी टर्सरी। देखिए प्राइमरी कहने का मतलब है, सिंपल एग्जांपल से समझो सामने, कि ये जो है आपकी ड्रग है जी अंदर सफ़ेद सफ़ेद, अब इसको सबसे पहले हमने पैक किया इस वाइल में जो कि आपका ग्लास का है, तो ये कहा जाएगी, ये कही जाएगी प्राइमरी पैकेजिंग। अब हमने जी इस वाइल को उठा करके जी इसमें रख दिया, ये वाला आपका एक इसका बॉक्स है, तो ये कही जाएगी जी इसकी सेकेंडरी पैकेजिंग। अब इसके इतने सारे 10-20 ऐसे ही मतलब आपके बॉक्सेस एक बड़े सारे गत्ते में, बड़े वाले गत्ते में रख दिए गए, तो वो कही जाएगी जी टर्सरी पैकेजिंग। तो सिंपल आपको क्लियर हो गया एग्जांपल से। अब यहाँ पे वही लिखा है कि प्राइमरी पैकेजिंग यानी कि एक ऐसी पैकेजिंग जिसमें जो पैकेजिंग मटेरियल है वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहता है, इसकी बोतल है, एम्पूल है, ब्लिस्टर है, पैकेजेस हैं, बायल्स वगैरह, इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकेंडरी पैकेजिंग यानी कि जिसमें जो प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर एक और पैकेजिंग की जाती है वो आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग है, जिसके कार्टून है, बॉक्सेस वगैरह है। क्लियर हुआ। टर्सरी पैकेजिंग यानी कि कई सारे कार्टून बॉक्सेस को भी एक बड़े से कार्डबोर्ड बॉक्स में भरा जाता है, जिसकी बल्क में सामान भेजना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं टर्सरी पैकेजिंग। सिंपल मैंने वही दिखाया कि बोतल कोई एम्प्यूल है, प्राइमरी पैकेजिंग की आपने, उसको बॉक्स में भरा इनकी सेकेंडरी पैकेजिंग की, उसको कार्डबोर्ड में भरा मतलब कि टर्सरी पैकेजिंग की। ये भी समझा कि पैकेजिंग क्या है, क्यों जरूरी है, कितने टाइप की होती है। अब जो मेन मुद्दा है ना वो है हमारा कि कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। तो यहाँ पे उनके मटेरियल के नेम लिखे हुए हैं, जैसे ग्लास, प्लास्टिक, रबर और पेपर या कार्डबोर्ड, यानी कि जिसको हम गत्ता हिंदी में बोल सकते हैं, जो कि हमारा बाहर से जैसे कि फ्रिज वगैरह भी आते हैं, वॉशिंग मशीन भी आती है, तो वही पेपर बोर्ड या कार्डबोर्ड एंड मेटल वगैरह। तो देखिए यहाँ पे आपने जो मटेरियल चूज़ करना होता है ना वो कई बेसिस पे चूज़ करना होता है कि भाई आपने कितना प्रोटेक्ट करना है अपने प्रोडक्ट को। अगर बहुत ही सेंसिटिव प्रोडक्ट है भाई, कांच वगैरह का है या किसी चीज़ का, तो अच्छे से वहाँ पे आपने फिल करना होगा, बाहर से भी अच्छे से कवरिंग करनी होगी। अब दूसरा डिपेंड करता है कि कस्टमर की कन्वीनियंस पे, कि उसका साइज़ आपने पैकिंग का छोटा रखना है, बड़ा रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने मटेरियल चूज़ करना होता है। फिलिंग मेथड आपने उसको कैसे फिल करना है, जो भी आपका मतलब कि जो मेन कंटेंट है, API है, तो प्रोडक्ट है, तो उसके फिलिंग मेथड पे भी डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कॉस्ट, कि भाई आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कितना रखोगे। अगर कॉस्ट बढ़ानी है तो मतलब कि पैकेजिंग का मटेरियल आपने महंगा ही लगाना होगा, या उसी की वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो ये डिपेंड करता है कॉस्ट पर भी। लास्ट में है कॉम्पैटिबिलिटी विद डोसेज फॉर्म। कुछ जो डोसेज फॉर्म है वो स्पेशल टाइप की कंटेनर में ही भरी जाती हैं, जैसे कि एम्बर टाइप की कंटेनर होते हैं, जो कि लाइट के रेडिएशन से ख़राब हो जाते हैं, तो वो स्पेशली केसेज में होते हैं।
तो कंडीशन समझें कि कौन सा मटेरियल हमने कब कैसे चूज़ करना होता है। अब हम बारी बारी से बात करते हैं कि पहले हमारा गिलास। तो देखिए गिलास को अगर मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, अभी आपने जब पेरेंटल प्रोडक्ट जो थे आपके थर्ड यूनिट सॉरी फोर्थ यूनिट में, तो उसके लिए ना आपने कंटेनर पढ़े थे, टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री टाइप फोर। तो सेम वही चीज़ आपने यहाँ पर भी लिखनी है। तो लिखना कैसे, पहले तो आपने सिंपल समझा देना है कि गिलास इज मोस्ट कॉमनली यूज इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होता है, और क्योंकि इसके ना काफ़ी सुपरियर प्रोटेक्टिव क्वालिटी होती है, अच्छे से प्रोडक्ट को ये जो है ना सेफ करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। इस पर हम इजीली लेबलिंग कर सकते हैं, इजीली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिकल भी होता है, ये अच्छी प्रोडक्शन पावर रखता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट या डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि जल्दी ब्रोक यानी कि टूट जाता है भाई, कहीं से गिर गया फट से आपका सारा सामान खराब हो जाएगा। तो ये ग्लास के बारे में स्टार्टिंग में ऐसे लिखना है। अब नेक्स्ट चीज़ कौन से लिखनी है, जिसके मैं आपको थोड़ा सा पीछे चलूँ कि आपने यहाँ से लिखना होगा जो हमने पढ़ा था ना ये पेरेंटल प्रोडक्ट के बारे में, जो कंटेनर पढ़े थे कि हमारे जो भाई ग्लास होता है जो चार टाइप का, टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री टाइप फोर, जो हम चारों को पढ़ चुके हैं, बार बार नहीं बताऊंगा, सेम वही मैंने पीडीएफ में भी मर्ज कर दिया है, आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था जी टाइप वन जो ग्लास है बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, टाइप टू हमारा ट्रीटेड सोडियम ग्लास है, टाइप थ्री हमारा ये है रेगुलर सोडियम ग्लास, और टाइप फोर जनरल पर्पज़ सोडियम ग्लास। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ग्लास के बारे में उसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखना है। ऐसे ही वहाँ पे सेकंड पॉइंट है वो है प्लास्टिक के कंटेनर। प्लास्टिक के कंटेनर भी यहाँ पे देखिए दो हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, जो कि मैं यहाँ पे समझा ही चुका हूँ। तो सिंपल यहाँ पे आपने वही सेकंड पॉइंट यहाँ पे डालना है और लिखना है थर्मोसेटिंग टाइप एंड थर्मोप्लास्टिक टाइप। क्लियर हो गया। तो अभी तक जो यहाँ से आपने चीज़ें कवर करनी हो, कहाँ तक कवर आप कर दोगे, तो यहाँ पे ना आपके दो पॉइंट कवर हो जाएंगे, ग्लास एंड प्लास्टिक, जो कि सेम वही चीज़ लिखनी है। बात करते हैं रबर पेपर बोर्ड एंड मेटल्स के बारे में। तो देखिए रबर, रबर के बारे में यहाँ पे वैसे समझा था, तो यहाँ पे मैंने अलग तरीके से लिखा है कि रबर आर मेनली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोजर, जो क्लोजर जो होते हैं उनके प्रोडक्शन में हम इनका यूज़ करते हैं, जो कि सिंपल हमने यहाँ पे दिखाई रखा था अभी इंजेक्शन में। तो ये कई टाइप के अवेलेबल होते हैं, इसकी ब्यूटाइल रबर है, नाइट्राइल रबर है, क्लोरोपीन रबर है और सिलिकॉन रबर है। तो इसमें से आप कोई भी यहाँ पे चूज़ कर पाते हैं, लेकिन मोस्टली एक्सपेंसिव होती है सिलिकॉन रबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो है पेपर या कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड एक गुड पैकेजिंग मटेरियल होता है, जो कि बल्क जो मटेरियल होता है ना उसको पैक करने का काम करता है। तो यहाँ पे भी जो पेपर बोर्ड या तो कार्डबोर्ड जो होते हैं ना, वो कई टाइप के यूज़ होते हैं, उनके नेम यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे सॉलिड ब्लीच्ड सल्फेट SBC कार्डबोर्ड है, कोटेड अनब्लीच्ड क्राफ्ट कार्डबोर्ड है, कोटेड नेचुरल क्राफ्ट कार्डबोर्ड है, थर्मल मैकेनिकल पल्प कार्डबोर्ड है। तो इसमें सब एक दो एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं मेटल, मेटल कौन कौन से यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीन चार टाइप के मेटल यूज़ होते हैं कंटेनर्स में, एल्यूमिनियम के मिल जाते हैं कंटेनर, स्टेनलेस स्टील का, टिन का, लेड का। तो ये हो गया मेटल के बारे में। एडवांटेज की बात करें तो ये दे आर इम्परमेबल टू लाइट गैस एंड मॉइस्चर, उनके थ्रू ना लाइट या गैस और मॉइस्चर पार नहीं कर पाती, तो इनका एडवांटेज है। ये कांच की कंपेरिजन में ना बहुत ज़्यादा टाइट यानी रिजिड होते हैं, मजबूत होते हैं, अनब्रेकेबल होते हैं, और ये लाइट वेट भी होते हैं कांच के कंपैरिजन में। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, कई बार ये रिएक्टिव भी हो जाते हैं अपने API के साथ में या मेडिसिन के साथ में, तो इनके डिसएडवांटेज हैं। तो अभी आपने देखा है कि सिंपली कि कितने टाइप के होते हैं पैकेजिंग मटेरियल जो कि फार्मास्यूटिकल्स को पैक करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ऐड है कि आपने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट बताने हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए, या फिर स्पेशली ग्लास कंटेनर के लिए कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो आपने बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे मैंने वही क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट यहाँ पे लिख रखे, तो थोड़ा ना ये अलग से भी क्वेश्चन बन जाते, तो मैंने अच्छे से यहाँ पे लिखा है। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट का मतलब तो आपको समझ आ ही गया होगा, यानी कि एक ऐसे टेस्ट जो कि हमारी जो पैकेजिंग के जो मटेरियल हैं वो सेफ है, सिक्योर है, प्रोटेक्टिव है या नहीं है, वो पहले से ही अगर हम चेक करना चाहें तो इन टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, या बोले तो करने ही पड़ते हैं। तो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द इंट्रैक्शन बिटवीन प्रोडक्ट एंड पैकेज, हमारा प्रोडक्ट और पैकेजिंग मटेरियल के बीच में इंट्रैक्शन तो नहीं हो जाएगा, ये चेक करने के लिए भी हम यही करते हैं। और एक आइडियल पैकेजिंग मटेरियल वही है जो इनर्ट रहे और उसकी सेल्फ लाइफ मैक्सिमम से मैक्सिमम रहे। तो यहाँ पर देखिए हम कंट्रोल टेस्ट जो कर रहे हैं पहले वो ग्लास कंटेनर के लिए देखेंगे, जो कि यहाँ पे है पाउडर ग्लास टेस्ट, वाटर अटैक टेस्ट, आर्सेनिक टेस्ट, थर्मल शॉक टेस्ट, इंटरनल वेस्टिंग प्रेशर टेस्ट, लीकेज टेस्ट, जो कि एक अलग भी सॉल्ट अलग क्वेश्चन भी बन सकता है 7 मार्क्स में, जैसे मैंने ओवर करके यहाँ पर दिखा रखा है। दूसरे हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर प्लास्टिक कंटेनर, लीकेज टेस्ट,
कोलेप्सिबिलिटी टेस्ट, ट्रांसपेरेंसी टेस्ट, वाटर वेपर परमिबिलिटी टेस्ट एंड क्लैरिटी ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर देखिए पहले हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास कंटेनर। पहला है देखिए वह पाउडर्ड ग्लास टेस्ट। अब देखिए समझो कि हमें क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ग्लास के लिए क्यों करने हैं। जैसे कि हमारा इंजेक्शन कहाँ गया, एक सेकंड, तो जैसे कि ये है हमारा इंजेक्शन, तो ये जो ग्लास है ना, तो ग्लास मोस्टली बना होता है जी सिलिका का। सिलिका आप बोल सकते हैं कि टाइप का ना वेस होता है, बेसिक मटेरियल होता है, एल्कली होता है। तो इस सिलिका का बना होने की वजह से ना कई बार जो है ना सिलिका ना इससे रिलीज होता रहता है धीरे धीरे, और वो हमारे एपीआई के साथ ना मिक्स हो जाता है और उससे ना वो बिल्कुल ख़राब कर देता है उसके फॉर्मुलेशन को। तो हमने यही चेक करना है कि हमारे गिलास से कितना बेस, कितना एल्कली रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसी के लिए हमने टेस्ट करना है पाउडर्ड ग्लास टेस्ट। पाउडर का मतलब है कि ये जो आपका कंटेनर, इसको सबसे पहले फोड़ो, एकदम ग्राइंड कर दो, पाउडर बना दो इसका, देन उसके बाद में टेस्ट करो। तो पाउडर का मतलब है मीन इन दिस टेस्ट ग्लास इज ग्राइंडेड, इसको हम तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, बिल्कुल ग्राइंड कर देते हैं और देन उसके बाद हम टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं, लिखा है कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एल्कली या बोले तो बेस लीच फ्रॉम पाउडर्ड ग्लास। हमारे पाउडर ग्लास से कितना एल्कली, कितना बोल सकते हैं सिलिका बाहर रिलीज हुआ है, ये हम पता लगा सकते हैं पाउडर्ड ग्लास टेस्ट से। ठीक है, प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले जी आपने इस कंटेनर को फोड़ लेना है, ग्लास को तोड़ लेना है, उसको ग्राइंड करके सीव नंबर 20 और 50 से निकाल लेना है। देन जो आपका सारा जो मटेरियल होगा उसमें से 10 ग्राम केवल और केवल 10 ग्राम आपने लेना है, उसको वॉश कर लेना है एंड उसमें ना 50 ml प्यूरिफाइड वाटर ऐड करके ऑटोक्लेव पे रख देना है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब वहाँ पे वही जो वाटर है ना उसको अपने ठंडा करना है, डिकेंट करना है, यानी कि निथारना है, एक बीकर से दूसरे बीकर में को निथारना होगा, उसी को हम बोलते हैं डीकेंट। तो वो करना है, देन टाइट्रेशन आपने करना होगा वही फर्स्ट सेम वाला, कि आपने जो है ना यहाँ पे किस चीज़ को पता कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिलिका यानी कि एल्कली को पता कर रहे हैं, एल्कली यानी कि वेस को पता कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं और यहाँ पे ना मिथाइल रेड को एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं, और यहाँ पे स्टैंडर्ड हमारा जो होता है एसिड, वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड 0.02 एंड सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज़ करके यहाँ पे मिथाइल रेड एज ए इंडिकेटर का यूज़ करके डिटरमाइन करते हैं एल्कली या तो बेस की कंसेंट्रेशन को। तो यह है पाउडर्ड ग्लास टेस्ट, क्लियर हुआ। अब सेकंड देखिए वो है आपका वाटर अटैक टेस्ट। देखिए पाउडर्ड ग्लास टेस्ट मोस्टली टाइप 1, टाइप 3 एंड टाइप 4 जो आपके जो ग्लास है उनके लिए यूज़ किया जाता है। वाटर अटैक टेस्ट का भी सेम यही काम, लेकिन ये जो ना टाइप 2 ग्लास के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हमने टाइप देखे थे ना ग्लास के। तो सिंपल यहाँ पे लिखा है सिंपल यहाँ पे मैंने लिखा है कि दिस टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन टाइप 2 यानी कि ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास कंटेनर। तो इसमें क्या करना होता है, हमने वही पता लगाना होता है कि कितना एल्कली यहाँ से रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है, या होता भी है नहीं होता है। तो प्रोसीजर इसका यहाँ पे सिंपल ये है कि सबसे पहले जो भी कंटेनर है ना जिस पर आप टेस्टिंग कर रहे हैं उसको अपने वॉश कर लेना है। वॉश कर लिया, अब उसमें ना उसकी 90% कैपेसिटी तक ना वाटर को फिल कर देना है। वाटर को फिल करने के बाद में 30 मिनट के लिए 121 डिग्री सेल्सियस पे ऑटो क्लेव में रख देना है। अब ऑटो क्लेव पे भाई वहाँ पे वाटर उबलेगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत तो वहाँ से लीच होगा ना हमारा एल्कली, तो कितना लीच हुआ है ना वही पता करना है। तो उस सैंपल को आपने कुछ टाइम बाद ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद ना डिकेंट यानी कि निथार लेना है दूसरे किसी कंटेनर में। अब वही जो आपका डिकेनेटेड लिक्विड जो है ना उसका आपने टाइट्रेशन करना है 0.02 एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, यहाँ पे मिथाइल रेड को एज ए इंडिकेटर यूज़ करना है और एल्कली की कंसेंट्रेशन को डिटरमाइन करना है। तो ये दोनों तरीके, वाटर अटैक टेस्ट और पाउडर्ड ग्लास टेस्ट, ये एल्कली यानी कि कितना वेस्ट वहाँ से रिलीज हुआ है हमारे ग्लास से उसको पता कराते हैं, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट वो है, थर्ड जो टेस्ट वो है आर्सेनिक टेस्ट। आर्सेनिक टेस्ट ये पता करने के लिए यूज़ किया जाता है कि हमारे गिलास से कितना आर्सेनिक रिलीज हो रहा है, क्योंकि आर्सेनिक बहुत खतरनाक होता है, तो इसलिए हमने आर्सेनिक टेस्ट करना होता है। तो लिखा है कि दिस टेस्ट परफॉर्म फॉर दोज ग्लास कंटेनर विच आर यूज फॉर एक्वस पैरेंटल प्रोडक्ट। जो एक्वस पैरेंटल प्रोडक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनकी टाइप 2 और टाइप 1 जो गिलास होते हैं ये उनके लिए टेस्ट किया जाता है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आर्सेनिक रिलीज फ्रॉम ग्लास, कितना आर्सेनिक हमारे ग्लास से रिलीज हुआ है। तो उसका प्रोसीजर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है जी, आपने जो आपका कंटेनर है जो भी जिस पर आप टेस्ट कर रहे हैं उसको साफ कर लेना है बाहर से भी और अंदर से भी। 5 मिनट तक अच्छे से फ्रेश वाटर, डिस्टिल्ड वाटर से आपने उसको साफ करना है, और कम से कम 5 आपने एम्प्यूल या कंटेनर लेने होंगे और उनको ना फिल कर देना है किसमें, सॉरी उसमें ना वाटर को फिल कर देना है।
ठीक है, साफ करके वाटर को फिल कर देना है। देन उसको ना आपने ना कवर करके ऑटो क्लिप पे रख देना है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 60 मिनट के लिए। देन उस कंटेनर को कूल करना है और सारे के सारे जो वॉल्यूम है चारों पांचों कंटेनर का उसको मिक्स करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन करके फाइनल वॉल्यूम से आपने 10 ml, ओनली 10 ml आपने लेना है। फिर उसमें 10 ml आपने HNO3 ऐड करना है एंड देन उसके बाद आपने ओवन में ही 130 डिग्री सेल्सियस पे उसको रख देना है, उसको ड्राई करते रहना है। एंड उसके कुछ टाइम बाद आपने जो ना 10 ml हाइड्रोजन मोलिब्लेट आपने वहाँ पे ऐड करना होगा। देन वहाँ पे आपने रिफ्लक्स करना है 25 मिनट तक। रिफ्लक्स करने का मतलब है कि जो भी आपका कंटेंट है उसको आपने हीट किया वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ऊपर उसको ढक देना है। तो वेपर जो है ना वो बार बार ना कंडेंस होती रहेंगी और बार बार वेपर बनते रहेंगे, कंडेंस होते रहेंगे, लिक्विड बनता रहेगा। तो इस तरीके से हमने 25 मिनट तक उसको ना रिफ्लेक्स करना है। देन अब उसकी एनालिसिस करनी है आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। अब आपने क्या करना है, उस सैंपल को लिया, अब आपने जो है ना वहाँ पर ना एब्जॉर्बेंस पता करना होगा। अब ये आपने इसको तो पढ़ोगे जी 7th semester में डिटेल में, पर मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ कि इस तरीके का एक चैम्बर सा होता है। चैम्बर बोलते एक सैंपल कंटेन करने के लिए ना ग्लास का बना होता है। तो यहाँ पे आप अपने उस मटेरियल को फिल करोगे, यहाँ पे जी आप यूवी लाइट जो आपकी लाइट जो है ना उसको आप पास करते हैं, लाइट इसके थ्रू पास की जाती है। अब हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पे कितना अमाउंट लाइट का एब्जॉर्ब हो रहा है इस कंटेंट के द्वारा। ठीक है, ये हमारा टेस्ट का हो गया। सेम ऐसे ही हम चेक करते हैं आर्सेनिक के लिए कि 0.1 ml सॉल्यूशन हम आर्सेनिक का भरते हैं और उसके द्वारा कितनी लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है। तो हमारी यहाँ पे लिमिट है कि हमारे सैंपल में ना 0.1 ml तक ही अलाउ है आर्सेनिक प्रेजेंट होना। अगर उससे ज़्यादा होता है कि मतलब कि वो फेल हो जाएगा टेस्ट। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखा है कि ये हमारा सॉल्यूशन जो है ना हमारा सैंपल वो कूल करके हमने एब्जॉर्बेंस पता करना होता है 840 nm की एक लाइट से। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से परफॉर्म करते हैं। यही सेम प्रोसीजर हमने ना केवल 10 ml हाइड्रोजन मोलिब्लेट जो हमने ऐड किया था, जो एक्स्ट्रा हम ऐड कर रहे थे उसके लिए परफॉर्म करना होता है। फिर डिवाइड करके जो रिजल्ट आता है ना उसको हमने कंपेयर करना होता है 0.1 ml आर्सेनिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के एब्जॉर्बेंस के रिजल्ट से। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड है हमारा कि भाई हमारे जो सैंपल है जो भी है उसमें 0.1 ml से कम ही आर्सेनिक होना चाहिए, उससे ज़्यादा हुआ मतलब कि टेस्ट हमारा ये फेल है। तीन टेस्ट हमने कवर कर लिए। चौथा टेस्ट हमारा बहुत थर्मल सॉक टेस्ट। थर्मल सॉक देने का मतलब कि हम थर्मल से यानी कि हीट से ना उसको सॉक देंगे अपने कंटेनर को। मतलब उसको पहले तो रखेंगे जी बहुत हाई टेम्परेचर पे, कम से कम 100-150 टेम्परेचर पे। फिर अचानक से ना उसको हम ठंडे इलाके में लाएंगे तो होता क्या है, कांच टूट जाते हैं ना, क्रैक हो जाते हैं। बस हम यही चेक करते हैं कि कितना वो सह सकता है। तो लिखा है कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू इवैल्यूएट दैट अवर ग्लास कंटेनर कैन विद स्टैंड सडन टेम्परेचर चेंज विदाउट फिजिकल डैमेज और नो, कि हम अचानक से टेम्परेचर डिफरेंस करते हैं तो वो कितना वो फेस कर पाएगा जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसकी कंडीशन में। तो वही कहा जाएगा पर थर्मल सॉक टेस्ट। तो इसको कैसे करना होता है, तो यहाँ पर सिंपल लिखा है कि प्लेस सैम्पल कंटेनर इन अपराइट पोजिशन इन ट्रे एंड द ट्रे इमर्स इन हॉट वाटर फॉर गिवन टाइम। कि सबसे पहले जो कंटेनर है ना उसको अपने ट्रे में रख देना है, ट्रे आपकी जो है ना वो डूबी रहेगी हॉट वाटर में। और अब अचानक से आपने ना उसको एक ठंडे वाटर बाथ में लाना है जो कि कम से कम 45 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए गर्म और ठंडे के बीच में। यानी कि एक अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे है तो दूसरा वहाँ पे कम से कम 80 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप चेक करो कि वहाँ पे कितने क्रैक्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे लिमिट उन्होंने दे रखी है कि जो स्मॉल बॉटल होती हैं वो 60 से 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को सहन कर जाती हैं। जो पिन बॉटल होती है यानी कि जो क्वार्टर होते हैं वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के डिफरेंस को सहन कर पाते हैं, यानी कि उतना वो उस पर वो झेल पाते हैं, क्रैक नहीं होते। तो ये है आपका थर्मल सॉक टेस्ट। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट रे क्यों है इंटरनल वर्स्टिंग प्रेशर टेस्ट। अब हम ये टेस्ट इसलिए करते हैं कि ये चेक करते हैं कि हमारा जो बोतल है, हमारा जो कंटेनर है वो इंटरनली कितने प्रेशर को सहन कर सकता है। अगर उसमें प्रेशर भर दिया जाए वो कितने प्रेशर पे वर्स्ट हो जाएगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम एक इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, टेस्टर का यूज़ करते हैं, जिसका नाम है अमेरिकन ग्लास रिसर्च इंक्रीमेंट प्रेशर टेस्टर। तो यहाँ पे सिंपल पहले मैंने वही लिखा है कि दिस टेस्ट डिटरमाइन द इंटरनल प्रेशर स्ट्रेंथ ऑफ कंटेनर, कि कितना प्रेशर वो इंटरनली सहन कर सकता है। तो सिंपली क्या करना होता है, आपने कंटेनर लिया जो भी आपने जिसकी टेस्टिंग करनी उसको लिया, उसमें वाटर फिल किया, वाटर फिल करके आपने ना इस टेस्टर की चैम्बर में रख देना है। टेस्टर का नेम आपने जरूर से ध्यान रखना है अमेरिकन ग्लास रिसर्च इंक्रीमेंट प्रेशर टेस्टर।
अब यहाँ पे क्या होगा, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, धीरे धीरे आपका प्रेशर इंटरनली वहाँ पे बढ़ता जाएगा अपने कंटेनर के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग, और वो स्क्रीन पे भी दिखाता रहेगा। और वहाँ पे जब वो फटेगा ना, आपको स्क्रीन पे दिखा देगा कि भाई इतने इतने प्रेशर पे आपका ये कंटेनर फट गया है, तो उससे आप पता कर लो कि इंटरनली आपका जो कंटेनर है वो कितने प्रेशर को सहन कर सकता है। क्लियर हो गया। और इसके बाद एक लास्ट में एक और टेस्ट है, वो है कि लीकेज टेस्ट। जो टेस्ट इसके नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो टेस्ट है ये पता करने के लिए किया जाता है कि किसी भी कंटेनर में कोई लीकेज तो नहीं है। तो ये कैसे करना होता है, तो लिखा है कि प्रोसीजर कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग फिल्ड कंटेनर प्लेस्ड इन अनदर कंटेनर डेट फिल्ड विद कलर्ड सोल्यूशन। जिसके सपोज इस कंटेनर पर हम टेस्ट कर रहे हैं, ये कंटेनर तो है ना, आपने एक बीकर में रख देना होगा। सपोज ये आपका बीकर है, इसमें आपने रखा और ये बीकर के अंदर ना एक कलर्ड सोल्यूशन भरा हुआ है, तो उसको आपने इस तरीके से रख दिया। अब देन क्या करना है, उसको उठा करके ऑटोक्लेव में 120 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए एक प्रेशर के अंडर रख देना है। क्या होगा कि कंटेनर के अंदर ना कुछ अमाउंट अगर वो लीक होगा ना, तो उस डाई का अंदर बढ़ेगा, अंदर बढ़ेगा मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट है एपीआई है अंदर, उसका कलर चेंज हो जाएगा, जो कि आप इजीली देख सकते हैं और पता कर लेंगे कि हाँ जी हमारा लीकेज है या फिर नहीं है। तो ये जो सारे टेस्ट हमने पांच छह देखे हैं ना, ये जो ना ग्लास कंटेनर के लिए यूज़ किए जाते हैं, उस पर परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो टेस्ट है ना हमारे, वो है प्लास्टिक कंटेनर के लिए। कुछ टेस्ट हैं, बारी बारी से देखते हैं, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला है लीकेज टेस्ट। तो इनके लिए टेस्ट करने का तरीका अलग है, ये भी लीकेज ही पता करने के लिए किया जाता है। तो आपने देखिए रैंडमली 10 कंटेनर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद उनमें वाटर को फिल कर देना है, उसको सील कर देना है, सील करके उल्टा रख देना है 24 घंटे के लिए, और वहाँ पे उसके बाद आपको ना कुछ अमाउंट वाटर का बाहर निकला हुआ मिलेगा, और उसी से आपने पता कर लेना है कि वहाँ पे लीकेज है। क्लियर हुआ। दूसरा है कोलेप्सिबिलिटी टेस्ट। कोलेप्सिबिलिटी टेस्ट जो किया जाता है ना, वो उन सारे कंटेनर के लिए किया जाता है, जैसे कि हमारी आई ड्रॉप होती है ना, उसको हम स्क्वीज करते हैं। इसके सिंपल मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ कि आई ड्रॉप तो नहीं है, आप समझो जैसे कि हम आई ड्रॉप को ऐसे दबा करके निकाल देना बाहर, तो ये उन्हीं के लिए किया जाता है टेस्ट, उसको हमें कोलेप्सिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। लिखा है कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन कंटेनर विच आर स्क्वीज टू रिमूव कंटेंट, जिसके आई ड्रॉप है, क्रीम कंटेनर वगैरह है उनके लिए। तो इसको पता करने के लिए ना, कोलेप्सिबिलिटी टेस्ट को करने के लिए एक हम इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, वो है हमारा कोलेप्सिबिलिटी टेस्टर। तो यहाँ पे हम इस टेस्ट को क्यों परफॉर्म करते हैं, तो लिखा है कि दिस टेस्ट इंश्योर दैट कंटेनर यील्ड्स एट लीस्ट 90% ऑफ इट्स कंटेंट एट द रिक्वायर्ड फ्लो रेट एंड नॉर्मल टेम्परेचर। कि अगर आपके कंटेनर में ये पता करते हैं कि अगर आपका जो कंटेनर वगैरह वो 90% तक भरा हुआ है, तो वो जितना भी हम वहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं निकालने के लिए, क्या उतने प्रेशर पे वो रिक्वायर्ड अमाउंट ट्रक का निकाल पा रहा है या नहीं निकाल पा रहा है, तो ये हमारा कोलेप्सिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। क्योंकि कई बार हमारे कंटेनर बहुत हार्ड भी बन जाते हैं, तो वो मेडिसिन निकाल नहीं पाते हैं, समझ आ गया। तो यह है कोलेप्सिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट देखिए ट्रांसपेरेंसी टेस्ट। ये हम चेक करते हैं कि हमारा जो कंटेनर वो ट्रांसपेरेंट है या फिर नहीं है। तो इसके सिंपल तरीका है कि आपने देखिए 5 कंटेनर सेलेक्ट करने हैं, और उनमें ना एक नॉर्मल डाइल्यूटेड सस्पेंशन भर देना है। सस्पेंशन भर दिया आपने 5 कंटेनर में, और एक कंटेनर में आपने वाटर को भर देना है। अब दोनों को ना कंपेयर करना है कि वाटर वाला ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है या फिर सस्पेंशन वाला। देखिए अगर वाटर वाला भी धुंधला नज़र आ रहा है, मतलब कि आपके पैकेजिंग मटेरियल में वही कोई दिक्कत है। अगर सस्पेंशन वाला ज़्यादा आपका धुंधला नज़र आता है, मतलब कि वो मेडिसिन में ही ज़्यादा धुंधलापन है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वह वाटर वेपर परमिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है कि अगर आपकी जो मेडिसिन यानी कि लिक्विड फॉर्म में भरी हुई है किसी प्लास्टिक कंटेनर में, तो वो वेपर्स के रूप में बाहर तो नहीं निकल रही, उसकी परमिबिलिटी कितनी है, ये चेक हम करते हैं इस टेस्ट से। तो लिखा है कि दिस टेस्ट परफॉर्म टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वाटर वेपर थ्रू कंटेनर। तो यहाँ पे आपने कैसे करना होता है कि सबसे पहले आपने 5 कंटेनर लेने हैं, और उनको ना वाटर से फिल कर देना है, अच्छी तरह सील टाइट कर देना है, या एल्यूमिनियम की फॉइल से ऊपर से टाइट कर देना है। देन उनको ना पहले आपने वे कर लेना है कि आपने 5 कंटेनर लिए, उनका वजन कितना है, वे कर लिया। देन उसको ना 14 दिन के लिए ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि 60% या प्लस 60 या बोलते 5% पर रख देना है, इतनी ह्यूमिडिटी पे और इतने टेम्परेचर पे, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 14 दिन के लिए रख देना है, 2 हफ्तों के लिए। तो पहले जो वेट किया था वो, और लास्ट में आपने जो वेट करना होता है वो, तो उनका ना डिफरेंस हम निकालते हैं। अगर वहाँ पे वेट बढ़ा या वेट कम हुआ, तो मतलब कि वहाँ पे ना हमारी वाटर वेपर परमिएबल है, वाटर वहाँ से लॉस्ट हो रहा है। तो ये जो है ना 0.2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके लिमिट में।
अब देखिए लास्ट में एक और हमारा टेस्ट हुआ है क्लेरिटी ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट, कि जो हमारा जो प्लास्टिक के कंटेनर है, सपोज ये हमारा प्लास्टिक का कंटेनर है, तो हम ये चेक करते हैं कि इसका जो ये सारा जो पार्ट है, अगर हम इसको कट करें और इसके हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, तो जो उसका एक्सट्रैक्ट निकलेगा वो क्लियर रहेगा या बोलते तो टर्बिड रहेगा, ये चेक करते हैं। तो लिखा है कि दिस टेस्ट परफॉर्म टू इंश्योर दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ कंटेनर इज कलरलेस एंड फ्री फ्रॉम टर्बिडिटी। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखा है कि सेलेक्ट अनलेबल्ड अनमार्क्ड पोर्शन फ्रॉम सुटेबल कंटेनर। ये आपका कोई कंटेनर है, इससे सपोज आपने इतना पार्ट प्लास्टिक का कट कर लिया, ठीक है, अब उसको ना छोटी छोटी स्ट्रिप में काट देना है। लिखा है कि कट द पोर्शन इनटू स्ट्रिप, छोटी छोटी स्ट्रिप में, छोटे छोटे पार्ट में इसको हमने प्लास्टिक को काट दिया, उनका जो डायमीटर है वो मोर देन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतने स्क्वायर से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो उसको हमने छोटे छोटे स्ट्रिप में कट कर लिया, अब उन्हीं स्ट्रिप को अपने ना वॉश कर लेना है डिस्टिल्ड वाटर से। अब देन उन्हीं सारे स्ट्रिप्स को ना अपने ट्रांसफ़र करना होगा एक फ्लास्क के अंदर, जो कि पहले से ही क्रोमिक एसिड से धुल दिया जाता है, वॉश कर दिया जाता है। अब जब उस फ्लास्क के अंदर ये हमारे स्ट्रिप पहुँचाई जाएंगी, फिर उसको कवर कर देना है फ्लास्क को और ऑटोक्लेव पर रख देना है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए। देन आपने ना यही सेम प्रोसेस केवल वाटर के लिए भी दोहरानी होगी। आपने वाटर लिया, वाटर को आपने फ्लास्क में रखा और इतने टेम्परेचर पर रख दिया 30 मिनट के लिए। देन हम वहाँ पर कंपेयर करते हैं कि जो हमारा एक्सट्रैक्ट है वाटर वाला वो, एंड जो हमारा जो मतलब कि जो प्लास्टिक का कंटेनर है उसका जो एक्सट्रैक्ट है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, वो कलरलेस है या उसमें टर्बिडिटी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ना आपको फाइनली ये जो ना सारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, सारे जो नोट्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं फार्मेसी वाला ऐप पर। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट में हम मिलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट कोई भी सब्जेक्ट आप बताना मेरे को कमेंट करके। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।